सा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें से हम लोगों ने कल बात की थी कि ये टॉपिक हमको इसके अंतर्गत पढ़ना, हेल्थ, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स एंड कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल रिव्यूज के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप लिखते जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इस नाते हम थोड़ा इसको पीडीएफ से जल्दी से इसको खत्म कर लेंगे और समझते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ शेयर भी कर दी जाएंगी लास्ट में, ठीक है। तो हमारा पहले आएगा जो, ठीक है, हम लोग बात करते हैं, कल देखे थे हम लोगों ने कि बात किया था हेल्थ के बारे में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस, ठीक है। ये नहीं होता इसका मीन्स, ठीक है, कि कोई भी आदमी क्या है डिजीज फ्री हो या फिजिकल फिटनेस हो उसे हेल्थ बोलेंगे। इसकी डिफिनीशन देखो यहाँ पे लिखी गई है, डिफिनीशन जो है हमारी, ठीक है, जो डिफिनीशन है हमारी क्या है, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज कम्प्लीटली फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स होना चाहिए। यानी बात कर रहा है कि फिजिकल मेंटल एंड सोशल बींग्स होना चाहिए, यानी वेल डेवलप होना चाहिए, हमारे फिजिकल से भी हमारे अच्छे से रहें, मेंटल से भी और सोशल से भी, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि डिजीज बोल दिए कि डिजीज, हमको कोई डिजीज नहीं है तो हम फिजिकल फिटनेस है, नहीं, ठीक है, या फिर हेल्थ हमारी सही है, मेंटल भी हमारे समझ दिमाग से भी सही होना चाहिए, सोशल या आपके अगल बगल कौन रहे, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके लाइफ में, वो भी ध्यान देना है, और फिजिकल तो रहना ही रहना है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम हेल्थी मैन बोले जाएंगे, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, क्या आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, कल हम बोले थे इन इंक्रीज लॉन्गिविटी, हमारी यदि हम हेल्दी रहते हैं तो हमारी लाइफ की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है, हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट मेक्स टू पर्सन टू वर्क इफिशियंसी, ठीक है, हमारा आदमी कोई भी यदि फिजिकल फिटनेस है, यदि हम लोग फिजिकल फिट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी से वर्क कर सकते हैं। पहला हमारा लॉन्गिट्यूटी है हमारा, कि हमारी इंक्रीज लॉन्गिट्यूटी है हमारी, मतलब साइज हमारी बढ़ जाएगी, हमारी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यदि हम हेल्थ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प टू गेन इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पैसा हम कमा सकते हैं यदि हेल्दी रहें तो, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी हम बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप बीमार रह रहे हैं, हमेशा बीमार रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी हमारी, हमारा जो सोशल बींग्स है वो भी दिक्कत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यदि हेल्दी रहे तो रिड्यूस इनफेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी ऑफ द रेट, ठीक है, जो मृत्यु दर की रेट है यानी मरने की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी यदि हेल्दी रहते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ है कि इंक्रीज लॉन्गिट्यूटी हमारी क्या होगी, साइज, सेल की साइज बढ़ती जाएगी, यानी सेल की साइज बढ़ना यानी हमारी जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, इट मेक द पर्सन टू वर्क इफिशियंसी, हमारा कोई भी वर्क आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेन इकोनॉमिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड, रिड्यूस इनफेंट यानी, और सेकेंड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, हम गुड हेल्थ को कैसे प्राप्त करेंगे। तो बैलेंस डाइट कर लें यदि हम लोग, ठीक है, क्या करें हम लोग, बैलेंस डाइट, पहला क्या है हमारा यहाँ पे, बैलेंस डाइट की बात कर रहा है। सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, ठीक है, मेंटेनेंस करना पड़ेगा हमको पर्सनल हाइजीन को लेके, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें योगा हैज बीन प्रैक्टिस साइंस द इमोरियल मेंटेनेंस फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग्स, ठीक है, यदि हम योगा करें तो, ठीक है, हम लोग ये सब जानते हैं चीजें को जल्दी खत्म करते हैं। गुड हेल्थ यानी हम कवर करेंगे बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, डिजीज के बारे में हमको पता चलनी चाहिए, डिजीज हो रही है उससे कैसे हम लोग बचाव करेंगे, सुरक्षा क्या क्या, उसके खिलाफ दवा है क्या, वैक्सीन है, ठीक है, एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमारे अगल बगल जो कूड़े कचरे हैं या फिर गंदगी है, वेस्टेज मटेरियल है, उसको हम प्रॉपर तरीके से हटाए रखें और साफ सुथरा रखें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये सब चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था थोड़ा, फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ, ठीक है, पहला हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बस एम्यूनोसाइटोसिस हमारा जो हम पढ़े थे रिप्रोडक्शन में, एम्यूनोसाइटोसिस में क्या करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग चेक करके वहां पे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है, ये इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है कि हमको कुछ नहीं था, बगल में आदमी बैठा था जो इन्फेक्टेड था, हमको इन्फेक्शन दे दिया, ठीक है, इससे भी हमारा हेल्थ क्या होगा, इफेक्टेड पड़ेगा। एंड बताए थे आपको मोस्ट हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर के बारे में, ठीक है, लाइफ स्टाइल फैक्टर के बारे में भी हमारा काम करता है, ठीक है, आप कैसे रह रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे खा रहे हैं, सब चीजें आपकी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ती हैं। आप क्या करें, हमेशा आप बाहर की चीजें खा रही हैं, ठीक है, तेल में चना हुआ जो भी चीजें, तो भी हमारी हेल्थ
डिफेक्ट पड़ेगी, हमको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सब क्या होंगे, हमको एक है डिस्ट्रीब्यूशन, एक रेशियो हमको खाना है, ठीक है। अब देखो डिजीज है, इट इज द स्टेट और कंडीशन विच द फंक्शनिंग वन मोर बॉडी ऑर्गन एडवर्सली अफेक्टेड शोइंग सर्टेन साइन एंड सिम्टम, ठीक है। हमको डिजीज पता कैसे चलता है, ठीक है, यदि हमको कोई सिम्टम्स हो या फिर साइन नहीं हो रहा है बॉडी ऑर्गन पे या कहीं पे भी, तो हमको डिजीज नहीं पता चलेगी, हमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि कहीं पे आपको, ठीक है, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया और पेन होने लगा, तो हम जानते हैं कि पेन हो रहा है, यानी कुछ हमारा यहाँ पे हो रहा है, पेन, फीवर बढ़ जाना, वोमिटिंग होना, सिर दर्द होना, हेडेक होना, ठीक है, सब चीजें जितने भी हैं सब क्या हमारे सिम्टम्स हैं डिजीज के। यदि ये ना हो तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, जब नहीं होगा तो हम जाएंगे ही नहीं। जैसे मान लो कि चोट लग गया तो हमको पेन होता है, ठीक है, पेन होता है तो हम जाते हैं कि बहुत ज्यादा लग गया, दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, हमसे रहा नहीं जा रहा, तो हम जाते हैं वहां पे, उसको हम लोग सर्टेन डिजीज, हम लोग यदि हो गए होंगे, कुछ डिजीज हो गए तो हम डॉक्टर से दवा लेते हैं, ठीक है। यदि ये सिम्टम्स अपीयर ना हो तो हमको डिजीज के बारे में पता नहीं चलेगा, अंदर क्या हो गया बॉडी में, और बाद में हमारी डेथ हो जाती है। ऐसे कई लोगों को होता भी है, किसी लोगों को सेंसेशन जो पेन होता है होता ही नहीं है, ठीक है, बॉडी बॉडी अंदर में हमारी क्या होती है, डिफेक्टेड हो जा रही है, डिफेक्टेड हो जा रही है, लास्ट में जब पता चलता है जब एक्सट्रीमली कंडीशन में, तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है, वो चीजें होती है, लेकिन वो हमारी कंट्रोल में, जब तक हमको पेन नहीं होगा तो हम जाएंगे ही क्यों। नेक्स्ट हमारा पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, किसको बोलते हैं हम लोग, डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। ये आप लोग जानते होंगे कि यदि डिजीज हो रहा है, ठीक है, डिजीज जिससे हो रहा है, जिस एजेंट से हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, पैथोजन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो पैथोजन हैज टू अडॉप्टेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट सेल। यदि हमारे अंदर पैथोजन आ गया, ठीक है, यदि हमारे अंदर क्या आ गया, पैथोजन एंट्री कर गया, हाँ, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप करना, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, पैथोजन हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऑफ होस्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो पैथोजन एंट्री गया, तो जैसे पैथोजन एंट्री करेगा तो हम एक नॉर्मली जानते हैं लैंग्वेज में कि हमारा WBC उससे लड़ना शुरू करेगा। यदि नहीं लड़ पाया, यदि हमारा होस्ट सेल ग्रोथ कर रहा है, यानी उसको जो होस्ट सेल था हमारा, जो पैथोजन है होस्ट सेल के अंदर, जो पैथोजन आया था, वो पैथोजन क्या किया, अपने अनुसार वो इन्वायरमेंट को वहां पे ढाल दिया, अपने इन्वायरमेंट को बना रखा, तभी ग्रोइंग हो रहा है, तभी हमको डिजीज हो रही है। ये पैथोजन के पास एक कैपेसिटी होती है कि जहां पे जाए उसकी अकॉर्डिंग के कारण वो क्या करता है, अपना इन्वायरमेंट वहां पे रख लेता है, अपनी इन्वायरमेंट बना लेता है और अपनी ग्रोथ बढ़ा लेती है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हम लोग हैं, हमारे हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, कहीं पे भी जाए तो प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी जाओ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, कई लोग होते हैं नॉर्मली 80 to 85% को यदि भेजा तो प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज्यादा होती है चीजों को, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहे हुए हैं, कैसे रहे, हमारा कंफर्ट जोन में रहे हुए हैं, इस कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। बट ये काम नहीं करना हम लोगों को, ठीक है, ये काम नहीं करना, हमको जहां भी जाए हम लोग अडॉप्ट कर जाए वो बेटर है, ठीक है। तो ये पैथोजन के बारे में, पैथोजन हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमको पढ़ना जाना जो मेन टॉपिक है यहाँ पे हमारा, टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज की बात करें तो फर्स्ट है कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है, कौन सा हमारा, फर्स्ट की बात करें कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज यानी जो हमको कहाँ से मिले, इतना एक मिनट ऊपर चला गया, ठीक है, चलो, ठीक है, ये हमारा है कॉन्जेनाइटल डिजीज। एक कब प्रेजेंट होता है, बाय द बर्थ, ठीक है, कब से प्रेजेंट होता है, बाय द बर्थ या इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स से आया है, उसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। जिसमें हम बात करते हैं, देखो टर्नर सिंड्रोम से है, एल्काप्यूरिया हो गया, PKU है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया भी होता है, क्लिनफिंडर सिंड्रोम एंड एक्सेट्रा, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब जितने भी हैं, हमको यदि पेरेंट्स से क्रोमोसोमल के कारण से हमको आगे एंट्री कर गए तो उसे बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज, जो हमको पहले से मिल गया, पेरेंट्स से मिला, ठीक है। दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज, हम एक्वायर्ड किए हैं, ठीक है, उसको प्राप्ति किए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, ये हम लोग एक्वायर्ड किए हैं, जिसे बोलते हैं, इसमें दो तरीके से आएगा, एक होगा कम्युनिकेबल, दूसरा इन्फेक्शनल डिजीज, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है, कि ये हमारा कौन सा है, कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शनस डिजीज, ठीक है। द डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्फेक्शनस डिजीज जानते ही हो, जो क्या हुआ, एक को हुआ दूसरे को भी ट्रांसफर हो जाए, जैसे अभी कोरोना में था, ये भी कैसा था, इन्फेक्शनस डिजीज था। इसमें बात करें इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबर
ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कुछ और भी डिजीज हैं जो क्या होते हैं हमारे इन्फेक्शन के थ्रू, यानी एक पर्सन को यदि आप उसके बगल में बैठ रहे हो तो दूसरे पर्सन को होना 100% चांसेज है, चांसेज है, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, 100 इम्यूनिटी के ऊपर होता है कि दूसरा पर्सन जो है, दूसरा एनदर जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी कैसी है। तो इसे बोलते हैं इन्फेक्शनल डिजीज जो एक्वायर्ड किया गया हमारा बर्थ से नहीं मिला। नेक्स्ट हमारा नॉन कम्युनिकेबल या फिर बोलते हैं उसे नॉन इन्फेक्शनस डिजीज, ठीक है, ये क्या होगा, कभी भी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, नॉन इन्फेक्शनस, नॉन कम्युनिकेबल यानी ट्रांसफर्ड नहीं होगा, बट किसी डिफिशियंसी, किसी के कारण, जैसे मान लो विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, उसके कारण डिजीज हो जाए हमारे बॉडी में, उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शनस डिजीज। इसमें है डिफिशियंसी डिजीज, ये आप लोग पढ़े होंगे, डायरेक्ट चलो ठीक है, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन के बारे में। पहला हमारा देखो विटामिन B1 के कारण जो होता है डिजीज से बोलते हैं बेरी बेरी, स्कर्वी हमारे विटामिन सी के कारण होते हैं, और ये आपको पूछा जाएगा क्योंकि इस साल ये NCERT में डाइजेशन चैप्टर में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें हमारा आप लोगों के पास NCERT नई वाली NCERT होगी तो उसमें होगा डाइजेशन चैप्टर में इंक्लूड किया गया है कि प्रोटीन के कारण जो कमी डिजीज होती है उसे बोलते हैं क्वासिकोर्स या मर्मस, ठीक है, क्वासिकोर्स या मर्मस बोला जाता है। ठीक है, कोई हिंदी में लिखा हुआ जो हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा इसको हटा देते हैं। ठीक है, मर्मस डिजीज होता है हमारा क्वासिकोर है, मर्मस डिजीज हमारा होता है जो प्रोटीन के डिफिशन, यानी हमको किसी चीज की कमी होगी उसके कारण जो डिजीज है, तो विटामिन के B1 के कारण बेरी बेरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, क्वासिकोर एंड मर्मस किसके कारण हमारा प्रोटीन के कारण जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं क्वासिकोर एंड मर्मस। ठीक है, कैंसर होता है, कैंसर लोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं तो आजकल क्या है माइंड में कई लोगों को रहता है, बहुत लोगों को अभी भी गांव में है जहाँ पे उतना नॉलेज नहीं है, तो जब किसी को कैंसर हो जाता है ना लोग दूसरे लोग उसे छूने देते हैं और अलग रूम में रख देते हैं। ठीक है, बट ये नॉन इन्फेक्शनस डिजीज है, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसके बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इट मेजर कॉजेज ऑफ डेथ एमंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इससे जब हमारा कैंसर पढ़ते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें कैंसर लास्ट में टॉपिक आया, डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्यों बोला जाता है, या स्टेज 1, 2 एंड 3 क्यों बोला जाता है कैंसर का। ठीक है, तो ये भी कैसा हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब देखो यदि हम लोग पढ़े इन्फेक्शनस डिजीज की बात करें या फिर हम लोग ट्रांसमिशन डिजीज की बात करें कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी बात क्या करेंगे, तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में पहला जो दिया गया आपको, ठीक है, फर्स्ट जो दिया गया उसे बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, नो इंटरमीडिएट एजेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, कोई चीज के बीच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी को डिजीज हुई है, आप हैंड शेक किए, यदि हैंड में है तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया, उसको कोई बीच में रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड मतलब एक पर्सन, अब ये जो हम लोग किए, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हम डिजीज के ही आ गए, बट हम लोग यदि हाथ से मिलाते हैं तो क्या हो गया, ये हमारा जो डिजीज था पहले इस पर्सन को हुआ फिर अनदर पर्सन को हुआ, यानी पर्सन हो क्या है मीडिएटर है। ठीक है, हम एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहे हैं कि यदि इस पे डिजीज कोई हुई हम उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए तो हमको हो गया नो इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकेंड हमारा इसी में डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देखो यही हमारा पहला कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये आप लोग जानते हो कि चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और लाइफ में कई लोगों को मानते हैं कि 50-55% लोगों को होता ही है। ठीक है, जिसमें से चिकन पॉक्स तो ठीक है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स ठीक है, दोनों सेम है, बस अलग अलग हम लोग को वायरसेस होते हैं, अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, एक कुछ समय लगता है, एक थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स जैसे किसी आदमी को है, आप जाकर उसको टच करोगे तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि सॉयल में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आप काम कर रहे हो आपके, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, जंग लगी हुई है, यानी क्या हो गया पूरा, ठीक है, वो खराब हुई हुई है, फिर हमारी जो पीवी लेड है हमारा, ठीक है, लेड बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा जो भी उपकरण है, जो भी जिस हथियार मानते हैं, जो भी चीजें हैं हमारे, ठीक है, उसको हम टच किए या फिर कट गया हमारा जंग लगी हुई तलवार से या चाकू से जिससे भी, तो हमको टिटनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो टिटनेस के जो बैक्टीरिया है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉयल में होते हैं, यदि हमको सॉयल से कुछ ऐसा हुआ तो हमको टिटनेस होने के चांसेस है, तो कॉन्टेक्ट विद सॉयल
नेक्स्ट है थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो बीमारी होती है यानी आपको प्लेसेंटा से आ सकता है, पहला है एड्स और जर्मन मीजल्स। ठीक है, एड्स भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हमारा किससे, यदि किसी को है, मदर को है, तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा माने यानी हमको बेबीज जो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यदि मदर को कोई बीमारी है तो दो बीमारी हम यहाँ पे बात करेंगे जो जिसमें मोस्टली कौन सा हमारा एड्स की बात करते हैं, तो डायरेक्ट हमारा क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है किसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबीज को, तो मोस्टली चांसेज होते हैं कि यदि मदर को एड्स है तो बेबी को एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइट द एनिमल। जानते हो आजकल क्या होता है, पालतू जानवर हम रखते हैं तो उनके लिए इंजेक्शन आते हैं, समय पर लगवाने पड़ते हैं, यदि वो काट दिया आपको, ठीक है, तो आपको रेबीज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो एक यूज हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन है बाइट द एनिमल थ्रू प्लेसेंटा, कॉन्टेक्ट विद सॉयल एंड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब अब उनके बीच में कैरियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो डायरेक्ट किसी को कॉल नहीं कर सकते, पर उनके लिए वेक्टर्स होते हैं, व्हीकल होते हैं, वो क्या करते हैं सेपरेट करते रहते हैं। देखो जैसे लिखा है एंड ट्रांस एंड इंटरमीडिएट एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है आर्थोपोड वेक्टर्स। ठीक है, आर्थोपोडा यानी बोलते हैं गुजराती में, उसको बोलते हैं संधिपाद बोलते हैं। ठीक है, आर्थोपोड यानी ज्वाइंट अपेंडेजेस डायरेक्ट आता है हमारा। ठीक है, एनिमल किंगडम में ज्वाइंट अपेंडेजेस बोला जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं आर्थोपोड्स बोला जाता है। अब आर्थोपोड में है, इसमें इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे हमारा है फीमेल एनाफिलीज। कौन सा हमारा फीमेल एनाफिलीज, एक क्या करता है हमारा सेपरेट करता है मलेरिया, उसको नहीं होता है, फीमेल एनाफिलीज को मलेरिया नहीं होती, बट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह रेट फिला है जो प्लेग के लिए काम करता है। आप लोग बताए थे कि बायो वार में हम लोग यूज कर सकते हैं, प्लेग पी का यूज किया गया है। एंड हाउस फ्लाई है जो घर में वो कॉलरा काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, यानी हाउस फ्लाई यदि घूम रहा है तो डिजीज कॉज कर सकती है, आपको हो सकता है। तो कुछ हमारे ऑर्थोपेड वेक्टर हैं जो इनडायरेक्ट आसपास, इनडायरेक्ट मतलब कोई एजेंट के, ये यदि नहीं एजेंट रहे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, यदि देखो जैसे मान लो मलेरिया है, हम क्या करते हैं मॉस्किटो को मारते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो यदि वो डायरेक्ट होता है एक को मलेरिया और दूसरे को मलेरिया, ठीक है, तीसरे को मलेरिया, तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती वो आजकल टर्म में, तो मलेरिया के हम लोग वैक्सीन बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मलेरिया की वैक्सीन बनाना ही पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता है, मॉस्किटो मारो मलेरिया फ्री रहो। ठीक है, तो मॉस्किटो है, उसी तरह प्लेग रेट फिला था उसको मारा गया, हाउस फ्लाई में कॉलरा है हमारा। ठीक है, ये कॉज करते हैं। कुछ हमारे एयर्स में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया वायरस जो भी माइक्रोब्स हैं जो हमको डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड नॉर्मली चलता जा रहा है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, एपिडेमिक मतलब खतरनाक, बहुत ज्यादा टाइफाइड जिसमें क्या होती है डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा देखा नहीं गया बेटा। ठीक है, एयरबॉर्न नहीं बोल सकते हम उसे एयर कोरोना से। यदि मान लो बेटा कि यदि एयरबॉर्न रहता है, ठीक है, क्या रहता है हमारा एयरबॉर्न डिजीज रहता है, तो अभी क्या होता है बहुत बिगेस्ट चैलेंज आ जाता हम लोगों के लिए। ठीक है, और इतना जल्दी आपके इंस्टीट्यूट खुलता नहीं बेटा। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ठीक है, क्योंकि एयरबॉर्न होता तो सबको हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न क्या था कि नजदीक में पास में आने से यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो निकल के एयर में कुछ देर तक जिंदा रहते हैं और वहां तक पहुंच गए तो आपको डिजीज कॉज किया जा सकता है। तो कुछ हमारे एयरबॉर्न डिजीज है कॉमन कोल्ड, निमोनिया, एपिडेमिक टाइफस की बात कर रहे हैं। अब देखो कुछ हमारे ह्यूमन कैरियर है जिसको बोलते हैं टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइफाइड के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। हाँ, वाटर से भी हो सकते हैं डिजीज, यदि हम प्रदूषित कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा रहे हैं तो उससे भी हमको डिजीज हो सकते हैं। और भी डिजीज है बहुत ज्यादा। ठीक है, वाटर बॉर्न है हमारे, एयर बॉर्न है, सॉयल बॉर्न है। ठीक है, और भी है बहुत ज्यादा। एपिडेमिक टाइफस मीन्स होता है, एपिडेमिक मतलब बहुत खतरनाक टाइप, जिसमें चांसेस मोर टू मोर डेथ होने की होती है, तभी हमारी हालत क्या होती है, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक टाइफस बोला जाता है। टाइफाइड की बात करते हैं। ठीक है, एयरबॉर्न ये सब हम नाइन्थ में पढ़ते हैं, एयरबॉर्न, सॉयल बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, कई हैं इस तरह। ठीक है, तो बस एक बताने का तरीका था कि इस तरीके से भी हो सकता है। ह्यूमन कैरियर में टाइफाइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैरी मेलोन थी जो हमारी एक किचन में खाना बनाती थी। ठीक है, जो क्या करती थी, खाना बनाती गई और लोगों को टाइफाइड फैलाती गई। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैरियर की काम है करती थी वो। ठीक है, चल
अब हाउ पैथोजन कॉज डिजीज, कैसे कैसे कॉज कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या डिजीज हमको कॉज हो सकती है, कैसे कॉज कर सकते हैं। तो पहला है टिश्यू डैमेज, ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा कौन सा है, टिश्यू डैमेज की बात करते हैं। टिश्यू डैमेज में क्या होता है, हमारा रेबीज वायरस है, हाँ, निमोनिया भी है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे बेटा, एक एक करके डिजीज पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में वो भी पढ़ेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा टिश्यूज डैमेज, जिसमें रेबीज वायरस डैमेज ब्रेन टिश्यू। यदि आपको बंदर काट लियो, ठीक है, यदि आपको बंदर, डॉग, ऐसा मंकी, ये सब काट लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं, यानी ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो एक तरह का एक डिजीज है जिसमें हमारा टिश्यू डैमेज होता है, मेनली कौन सा, देखो लिखा हुआ है रेबीज वायरस डैमेज ब्रेन टिश्यू, ठीक है। दूसरा, कुछ हमारे टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ हमारे क्या करते हैं, टॉक्सिन सिक्रीट करके हमारे हमारी बॉडी को डिजीज कॉज करते हैं, हमको डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें से टॉक्सिन में दो है हमारा, एक है एक्सोटॉक्सिन, दूसरा कौन सा हमारा, एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन में क्या है, टॉक्सिन इज रिलीज एज सून एज सिक्रेट, जितना जल्दी हो सके उतना क्या कर सकता है, हमारा टॉक्सिक सिक्रीट कर देता है और डिजीज कॉज सिम्टम अपना अपियर करना शुरू कर देता है। जैसे टिटनेस की बात करते हैं, 24 आवर्स में, 24 से 48 आवर्स के अंदर हमको इंजेक्शन लगा दे, नहीं तो अपना काम करना ये शुरू कर देता है। उसी तरह हमारा डिप्थीरिया भी होता है, जो एंडो एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है। सेल सिक्रीट, हाँ, सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिन रिलीज है सून है सिक्रीट है, ठीक है। दूसरा हमारा एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन इज रिलीज व्हेन बैक्टीरिया डाई एंड डिसइंटीग्रेट, ठीक है। अब देखो, टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर गया, ठीक है, बॉडी के अंदर गया, हमारा सेल सिक्रीट करना चाहेगा, ठीक है, हमारा आप तो सेल जानते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल है जैसे ही आएगा उसको मारना चाहेगा जरूर, 100% वो क्या करेगा कि हम इसको किल कर दें, उसका काम ही है हमारे बॉडी का, ठीक है। बट किसी वजह से वो नहीं मार पाया तो हमको डिजीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जैसे हजारों बीमारियां, हमारे हजारों बैक्टीरिया कौन अंदर जा रहा है, तो हमको ऐसा थोड़ी ना कि पर डे हम बीमार रहते हैं या कुछ डिजीज होती, नहीं, हम लोग फाइट करते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उससे लड़ते जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है कि जैसे ही अंदर आते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, उसको किल करना शुरू कर देती है, जैसे हमारा एक्सोटॉक्सिन, दूसरा हमारा एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन रिलीज व्हेन बैक्टीरिया डाई एंड डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। जिसमें हम लोग बात करते हैं कुछ डिजीज के बारे में, टाइफॉइड है, डिसेंट्री है एंड कॉलरा है, ठीक है, और भी है एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग, एक एक को उठाते हैं और पढ़ते चलते हैं। पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, फिर वायरस डिजीज पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे, तो इस तरह पढ़ते चलेंगे बेटा, ठीक है। चल, तो देखो कुछ पॉइंट है जो आपको तो नहीं जानना है, ठीक है, अब कुछ है जो आपको जानने है, जो जानने उसको टिक करते जाएंगे, जो नहीं होगा हम उसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हैं पॉइंट जो थोड़ा सा आपके ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज जो आपको जानने, बस वही पॉइंट रखना, वो फिर आपके व्यूज में सारी चीजें बताई जाएंगी। बैक्टीरियल डिजीज में पहला हम बात करते हैं कॉलरा की, पहला किसकी बात करेंगे, कॉलरा की। तो आपको ये देखो, जितना भी डिजीज है बैक्टीरियल के, आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी कि पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट सॉरी, साइन एंड सिम्टम। ट्रीटमेंट आपको याद है, ठीक है, नहीं याद है तो भी चलेगा। तो कॉलरा में पहला है पॉजिटिव एजेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट जो है हमारा विब्रियो कॉलरी, ठीक है, कौन सा हमारा है, विब्रियो कॉलरी, उसी से नाम है कॉलरा से, विब्रियो कॉलरी। मोड ऑफ स्प्रेड हमारा देखो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्या हमारा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एक मिनट, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारा, ठीक है, मोस्टली जो बैक्टीरियल डिजीज है कंटामिनेटेड एंड फूड एंड वाटर से है। साइन एंड सिम्टम से क्या है, फ्रीक्वेंटली वोमिटिंग एंड स्टूल, ठीक है, ठीक है, हमारा क्या होगा, फीकल मैटर, जल्दी जल्दी हम लोग, ठीक है, हमारा होता बोलते हैं, ठीक है, डाइजेशन नहीं हो पाता ढंग से, ठीक है, हमको भूख नहीं लगती, बट स्टूलिंग चालू है हमारा। दूसरा, फ्रिक्वेंटली वोटिंग भी चल रही है, वोमिटिंग करते जा रहा है कोलरा में, यानी कुछ ऐसा खा लिया हो, अब जैसे उसको वोमिटिंग होना शुरू हो गई, स्टूलिंग चालू हो गई, तो हम समझ सकते हैं कि क्या इसको विब्रियो कोलराई काज कर दिया, बैक्टीरिया इसको कोलरा काज कर चुका है। अब इसको चेकअप के लिए जाएंगे लेके, ठीक है, क्या करेंगे, इसको चेकअप के लिए ले जाएंगे। तो उसमें जो ट्रीटमेंट, देखो ट्रीटमेंट तो नहीं पहुंचा था तुम लोगों को वैसे बेटा, ठीक है, कॉलरा, ठीक है, अभी रुको बेटा एक मिनट, ठीक है, अभी बताते हैं किससे होता है कॉलरा। कॉलरा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई हमारा है, अभी जस्ट ऊपर ही पड़े हैं, ठीक है, कि हमको देखो यहाँ पे पड़े थे मोड ऑफ, देखो यहाँ पे देखो कॉलरा है हमारा, हाउस फ्लाई, ठीक है,
हाउस फ्लाई से हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो आ रहा है बेटा। चलो तो हाउस फ्लाई के कारण, हाउस फ्लाई जैसे मान लो हाउस फ्लाई है, अब नालीज पे बैठी है, कहीं पे बैठी हुई, ठीक है, अब हर जगह बैठी हुई है, ठीक है। अब जब बैठी हुई है तो क्या करेंगे, आपको डिजीज कॉज तो करेगी ही, ठीक है। उस पर हमारे कोई चीज खराब चीज है, जाके हम खाने पर रख दिया, खाना खराब हो गया, हम उसको खा लिए, तो हमको क्या होगा, कॉलरा होना चांसेस है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट तो नहीं पूछा था बेटा आपको, ये पूछा जाएगा आपका पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ स्प्रेड, साइन एंड सिम्टम, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखो नहीं पूछा था, बट जान लो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, सलाइन ड्रिप्स होती है छोटी छोटी। अब देखो वोमिटिंग हो रही है, स्टूल जा रहा है, यानी हमारी क्या होगी, पीएच हमारी पूरी की पूरी बॉडी की गायब होती जा रही है, ठीक है, पीएच हमारी बैलेंस बिगड़ रही है। तो ओरल ड्रॉप्स देती है रिहाइड्रेशन, जो वाटर की कमी हो गई है, वोमिटिंग हो रही है, स्टूलिंग हो रही है, वाटर की कमी ऑलरेडी हो रही है, ठीक है, और हमारा पीएच भी खत्म हो जा रहा है, तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है, सलाइन ड्रिप्स देते हैं कि क्या हो जाए, लॉस साल्ट जो है हमारा, जो पीएच है और वाटर क्या हो जाए, मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रीटमेंट है, ओरल रिहाइड्रेशन। हाँ बेटा कुछ आ रही है, ठीक है, वो नेटवर्क का थोड़ा सा कम बेसी हो रहा है, ठीक है, इस नाते आ रही है, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है, सलाइन ड्रिप टू, ठीक है। अब यदि हम लॉस्ट हो गया मतलब साल्ट, अब वोमिटिंग कर रहे हैं, स्टूलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं ओआरएस का घोल दिया जाता है, ठीक है। यदि वोमिटिंग आपको ऐसे भी नॉर्मली हो रही है, स्टूलिंग हो रही है, तो ओआरएस का घोल दिया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, सलाइन ड्रिप्स देते हैं छोटे छोटे उसको करके, बूंद बूंद करके, जिससे क्या हो गया इसकी पीएच मेंटेन रहे, ठीक है, सारी चीजें मेंटेन रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलरा के बारे में। अब देखो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, डायग्नोज की बात करते हैं, तो चेकिंग ऑफ स्टूल एंड वोमिटिंग, ठीक है, हम उसमें देखेंगे कि कॉलरा की चीजें प्रेजेंट है कि नहीं, कॉलरा को बैक्टीरिया है कि नहीं, आप वोमिट कर रहे हो यानी आपको कॉलरा हुआ है, तो उसमें डायग्नोज के लिए हम क्या करेंगे, स्टूल और वोमिटिंग को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड डिजीज है जिसको बोलते हैं टाइफाइड, और टाइफाइड आपका इम्पोर्टेंट है, टाइफाइड क्या हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है सोलमोनेला टाइफी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोलमोनेला टाइफी बोला जाता है, नाम है इसका टाइफाइड टाइफी, ठीक है, और बैक्टीरिया सोलमोनेला टाइफी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्राम निगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यानी स्पोर मतलब स्पोर के फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, और ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th में जब पढ़ेंगे, तो कैसे होता है, हम लोग स्ट्रेनिंग करते हैं तो कलर दे रहा है कलर नहीं दे रहा, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान देना है, पहला हमको पॉजिटिव एजेंट के बाद बात करना है, ठीक है, सोलमोनेला टाइफी के बारे में। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो देखो सेम है हमारा, कंटामिनेटेड फूड है वाटर, ठीक है, ये भी होता है, वो चीज हो सकता है, यानी हम यदि कंटामिनेटेड फूड और वाटर खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमको बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती है, कोई ना कोई जरूर हो ही जाता है यदि लगातार हम उसका यूज कर रहे हैं। सिम्टम्स से पूछा था ये एनसीईआरटी का आपको, सिम्टम्स मोर प्रोन्स टू पर्सन विथ ए क्लोरोहाइड्रा एब्सेंस ऑफ एससीएल इन स्टमक, पहला काम यही होता है हमारा, ठीक है, कि एससीएल की क्या हो जाती है, हमारी कमी हो जाती है, जब एससीएल की हमारे स्टमक में कमी हो गई तो जो हम खाए जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो भी गया अंदर, एससीएल क्या करता है उसको किल कर देता था, बट जब एब्सेंस हो गया हमारा एससीएल का, एससीएल है ही नहीं हमारे, तो किल कर नहीं पाएगा, और किल नहीं कर पाएगा तो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, कौन सा, सोलमोनेला टाइफी की, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीवर होता है 39 to 40 degrees centigrade में, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपिटेशन होगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेन होगा एब्डोमिनल पेन में, इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाएगा, मे टू लीड टू डेथ, यदि इंटेस्टाइनल, ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या हो गया, छेद हो गया, होल हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में छेद या होल हो गया हमारा, ठीक है, यानी ब्लीडिंग होने शुरू हो गई तो समझो अब हमारा काम खत्म होने वाला है, मे लीड टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्प्लीनोमिगैली क्या होता है, स्प्लीनोमिगैली हमारा स्प्लीन जो है ये क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी, मिगैली मीन्स होता है साइज का बढ़ जाना, और ल्यूकोपीनिया मतलब होता है, ल्यूकोपीनिया जानते हो, ल्यूकोसाइट इरिथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोमिस और ल्यूकोमिस का क्या होता है, ल्यूकोसाइट मीन्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, डब्ल्यू
बीसी की क्या हो जाएगी, डिक्रीजन हो जाएगी नंबर में, उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। तो ये सिम्टम में पहला एससीएल गायब हो गया, ठीक है, फिर ग्रोथ हो जाएगा, फीवर्स बढ़ेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कंस्टिपेशन होगा, पेट दर्द होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन के वॉल पे क्या हो जाएंगे, होल होना क्रिएट हो जाएंगे, स्प्लीन बढ़ जाएगी एंड ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने लगेगी, क्योंकि वो फाइट करते जा रहा है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसमें पूछा था टाइफाइड, हमारा यही था हमारा टाइफाइड, टाइफाइड में पूछा था डायग्नोस के बारे में, तो डायग्नोसिस कौन सा करते हैं हम लोग, विडाल टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है हमारा, विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आपको अगर विडाल टेस्ट के बारे में लिख रहा है डॉक्टर तो समझ जाना क्या कर रहा हो, डायग्नोस कर रहा है किसके लिए हमारा, टाइफाइड के लिए। अब देखो एनसीईआरटी में ही दिया तुम्हारा, एनसीईआरटी का है पॉइंट कि ह्यूमन कैरियर की बात कर रहा है कि मैरी मेलोन, ठीक है, कौन से हमारे, मैरी मेलोन थी जो टाइफाइड मैरी बोला जाता है, ये क्या थी, सी वाज ए कुक एंड कंटिन्यू स्प्रेड टाइफाइड टू सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड ऑफ द सी प्रिपेयर्स, ठीक है, ये क्या कर रही थी, हमारा फूड को प्रिपेयर करती, किचन में कुक थी, जिनको था लेकिन उसको पता नहीं था, और सबको खाना देती गई, बनाती गई, जो खाना बना रही तो खाएंगे लोग, और कई लोगों को इस तरह स्प्रेड हो गया, ठीक है, कई लोगों को टाइफाइड हो गया, बाद में सब लोग एक साथ बीमार पड़ने लगे, तो चेक इन किया गया, जब चेक इन किया गया तो उन सबों को क्या था, टाइफाइड था, और मैरी मेलोन को ही टाइफाइड पहले था, ठीक है। तो ये पूछा क्या है, मैरी मेलोन किसने हमारा, टाइफाइड हमारा, डायग्नोस हमारा विडाल टेस्ट है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिजीज है जिसको बोलते हैं हम लोग डिप्थीरिया, ठीक है, नेक्स्ट डिजीज कौन सा हमारा, डिप्थीरिया। अब देखो इसका नाम इसी से हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, कौन सा हमारा है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी बोला जाता है उसको, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो अभी तक जो डिजीज पड़े हैं कैसा था हमारा, मोड ऑफ स्प्रेड कैसा था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बट यहाँ पे हमारा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किससे होता है हमारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, हाँ बेटा रुको देखते हैं, ठीक है, कॉस्टियोजेन कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी हमारा, ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होगा, ठीक है, फीवर होगा इसमें, ठंडी लगेगी एंड सर दर्द होगा, हेड चेक होगा हमारा, ठीक है, पहला सिम्टम हमारा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन ऑन नॉस्ट्रिल एंड थ्रोट विथ स्प्रेड डाउन वर्ल्ड कॉजिंग, ठीक है, हिजार्डनेस एंड डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे टॉन्सिल पे, यहाँ पे, ठीक है, टॉन्सिल एंड थ्रोट पे क्या हो जाएंगे, ग्रे मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, किस डिजीज में हमको, डिप्थीरिया में, ठीक है। पहला फीवर ठंडी लगेगी, पहले फीवर होगा ठंडी लगेगी फिर सरदर्द करेगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन टॉन्सिल एंड थ्रोट पे हो जाएंगे जो फिर नीचे जाएंगे जिससे हमको डिफिकल्टी फॉर द ब्रीदिंग होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड टिंग नोजल डिस्चार्ज फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल, एक नॉस्ट्रिल से, दोनों से नहीं, ओनली फॉर वन नॉस्ट्रिल से क्या होगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिम्टम्स है। नेक्स्ट हमारा टॉक्सिन अफेक्टेड हार्ट एंड नर्वस सिस्टम एंड मे प्रूव फेटल, ठीक है, ये क्या होता है, जानलेवा भी होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है हमारा, जानलेवा भी होता है, हाँ, एवरी टाइम नहीं, मोस्टली मोस्टली आपको देखो एक सिम्टम से हम ये नहीं बता सकते कि ये डिजीज हो गया, आपको ब्लड पहले चेक इन, जैसे हम लोग बढ़े थे ना डायग्नोस कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, यदि दो तीन सिम्टम उसको मिल गया, ठीक है, दो तीन सिम्टम मिल गया, जैसे देखा गया पहले ग्रे मैटर, ठंडा लगना, सर दर्द करना, फीवर आना, हर डिजीज में लगभग कॉमन होता है, हर डिजीज में लगभग कॉमन होता है मोस्टली, ठीक है। बट कुछ और इसके जो होते हैं, जैसे मान लो ग्रे मेम्ब्रेन का डिपोजिशन हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट देख रहा है कि आपके नोज, फिर पूछेगा क्या नोज से आपके ब्लीडिंग होती है, आप बोले नहीं नहीं कभी काल देखा गया, तो बोलेगा अच्छा चलो मान लेते हैं होगा, ठीक है, फिर देख रहा है उसका आपको हर्ट चेक करेगा, सांसें लेंगे, ठीक है, और ये सब, तो बोलेगा ठीक है ये चांसेज हैं, ठीक है, चांसेज हैं, तो आपको टेस्ट लिखेगा कौन सा,
ये देखो यहाँ पे लिखा है डायग्नोस के लिए कौन सा है, सिक टेस्ट के लिए लिखेगा, जिसमें आपको ब्लड जाएगा, ब्लड में यूरिन में ये सब चीजें चेक की जाएंगी, क्या इसके ब्लड में बैक्टीरिया पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। यदि होगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, आपको डिप्थीरिया की चांसेस बढ़ गई है, आप ये दवा खाइए, ठीक है। और तो डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको और भी बताया जाएगा कैसे कैसे ठीक किया था, ये हमारा पूरा फार्माकोलॉजी एक चैप्टर ही आएगा पूरा आपका, ठीक है। तो डिप्थीरिया हमारा कौन सा टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट। इसके लिए वैक्सीन बनाई गई, ठीक है, इसके लिए वैक्सीन बनाई गई जिसको बोलते हैं DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है, यानी इसको नाम दिया गया DPT, नाम दिया गया वैक्सीन का। इस वैक्सीन को हम लोग 3 डिजीज में यूज कर सकते हैं, पहला डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस, तीनों में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया में, पर्टुसिस में और टिटनेस में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पर्टुसिस एंड टिटनेस, ठीक है। तो ये था हमारा डिप्थीरिया। अब नेक्स्ट आता है, इसे देखो नाम जब पर्टुसिस तो हम पर्टुसिस पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं वूपिंग कफ या फिर ब्लैक डॉग कफिंग बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक डॉग कफिंग, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता जाता है कुत्ता खांसी, ठीक है, कुत्ता खांसी मतलब डॉग की तरह खांसना, ठीक है, आवाज बहुत तेज आती है उसमें, ठीक है, जिसे बोलते हैं पर्टुसिस या वूपिंग कफ। अब इसमें बात करते हैं कॉजिटिव एजेंट, तो बोर्डेटेला पर्टुसिस, देखो सबकी लास्ट में वही है, बस आगे वाली चीजें जीनस हमारा चेंज है, बस स्पीसीज क्या है उसी डिजीज से मिलता जुलता नाम दिया गया, ठीक है। बोर्डेटेला पर्टुसिस जो काज करता है हमारा वूपिंग कफ या पर्टुसिस, तो पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दो ही था हमारा, जो क्या था हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बट यहाँ पे देखा गया कौन सा हमारा जारी चीजें कैसी हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स क्या होंगे, कुछ नहीं होगा, वायलेंट ब्लूट ऑफ द कफ विच एंड ऑफ हुपिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड द एंड ऑफ कफ, ठीक है, यानी खांसने के बाद जब सांस लेंगे तो आवाज आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है, जब हुप करेंगे तो सांसें बहुत तेज आती हैं, ठीक है, यानी गड़गड़ाहट की आवाज आती है जिसको बोलते हैं हुपिंग कफ, ठीक है, जैसे कुत्ता खांसता है सेम टू सेम उसी तरह बहुत तेज घा घा मतलब इस तरह कुछ आवाज आती है, ठीक है, बहुत लाउडली और होता है हमारा डीपर्स होते हैं जो आवाज आती है तो उसे बोलते हैं पर्टुसिस। इसका ट्रीटमेंट हम जानते हो DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस। डायरेक्ट पूछा जाता है कि DPT वैक्सीन किसके लिए बनाया गया था, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस, ठीक है, तो टिटनेस बचाया तो टिटनेस हम लोग लिख लेते हैं। टिटनेस को बोला जाता है लॉक जॉ, होता क्या टिटनेस में, जैसे टिटनेस बैक्टीरिया यदि हमारे अंदर आ गया, ठीक है, हमको कहीं कट गया, जैसे मान लो कि ये पूरा क्या जंग लगा हुआ है, ठीक है, पूरा खराब हुआ है, रेड कलर का हो गया है, ठीक है, अब इससे जैसे ही कटा, ठीक है, तो मोर चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि टिटनेस हमारी इम्यून सिस्टम उसमें फाइट करती है, हमेशा कट जाती है चीजें तो लग जाती है चोट हमको, लेकिन टिटनेस नहीं होता है। बट जैसे मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि मतलब कोई आदमी जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो, सपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया किसी का, या फिर आप देखे होंगे ऐसे पेशेंट आते हैं आपके यहाँ, ठीक है, पेशेंट को देखे होंगे कि कहीं जा रहे थे कहीं पे जो रोड है या किसी चीजें धंस गई उनके बॉडी में, ठीक है, तो मोर चांसेज है हमारा टिटनेस होने के लिए, तो इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए हम पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन या सर्जरी या दवा देने के पहले, कि इसको टिटनेस ना कहीं हो जाए। यदि टिटनेस हुआ तो यहाँ पे गर्दन की जो है जॉ है हमारा ये हमारी ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है, यानी हमारा मसल जो होते हैं क्या हो जाते हैं स्पाज हो जाते हैं, एक जगह कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होते, हंस रहा आदमी तो हंसते हंसते मर गया क्योंकि लॉक जॉ हो जाएगा हमारा, अकड़ जाएगी जॉ, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो एजेंट है हमारा जो बैक्टीरिया है कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। ये आप लोग क्या करना है, एक A4 साइज लिखना और पॉजिटिव एजेंट और कौन सा डिजीज है उसके बारे में लिखना है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, देखो वही है, द स्पोर ऑफ द बैक्टीरिया इन द प्रेजेंट ऑफ सॉइल एंड एंट्री द बॉडी थ्रू द वुंड, यानी घाव लग गया, ठीक है, और सॉइल के थ्रू वे सॉइल में रहते हैं और आपके अंदर चले गए। अब देखो कुछ जगह पाया गया है कि बैक्टीरिया, इसके जो बैक्टीरिया है हमारे पाए जाते हैं इंटेस्टाइन और हॉर्स के बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, बट हॉर्स को टिटनेस नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इसके स्पोर्स यदि सॉइल्स में है तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो सॉइल में रहते हैं सर्वाइव फॉर 60 एंड मोर
ईयर्स, ठीक है, यानी हमारा यदि सॉइल्स में हमारा टिटनस का बैक्टीरिया है यानी क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी है वहां पे, तो 62 मोर ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 60 से और भी ज्यादा 100 ईयर्स तक होती है। ठीक है, और होस्ट के होस्ट जो होते हैं, ठीक है, उसके बैक्टीरिया हमारा पाया जाता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी कहाँ पे, इंटेस्टाइन पोर्शन पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, वही हमारा स्पाज, मतलब हमारा एक जगह कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होना, स्पाज ऑफ द मसल ऑफ द जॉ एंड फेस। ठीक है, जॉ एंड फेस के मसल क्या होते हैं, स्पाज में हो जाते हैं, एंड पर्सन अनएबल टू स्वेलो एंड चीव। ठीक है, खाना नहीं खा पाओगे, खाना निगल नहीं पाओगे और ऐसे कैसे रहेगा, और इसी तरह उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे यहाँ मूवमेंट ही नहीं होगा फेसियल का, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और कुछ दिन बाद इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसी रहते और सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर करते हैं, तो जैसे ही आपको लगे कि आपको मतलब हैवी चीज से, रस्सी से हमको लग गई है चोट, तो क्या करते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग टिटनेस का पहले इंजेक्शन दिया था 24 या 48 आवर्स के अंदर ही। ठीक है, अब देखो ट्रीटमेंट आपको यहाँ नहीं पूछा जाएगा, इसको कट कर दे रहे, ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा सा यदि आप जानना चाहते हो जानकारी, तो एंटी टिटनेस सीरम होता है जो इंजेक्शन होता है, या फिर टिटनेस टॉक्सॉइड होता है जो टिटनेस की बैक्टीरिया है उनके अंदर, उसको क्या करे, टॉक्सिन रिलीज करके हम इंजेक्शन दें, उसको क्या करे, किल कर दे। ठीक है, तो ये हमारा एंटी टिटनेस सीरम या टिटनेस टॉक्सॉइड का लिए काम करते हैं। जल्दी से जल्दी देना रहता है इसको, बाहर से हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से हम लोग दिया जाता है, छोटे मोटे चोट लग जाते हैं तो उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिजीज है जिसको बोलते हैं निमोनिया, पॉजिटिव एजेंट डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डायरेक्ट पूछा आता है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसके लिए, हमारा निमोनिया के लिए कॉज, यदि हीमोफिलस बैक्टीरिया है प्रेजेंट तो निमोनिया कॉज कर सकता है, या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया, तो निमोनिया तो नाम ही है, तो निमोनिया आप लोग पता कर लोगे। ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड इसमें भी क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्या हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो मोस्टली बैक्टीरिया में देख रहे हैं हम लोग कैसा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, लिम्फ एंड म्यूकस फिल्ड इन साइड एल्वुलाई एंड ब्रोंकाई। देखो क्या होता है कि जो ब्रोंकाई हमारा जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, यानी सांस से प्रॉब्लम होगी, हमारी ब्रीदिंग से प्रॉब्लम होगी, गैसेस एक्सचेंज होगी। ठीक है, यानी यदि बात करते हैं, ठीक है देखो जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा ये हमारा कोई एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया, या ये अभी थीन है तो यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। बट यदि इसी पे, ठीक है, यानी हम इस पे कुछ फिलअप कर दें, मोम लगा दें, इस पे क्या करें हम लोग, इसके सरफेस पे मोम लगा दें, तो अब जो सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यही होता है हमारा, ठीक है, इसमें निमोनिया में क्या होता है हमारा, कि लिम्फ और म्यूकस का होते हैं फिलअप हो जाते हैं किसके अंदर, एल्वुलाई और ब्रोंकाई के ऊपर। ठीक है, जमा हो जाते हैं जिससे सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाता है हमारा, रिड्यूस हो जाता है, और जब रिड्यूस हो जाएगा तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इट सीवियर कॉजेस फिंगर नेल्स टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश होना शुरू हो जाती है, तो ये भी चेक किया जाता है। ठीक है, यदि आप बोले सर हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले आपके, ठीक है, पहले क्या करेगा, फिंगर्स देखेगा, फिंगर्स आपके नेल्स ग्रेइश टू ब्लूइश हो रहे हैं क्या, ब्लू ब्लू होने लगे तो उसको कंफर्मेशन थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि इसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया है। फिर चेक करेगा कि अंदर आपके फ्लूड जमा है कि नहीं, यदि ब्रोंकाई या एल्वुलाई में उसको फ्लूड मिल गया तो बोल देगा कंफर्म इनको निमोनिया है, इनको ले जाइए, ऑक्सीजन दीजिए, ये दवा दीजिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो वैक्सीन दी गई है, न्यूमोकोकल वैक्सीन बोला जाता है, निमोनिया से ही नाम है, न्यूमोकोकल वैक्सीन दे दिया जाता है ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो हो गया निमोनिया। नेक्स्ट हमारा प्लेग, प्लेग जानते हो, प्लेग को बोलते थे, ठीक है, प्लेग क्या हो गया, प्लेग जब हुआ था तो एक महामारी बोला जाता है इसको, जैसे कोरोना था उसी तरह प्लेग था, बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। अब कौन से बैक्टीरिया होता है, बैसिलस पेस्टेसिस या यार्सिना पेस्टेसिस। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, प्लेग कॉज करते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड के लिए
अब यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, यहाँ पे हम इसको वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर द प्लेग, ठीक है, इसको बोलते हैं रेट फिला जीनो फाइसेलिया चियोपिस, उसका साइंटिफिक नेम है रेट फिला, यानी रेट फिला वाहक होता है, वेक्टर होता है, जो वेक्टर हमारा प्लेग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम इस वेक्टर को किल कर दें तो प्लेग नहीं होगा। वही बाद में किया गया, वैक्सीन बनाया गया, फिर इसको देखा है इसकी इसकी मात्रा की ग्रोथ को यदि हम कम कर दें तो हमको हमारा क्या होगा, प्लेग नहीं होगा। यानी प्लेग के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसे बोलते हैं जीनोफाइसेल या चियोपिस, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स कौन सा है हमारा, ब्लड डिजीज होता है, बैक्टीरिया इंटर्स लिम्फ नोड एंड आर्टरीज ग्रोन, ठीक है, यानी हमारे जहां पे लिम्फ हमारे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वहां पे जाएगा और उसको डिफेक्ट करेगा। यदि लिम्फ को इफेक्ट कर रहा है तो जान ही रहे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा हमारा, फीवर्स काज होंगे एंड ब्यूमियोनिक प्लेग बोला जाता है या फिर ब्लैक डेथ बोला गया, ब्यूमियोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ, अकाल पड़ गया था पूरा। देखो ब्यूबो मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड ऑफ आर्मपिट इट्स रीजन, ठीक है, यानी आर्मपिट के रीजन पे जहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है जो इस पोर्शन को पूरा बचा के रखता है वो क्या हो गए, इफेक्टेड हो गए, और जब इफेक्टेड हो गए तो वैसे ही हमारे क्या हो गया, इम्यून सिस्टम वीक होने लगा, ठीक है, इसके कारण क्या हो गए, डेथ होना शुरू हो गई, इसे बोलते हैं ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग बोला गया, ठीक है। तो इसके लिए यार हमारा कौन सा, रेट है फिला वेक्टर है या फिर यार्सिना या फिर बैसिलस पेस्टिस हमारा इसका कॉजिटिव एजेंट है प्लेग का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को हम बोलते हैं कोच डिजीज, कोच डिजीज क्यों बोलते हैं कि कोच क्या है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने डिस्कवरी की थी ट्यूबरक्लोसिस को, जिसके बोलते हैं कोच पासुलेट थियरी, इन्होंने ही देखा था, और इसका कॉजिटिव एजेंट कौन सा हमारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, कौन सा हमारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, थ्रू सेप्टम, ठीक है, क्या हमारा सेप्टम से थ्रू होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सेप्टम मतलब क्या हो गया, जो कफिंग में जो ड्रॉपलेट्स निकालते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, यदि गया और वहां पे देखो कैसे होता है, एक और भी हो सकता है इससे हमारा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस, देखा भी गया मोस्टली, यहाँ पे तो नहीं लिखा गया कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कोई कफ किया, ठीक है, कफिंग किया, ठीक है, तो वो निकला, ठीक है, उनको ड्रॉपलेट्स निकले, ठीक है, यदि उसमें, ठीक है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होंगे, यदि उसको क्या नाम हाउस फ्लाई या किसी चीज पे उसको बैठा और फिर वो खाने पे चला गया तो भी हमको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी हमको यदि कफिंग कर रहा है उसके साथ ब्लड आ रहा है तो ब्लड में जानी रहे हो मैं सर्वाइव कर रहा होगा, तो देखो सिम्टम्स क्या है हमारे, सेप्टम कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, जो खांस रहे हैं जब तो क्या आ रहा है वहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा हमारा, ब्लड आ रहा है, फीवर्स होंगे, लॉस ऑफ वेट होना शुरू हो जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना भूख नहीं लगेगा, इससे वेट तो कम होगा, और पल्सेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, रैपिड पल्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हमारे कौन से, ट्यूबरक्लोसिस का, सिम्टम कंटेनिंग ब्लड, फीवर, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड रैपिड पल्सेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिम्टम कंटेनिंग ब्लड होते हैं हमारे, जैसे ही कफिंग करते हैं हमारे, ठीक है, तो पूछा जाता है उसमें कि क्या है, ब्लड आया, यदि ब्लड आया तो बस देखा जाता है ब्लड आ गया, चलो ठीक है, ब्लड आ गया कोई बात नहीं, तो इनका ट्रीटमेंट किया जाता है वैक्सीन जो है जिसको बोलते हैं BCG, बैसिलस ऑफ कॉलमेट एंड यूरिन, ठीक है, वैक्सीन बनाया गया है हमारा कॉलमेट एंड यूरिन से, साइंटिस्ट थे, किसके खिलाफ, बैसिलस खिलाफ, उन्हीं के नाम पे दे दिया गया BCG, ठीक है। और एक दूसरा हमारा जिसको ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं डॉस डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट फॉर कोस, इसका डायरेक्ट आपको नाम पूछा जाता है कि इसका क्या होता है, डॉट्स का, डॉट्स से किसका इलाज करते हैं हम लोग, किसका, ट्यूबरक्लोसिस से, जिसको बोला था डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज बोला गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे कुछ और एक्स्ट्रा डिजीज है, ठीक है, जो आपको दिया तो नहीं गया एनसीईआरटी में बट हमको पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा जिसको बोलते हैं लेप्रेसी, ठीक है, बोलते हैं हैंसन डिजीज, जो साइंटिस्ट थे हैंसन ने, उन्हीं ने डिस्कवरी की थी किसकी, लेप्रेसी की डिजीज की थी, उसका हमारा देखो पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, कौन सा हमारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बोला जाता है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। सिम्टम डिफॉर्मिस्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ टोज, लाइट कलर पैचेज ऑन स्किन, यानी यदि हमारा ये हैंड है इस पे लाइट कलर के ये पैचेज बनना शुरू हो जाते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में बनने लगते हैं,
और डिफॉर्मिट्स हो जाते हैं, यानी हमारा फिंगर नेल ये सब क्या होते हैं, सड़ने लगना शुरू हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं और टूट टूट गिरने लगते हैं, ठीक है। इस डिजीज को बोलते हैं हम लोग लेप्रेसी, ठीक है। और क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन थ्रू दिस पार्ट ऑफ स्किन अल्सर, स्किन अब क्या हो रहा है, सड़ने लगते हैं, घाव बन जाते हैं, बड़े बड़े घाव बनने जाते हैं, ठीक है। ये हमारे डिजीज किसके हैं, लेप्रेसी का जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, इसकी भी ट्रीटमेंट किससे करते हैं हम लोग, DDS डाई एमिनो डाई फिनाइल सल्फोन दवा दी जाती है। ये ट्रीटमेंट पूछा नहीं जाता है, सब आपको MBBS में बताया जाएगा। DDS डाई एमिनो डाई फिनाइल सल्फोन यदि आप उसको देते रहे हैं समय पे, वो डॉक्टर बनने के बाद देना, ऐसे नहीं किसी को बता देना कि ये दवा ले लो, ठीक है। उसके खिलाफ उसके साथ और भी दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि और भी चीजें उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक कुछ गैस की दवा जो उसको क्या करें साइड इफेक्ट ना पड़े, सब बताई जाएंगे आपको। तो ये दवा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेप्रेसी है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में था, ठीक है, जिसमें मोस्टली हम लोगों ने देखा कि कैसे हो रहे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहे हैं। एक हमारा कैरियर की जरूरत पड़ी जिसको बोलते हैं रेड फिला, जो हमारा प्लेग है, और दो ऊपर पड़े थे जिसमें हमारा क्या था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। चलो अब आता है हमारा बैक्टीरियल से डिजीज जब हो गया, तो अब बात करते हैं वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज में पहला आता है फ्लू, नाम सुने होंगे आप लोग फ्लू, जिसे बोलते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, अब देखो इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू। अब देखो वहां पे था हमारा एक इन्फ्लुएंजा था हमारा, ठीक है, याद आ रहा हो आपको थोड़ा बहुत, निमोनिया था हमारा, निमोनिया में ही बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो यहां से मत लिख देना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से इन्फ्लुएंजा होता, क्या होता है, निमोनिया होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा कैसा हमारा वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है, जिसका एजेंट है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। वहां पे देखो नाम सेम मिलता जुलता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ये हमारा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी बोला जाता है, और इन्फ्लुएंजा का नाम दिया गया फ्लू। अब फ्लू देखो, अब ये भी कैसे हमारे मोस्टली कैसे हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है, ठीक है। यदि देखो अब यहाँ से हमको एक रिकॉल आ गया, यदि हमको मोड ऑफ स्प्रेड पूछ दिया, नहीं याद आ रहा है, ठीक है, नहीं याद आ रहा है, तो हमारे पास यदि एक ही ऑप्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मार्केट चले जाते तुक्के की बात कर रहे हैं, तो हमारा कुछ सही चांसेस कुछ सही हो सकते हैं, ठीक है। वो भी जब हमारा क्या हो रहा, कोई चीज लॉस ना हो रही, तब की बात कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, कि अब रैंक की बात है तो नहीं मारना, यदि रैंक की बात नहीं है तो मार सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पायरेटरी पैसेज, रिस्पायरेटरी मतलब हमारा नॉस्ट्रिल, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई, इसमें कुछ होगा, पेन ऑल ओवर बॉडी, एनक्रेजा रनिंग नोज, ठीक है, जैसे हमारा भी है वायरल फीवर की वजह से, ठीक है। क्रेजा मतलब रनिंग नोज, अब ऐसा नहीं इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया मेरे को, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से रिस्पायरेटरी पैसेज में क्या होंगे, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पूरी बॉडी में दर्द होंगे और रनिंग नोज चालू होगी। अब रनिंग नोज चालू होती है कॉमन कोल्ड में भी होती है, कुछ एलर्जी में भी होती है, धूल या दड़के से ठीक हो गई, ठीक है, या फिर आप ठंडा ज्यादा खा लिए तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रनिंग नोज चालू हो जाती है, ठीक है। तो देखो पहला उसको बोलते हैं क्राइजिया बोलते हैं, रनिंग नोज चालू, इसमें क्या होगा, हमेशा चालू होंगी, ठीक है, हमेशा चालू होंगी, आपकी नोज चालू रहती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पायरेटरी पैसेज, पेन ऑल ओवर द बॉडी होंगे इन्फ्लुएंजा में, जिसको हमारा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लू बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिससे हम लोग चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, अब देखो इसमें हमारा स्मॉल पॉक्स है, कौन सा हमारा स्मॉल पॉक्स है, जिसको कॉमन नेम बोला जाता है बड़ी माता, ठीक है, गुजरात में शीतला माता बोला जाता है, और अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। स्मॉल पॉक्स में बड़ी माता, इसका पॉजिटिव एजेंट है वायरोला वायरस, ये याद रखना, ठीक है, कौन सा हमारा वायरोला वायरस है जो स्मॉल पॉक्स कराता है, और ये भी कैसा हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अब देखो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंसेज क्या है, पहला तो पॉजिटिव एजेंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और दूसरे का दोनों का सिम्टम्स अलग है। इसमें देखना सिम्टम, रेसेस अपीयर फर्स्ट ऑन फेस देन ऑन ट्रंक, ठीक है, यानी हमारा रेसेस जो होते हैं छोटे छोटे जो स्पॉट होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फेस, फिर हमारे ट्रंक पे जाते हैं, तो इससे आपको यदि फेस पे पहले मिल रहा है तो समझ जाना है कैसा है स्मॉल पॉक्स, एंड जैसे ये खत्म होता है, ठीक है, जैसे हमारा चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स खत्म होता है, इसके स्क्रैप्स पड़ जाते हैं, इसके दाग हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, तभी हम पता करते हैं किसी भी आदमी को देख को इसको क्या हो गया, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ होगा, ठीक है। स्क्रैप्स फॉल ऑन लीविंग बिहाइंड द
पॉक है, मार्स, ठीक है। चलो अब इसका ट्रीटमेंट हमारा, ठीक है, वैक्सीन दिया जाता था, वैक्सीन अभी भी दिया जाता है, और इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई एडवर्ड जेनर, ठीक है। किसने बनाया था पहले? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, इसकी वैक्सीन बनाई थी। अकॉर्डिंग टू WHO स्मॉल पॉक्स हैज बीन कंप्लीटली इरिडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी अब स्मॉल पॉक्स हमारे, ठीक है, विश्व से, दुनिया से, इंडिया से तो लगभग खत्म हो गई ऐसा माना जाता है WHO का, ठीक है, लगभग समाप्त हो गई है। अब बची है तो कौन सा? सिर्फ ओनली फॉर चिकन पॉक्स। तो पहला ट्रीटमेंट जो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था अकॉर्डिंग टू WHO स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। याद रखना कि साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा हमारा कौन से थे, तो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट किया था, वैक्सीन बनाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चिकन पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स था उसको बड़ी माता बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे? छोटी माता। इसका कौन सा हमारा? वर्सिएला जोस्टर, ठीक है। अब देखो इसमें देखते थे हमारा कौन सा था? वायरोला वायरस था, इसमें हमारा वर्सिएला जोस्टर है, मोड ऑफ स्प्रेड सेम है, ठीक है। उसमें क्या थे? रेसेस अपीयर ऑन द फर्स्ट ऑन द फेस एंड देन द ट्रंक, ठीक है। इसमें क्या है? रेसेस फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक, पहले ट्रंक पे आएंगे, फिर क्या होंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे फेस एंड लिम्स में, ठीक है। ट्रंक के बाद फिर कहा जाएंगे फेस एंड लिम्स पे, और हमारा क्या होगा इसमें? माइल्ड फीवर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हल्की सी फीवर होती है, हल्की सी फीवर मतलब फीवर होती है, ठीक है। फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, और उसमें स्मॉल पॉक्स में थोड़ा सा ज्यादा फीवर होती है, ठीक है। और सेम काम होता है कि वो भी जब हमारा जाता है, ठीक है, यानी खत्म होता है हमारा, ठीक है, तो क्या होता है अपने मार्क्स से छोड़ के चले जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉक मार्क बोले जाते हैं। तो दोनों में काम वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज हमारा चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, पहला वायरल का डिजीज हमारा। तीसरा हमारे मीजल्स, मीजल्स आप लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मीजल्स कौन सा किसके कारण डिजीज होता है? तो कुछ लोग इसको बैक्टीरिया मान लेते हैं, बट ये किससे होता है हमारा? रूबीलो वायरस से, ठीक है। रूबीला डिजीज बोला जाता है क्योंकि इस कौन से वायरस होता है? रूबीलो वायरस से होता है, ठीक है। से होता है हमारा रूबीलो वायरस से होता है हमारा, जिसको बोलते हैं रूबीला डिजीज। नेम वही होता है हमारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर्स एंड रेसेस ओवर बॉडी, ठीक है, फीवर होगा और एक साथ पूरी बॉडी पर रेसेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है इसका सिम्टम? कैटरेक्ट यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट, यानी नाक और गले दोनों हमारे खराब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग मीजल्स बोला जाता है, ठीक है। और क्या होगा इसमें? क्या होता है सिम्टम्स से बात करें तो आई क्या हो जाती है हमारी? रेड हो जाती है और वाटरी हो जाती है, ऐसा लगता है यहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई बिकम्स रेड एंड वाटरी फेस इन फ्लश, ठीक है, फेस एकदम मुरझा जाता है, ऐसा लगता है कि स्वेलन अप हो गया है, ठीक है, इस तरह हमारा फेस हो जाते हैं। और रेसेस फर्स्ट अपीयर बिहाइंड द ईयर, देखो इसमें हमारा रेसेस, देखो पहले में क्या था? छोटी माता मतलब हमारा स्मॉल पॉक्स फेस पे, दूसरा हमारा चिकन पॉक्स पे गर्दन पे, ट्रंक पे हमारा होता है, इसमें क्या होगा? रेसेस अपीयर्स ऑन द फर्स्ट ऑन ईयर्स, ठीक है, बिहाइंड द ईयर्स एंड फेस एंड देन स्प्रेड डाउन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें आंखें एकदम लाल हो जाती है, ऐसी लाल हो जाती है, ठीक है, जैसा लगता है कितने दिनों से सोया नहीं है और लगता है जैसे पूरा पानी यहाँ से निकलना शुरू होगा। और आंखें कभी कभी जब सुबह उठती हैं तो यहाँ पे क्या होती है, दोनों आपस में जो यहाँ पे है आईब्रो है, दोनों क्या होती है आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है हमारे जिसमें मीजल्स में होती है। वैक्सीन हमारा जिसको बोलते हैं MMR, ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग MMR, यानी मीजल्स, मीजल्स पढ़ी लिए, रूबीला नाम दिया गया और एक मम्स, ठीक है, मीजल्स रूबीलो रूबीला नाम दिया गया, मीजल्स रूबीला वायरस से होता है। और इसके एक और हमारे हैं जिसको बोलते हैं मम्स बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, यहाँ पे जो हमारी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, वो स्वेलप हो जाती है और स्वेलप होने की वजह से हमारी स्वेलिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको मम्स बोला जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वैक्सीन का नाम दिया गया मीजल्स में MMR, जो दो बीमारी में काम आएगा, मीजल्स में और मम्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वायरल डिजीज है जिसको बोलते हैं मम्स इन्फेक्शन पैरोटिड। यहाँ पे ग्लैंड होती है कान के पीछे, कान के जस्ट बगल में, हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में, जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? पैरामिक्सो, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस बोला जाता है, एक मिनट बेटा, चलो ठीक है, पैरामिक्सो वायरस बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो
यहाँ पे है मोड ऑफ स्प्रेड वायरस इज प्रेजेंटेड इन द सलाइवा, सलाइवा में ही प्रेजेंट होता है, किस में होता है हमारा, सलाइवा में प्रेजेंट होता है वायरस, ठीक है। और यदि हम इसको सलाइवा खाना एक साथ खाते हैं तो फैलने की चांसेस बढ़ जाती है दूसरे को भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्वेलप होगा, जब स्वेलन होगा यहाँ पे तो खाना खाने में स्वेलिंग करने में हमको प्रॉब्लम होगी, पेनफुल होगा, ठीक है, और टेस्ट कोई भी नहीं आएगा। तो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट में कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा है मम्स का इन्फेक्शन पैरोटिड, पैरामिक्सो वायरस होता है, वायरस प्रेजेंट इन द सलाइवा, जो सलाइवा, यहाँ से तीन ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, पैरोटिड पढ़ेंगे यहाँ पे, सब लिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी, तीन हमारे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए कौन से पैरोटिड ग्लैंड में, तो उसको बोलते हैं मम्स, जो होता है हमारा किससे, वायरस से होता है। चलो ठीक है, अब आता है पोलियो, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा पोलियो के बारे में, इसे बोलते हैं इनफॉर्मेटिव पैरालिसिस। यदि आपको पोलियो हो गया, आप ड्रॉप नहीं पिए हो या फिर इसका जो भी है नहीं किए हो, तो आपको पैरालिसिस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। पॉजिटिव एजेंट है, नाम ही है पोलियो वायरस, इट बिलोंग टू पिकोना वायरस ग्रुप, ठीक है, पिकोना वायरस ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है नहीं जानना आपको, इतना ये सब नहीं जानना, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ स्प्रेड, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज से होता है, ठीक है, यानी इंटेस्टाइनल में हमारा क्या हो सकता है, सर्वाइव कर रहा हो, जब हम स्टूल निकाल रहे हैं तो उससे हमारा क्या होता है, दिक्कतें बढ़ती हैं। सिम्टम्स मेन पूछाता है, अटैक ऑफ पैरालिसिस बिगिन विद हाई फीवर, चिलनेस एंड हेडचेक, ठीक है, बहुत ज्यादा फीवर होती है, फिर ठंडी लगती है, ठंडी भी लगती है इसमें, और सरदर्द होता है यदि पोलियो हुआ है तो, ठीक है। देखो और क्या होता है, पोलियो यदि किसी को, नेक बिकम शिफ्टेड, यानी ऐसे नेक है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा हमारा, इस तरह नेक बिकम शिफ्टेड, आपने कुछ इंसान को देखा होगा ऐसे शिफ्टेड होते हैं, उनको क्या होता है, पोलियो की दिक्कत होती है, पोलियो वायरस से वो पीड़ित रहते हैं। इट मसल्स है ऑफ लैरिंग्स एंड फैरिंग्स आर इन्वॉल्व टू द डेथ, ठीक है, मसल्स हमारे क्या होते हैं, लैरिंग्स फैरिंग्स के काम नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है, तो भी हमारी डेथ हो सकती है पोलियो के वजह से, हुए भी हैं पहले, इसी नाते बोला था दो बूंद जिंदगी के लिए, और घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी तरह कोरोना का भी किया जाएगा, ठीक है, जब सफिशियंट मात्रा में बन जाएंगे, कई लोगों तक पहुंच जाएगा, तो गांव गांव में जाके उसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी को पोलियो हो गया, देयर इज नो श्योर क्योर टू ऑफ द पोलियो, तो फिर हमारा कोई हम कंडीशन नहीं बता सकता, डॉक्टर नहीं बता सकता, यदि ये पोलियो का ड्रॉप नहीं लिया पहले तो गया काम से, यानी गया काम से कि अब उसको पोलियो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैक्सीन है जिसको बोलते हैं साल्क, प्रिपेयर्ड बाई वैक्सीन फॉर द पोलियो, नाम लिखा है साल्क से बनाया गया था पोलियो की वैक्सीन, जिसको बोलते हैं सेमिनस वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन, कभी कल दिया जाता ओपीवी क्या होता है, किसके लिए वैक्सीन यूज करते हैं, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन फॉर द डिजीज ऑफ पोलियो, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेमियंस वैक्सीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेबीज, ये सब जानना जरूरी है, पोलियो रेबीज, क्योंकि हमारे आस पास में ही प्रेजेंट होते हैं। रेबीज में हमारा कौन सा है, रेबीज वायरस या फिर रेबिडो वायरस उसको बोला जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा वायरस का नाम बोला जाता है, रेबिडो वायरस या फिर रेबीज वायरस। मोड ऑफ स्प्रेड है बाइट ऑफ मैट डॉग, ऑल्सो स्प्रेड बाई बाइट ऑफ कैट जैकॉल वुल, कितने भी हमारे हैं डोमेस्टिक एनिमल मोस्टली, ठीक है, यानी कैटल ये सब की बात नहीं करेंगे, गोट ये सब की बात नहीं करेंगे, जो कार्निवोरस है मोस्टली, ठीक है, ऐसे हमारे कार्निवोरस है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है रेबीज वायरस होता है, यदि वो उनमें इंजेक्शन नहीं लगा तो आपको काट दिए तो आपको जो सलाइवा होता है उसी में उसका प्रेजेंट होता है, देखो दिखा है सलाइवा फ्रॉम माउथ, अब यदि काट दिया तो क्या होगा, पहला जो सिम्टम होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यदि सही समय पर हम इंजेक्शन नहीं देते हैं, यानी फियर ऑफ द वाटर, वाटर से उसको डर लगेगा। दूसरा कि जब वो क्या करेगा, कोई भी खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि चोक्ड थ्रोट, यानी यहाँ पे गले में स्वेलिंग हो जाएगी इतनी ज्यादा कि वो क्या करेगा, खाने को निगल नहीं पाएगा, यहाँ पे फ्लूड जमा हो जाता है जिसके कारण पूरा जाम हो जाता है, जैसे खाना नहीं पाया तो पानी नहीं पिया पाया, डर लग रहा है, दूसरा खाना भी खाना था तो खाना भी नहीं खा पाया, जब ये जो नहीं खा पाएंगे तो उसको किस पे जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल क्या क्या होता है उसका, डिस्ट्रॉय कर देता है रेबीज वायरस, जिसके कारण कुछ दिन के बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। रेबीज इज 100% फेटल, यदि सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो 100% डेथ होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह जितने भी पालतू जानवर हमारे पेट्स हैं उनको क्या दी जाती है, इसकी वैक्सीन दी जाती है, फिर उसको घर में और समय होता है कि इतने समय बाद उसको लगाना ही लगाना है,
नहीं तो काम दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और सबके घर में होता है तो सब लोग ध्यान देते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेंगू, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डेंगू जो इम्पोर्टेंट है हमारा, क्या इम्पोर्टेंट है, इसका पॉजिटिव एजेंट है एरवो वायरस, ठीक है। कौन सा हमारा, एरवो वायरस, जो हमारा है फ्लेवी वायरस ग्रुप का, ठीक है। फ्लेवी वायरस ग्रुप का जो वायरस है एरवो वायरस, जिसके कारण होता है डेंगू, इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, यानी पूरी हड्डियों में दर्द होगा, ऐसा बोला था, पूरी बोन में दर्द होता है, ऐसा लगता है पूरा बोन हमारा ब्रेक डाउन कर रहा है, टूट रहा है, और बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होती है, हम चलते नहीं है, थकते नहीं, बहुत ज्यादा काम होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। और डेंगू जानते हो कि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड हमारा फीमेल एडीज, जिसको बोलते हैं इजिप्टी मॉस्किटो, इजिप्टो मॉस्किटो, ये वेक्टर की तरह काम करता है, यानी एडीज मच्छर, मच्छर मॉस्किटो बहुत काम करते हैं, ठीक है। और कौन सा, मोस्टली फीमेल, फीमेल एडीज हमारे जो मॉस्किटो वो क्या काम करती है, वेक्टर की तरह काम करती है, किसके लिए, फॉर द डेंगू। और देखो डेंगू दो तरीके के हैं, पहला है क्लासिकल डेंगू, दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ध्यान देना, ठीक है। इसमें भी फीवर होता है, इसमें भी फीवर होता है, उसमें भी भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट इसमें भी होता है, ठीक है, लगभग सेम होते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, ये भी जाता है हमारा, डेंगू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मसल एंड ज्वाइंट पेन होते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। यदि देखो अब सिम्टम होती है कि फीवर हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, टेस्ट नहीं आता, डॉक्टर पूछेगा टैट टेस्ट आ रहा है, नहीं, ज्वाइंट पे पेन हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा हाँ डेंगू है। अब वो क्या करेगा, ब्लड को चेक करेगा, ठीक है, चेक करेगा तो बोलेगा इसको डेंगू है, लेकिन आपको नहीं बताता कि क्लासिकल है कि हिमोरेजिक है। हिमोरेजिक में क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि डेंगू हुआ उसको, बट वोमिटिंग विथ या विदाउट ब्लड, यदि ब्लड होने के चांसेस बढ़ गए तो ऐसा नहीं समझ जाना टीबी है, ठीक है। क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है, स्किन ब्रूजिंग हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ठीक है इचिंग होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे ब्लड कैपिलरी से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएंगे, पूरे रेड रेड दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्या रेड हमारी सरफेस पे आ गई है क्या, यानी ब्लड हमारे सरफेस पे आ गई है, ठीक है। उसको बोलते हैं ठीक है क्लेमी स्किन या फिर कोल्ड बोलते हैं, क्लेमी स्किन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी पूरी रेडनेस होना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं रेड नहीं कि मारने के बाद, छोटे छोटे स्पॉट, यानी हमको ब्लड दिखते हुए दिखना मिलेगा, ठीक है। तो देखना डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कभी भी एस्पिरिन और डिस्प्रिन को रिकमेंडेड, क्योंकि डेंगू की कोई दवा नहीं है, बस पेन किलर दी जाती है, और बोला था जितना पानी पी सकते हो पियो आप लोग, ठीक है, जितना पानी पी सकते हैं पीना रहता है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए, यदि पानी की कमी हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली डेंगू में हम पेन किलर देते हैं, बट यदि ब्लीडिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है हमारे अंदर बॉडी से, तो उसमें एस्पिरिन डिस्प्रिन नहीं देते हैं हम लोग, पैरासिटामोल जैसे सोमो क्रोसिन ये सब दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमारे हैं डेंगू, एक क्लासिकल, दूसरा डेंगू हिमोरेजिक फीवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चिकनगुनिया, ये तो आप लोग नाम सुने होंगे, नाम हमारा चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है, चिकनगुनिया वायरस ही है जो चिकनगुनिया कॉज करता है। मोड ऑफ स्प्रेड यहाँ पे है फीमेल एडीज मॉस्किटो, वहां पे भी क्या था हमारा, देखो यहाँ पे भी था फीमेल एडीज, और लेकिन बट उसका जो स्पीसीज था अलग था, इजिप्टी मॉस्किटो, और यहाँ पे दूसरा होता है, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स क्या हमारा चिकनगुनिया का, पेशेंट गेट डबल अप क्रीपिंग ज्वाइंट पेन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मीठा मीठा दर्द, ठीक है, और पेशेंट गेट डबल अप, ठीक है, यानी लगेगा कि हमको कितना ज्यादा वेटेड या फिर ऐसा लग रहा है भारीपन लगता है पूरे शरीर में, ठीक है। तो इसे सिम्टम्स हमारे, अब इसके बाद हमारे नेन है चिकनगुनिया, ज्यादा नहीं पूछा, बस कॉल्टी वजह क्या रखना, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी आप लोगों ने बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ये भी वायरस होता है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, और ये हमारा लिखा है कि 42 नैनोमीटर डेवलप्ड वायरियन, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं वायरस में तो वायरियन एंड प्रियॉन्स बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे क्या होता है, आप लोग सर्च करना, ठीक है, एक बार सर्च करना वायरियन प्रियॉन्स, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है हमारा, वायरस इज प्रेजेंट इन सलाइवा टीयर्स, ठीक है, यानी सलाइवा में प्रेजेंट हो सकते हैं और हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसमिटेड ऑल्सो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इन दोनों से हमारा ट्रांसफर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं हेपेटाइटिस बी का। अब देखो इसमें होता है क्या हमारा, लीवर क्रियोसिस, ठीक है, मे बी
ठीक है, चांसेस है बेटा, चांसेस है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड जा रहा है, तो चांसेस है हमारा हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, लीवर किरोसिस में क्या होगा, किरोसिस। ठीक है, देखो लीवर का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल, आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस एडिपोज टिश्यू, यानी हमारे लीवर में फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा और लीवर की साइज फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे बोलते हैं लीवर किरोसिस बोलते हैं। हिपेटोसाइट क्या करता है, फंक्शन हमारा काम करता है कि लीवर हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इस तरह बनाते जाए, बट लेकिन जब हमारा हिपेटोसाइट ही नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, तो एडिपोज टिश्यू यानी फैट डिपोजिशन बढ़ने लगेगा, जिससे लीवर की साइज बढ़ जाती है हमारी हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, अब देखो इसमें रिकमेंडेड वैक्सीन जो दी गई है हमारी कौन सा है, रिकॉम्बिवैक्स हिपेटिक वायरस। ठीक है, अब ये सब नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा लिखा गया है आपको जानकारी के लिए कि क्या ना, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, इसमें हमारा पूछा था कि कौन किससे होता है और इसमें कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हेपेटाइटिस ए वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, हेपेटाइटिस बी वायरस में डबल स्ट्रैंडेड, हेपेटाइटिस बी वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सब में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ए बी सी डी ई है बट बी में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सब में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बट देखा जाए तो हमारा जो दो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है उसमें फीको ओरल रूट है। ठीक है, और तीनों में बी सी डी में ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ए हो गया हमारा हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट डिजीज है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए आपको फंगल डिजीज, वायरल डिजीज हो गया, अब कौन सा फंगल डिजीज, एजेंट कॉल्ड डर्मेटो फाइट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं फंगल डिजीज में। ठीक है, और डिजीज को बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स या फिर रिंग वॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिंग वॉर्म किससे होता है, हमारा फंगल डिजीज से होता है। डर्मेटो मतलब हमारा स्किन की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए तीन जनरे हैं। ठीक है, तीन जीनस से हमारे काम करते हैं, पहला ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ठीक है, तीन हमारे ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम जो हमारे क्या करते हैं, रिंग वॉर्म कार्य करते हैं। एनसीईआरटी बस इतना ही लिखा है और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, रिंग वॉर्म पूछा जाता है, तीनों का पूछा जाता है, ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम से कौन सा डिजीज होता है, तो रिंग वॉर्म या फिर डर्मेटोफाइट से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा लिख दिए कि ट्राइकोफाइटॉन जो है उससे होता है हमारा स्किन, हेयर, नेल, तीनों रिंग वॉर्म हो सकते हैं। इपिडर्मो से स्किन और नेल्स होते हैं, हेयर्स नहीं होता, और माइक्रोस्पोरम से स्किन और हेयर्स होते हैं, नेल्स नहीं, यानी तीनों से स्किन वॉर्म तो हो ही सकता है बट दो ऐसे हैं, एक में हेयर से होता है, एक में हेयर कराएगा और एक में नेल्स वॉर्म हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट है हमारे ट्राइकोफाइटॉन उससे तीनों रिंग वॉर्म हो सकते हैं, स्किन वाला भी, हेयर में भी और नेल्स के पास भी। ठीक है, तो ये हमारे तीन हमारे जो करते हैं रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन सा डिजीज है, हमारा कौन सा डिजीज, हमारा फंगल डिजीज है, कौन सा हमारा फंगल डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो हम इसको कट कर दे रहे हैं, ये तुमको नहीं पता रखना है, सब चीजें नहीं जानना है। ठीक है, अब देखो ग्रोथ ऑफ फंगल रिक्वायर्स, ठीक है, क्या जरूरत है, तो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन मिल जाए तो बढ़ता जाएगा, यानी जब रिंग वॉर्म होता है तो हमको बार बार पानी नहीं चाहिए उस पर। ठीक है, यानी आप पानी को भिगो रहे हैं, उसी चीज को बार बार भिगो रहे हैं तो मॉइस्ट होगा, ठीक है, तो और भी बढ़ेगा वो। ठीक है, तो ये हमारे हमारे फंगल डिजीज हो गए। अब इसके बाद है प्रोटोजोअन डिजीज, जो हम लोग कल से पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ के बाद हमारा प्रोटोजोआ, फिर हेलमिंथीज डिजीज है। ठीक है, बस उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम कल स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और आपको ये नोट हम भेज देंगे। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना तो नोट आपको भेज दिया जाएगा और यहाँ से भी भेज दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो देखो, तो हम लोगों ने देखो पहला काम करना मेन, आप लोग एनसीईआरटी लेना, एनसीईआरटी में जो डिजीज दी गई है, ठीक है, जो डिजीज दी गई है, जैसे मान लो डिप्थीरिया हमारा, ठीक है, निमोनिया है हमारा, कॉमन कोल्ड है, ठीक है, इस तरह कुछ ही डिजीज दी है, उसको पहले आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, उसके पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ स्प्रेड और सिम्टम्स की बात कर लेना, उसको आप पहले याद रखना। ठीक है, जो एनसीईआरटी में पहले फर्स्ट पेपर उसको करना, फिर अनदर तो हम लोग दूसरे चीजों को और भी डिजीज जो है हमारा उसको पढ़ेंगे।
ठीक है, आपको इतना सफिशियंट डिजीज बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बट पहला आप लोगों का फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी में जितने डिजीज हैं वो हमको याद होनी चाहिए, वो हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म से, कल पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोवन से डिजीज जिसमें हमारा पहला आएगा जिसको बोलते हैं मलेरिया बोला जाता है, कौन सा मलेरिया। फिर हम लोग हेलमेंथेटी डिजीज पढ़ेंगे जैसे एस्केरियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, एलपेंटियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बात की थी, बैक्टीरिया की बात की थी, बैक्टीरिया वायरस और फंजाई इन तीनों के कारण जो भी डिजीज है, जो भी पॉजिटिव एजेंट था, सबके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया था। ठीक है, कि बैक्टीरिया से कितने डिजीज हो रहे थे, तो वहां पे मोस्टली हम लोगों ने देखा था कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स थे हमारे, वायरस में हमारा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दोनों में थे हमारे। ठीक है, फिर फंजाई में बात किए थे रिंग वॉर्म, उसमें से तीन स्पीसीज थी हमारी। ठीक है, जिसमें हमारा देखे थे रिंग वॉर्म कहाँ कहाँ होता है, हमारा हेयर नेल एंड स्किन की बात करते थे, अलग अलग हमारा था। ठीक है, अब दो हमारे और भी हैं जिसके कारण डिजीज होती है, एक हमारा प्रोटोजोआ है और एक हमारा हेलमिंथेस डिजीज है। ठीक है, दो डिजीज के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हमारा है रुकने के लिए, ठीक है, फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोआ से जो डिजीज होती है। ठीक है, तो आपको पूछा गया प्रोटोजोआ से पहला डिजीज के बारे में कौन सा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मलेरिया। ठीक है, फर्स्ट हमारा कौन सा है, मलेरिया, जिसके बात करते हैं किससे होता है, हमारा पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और प्लाज्मोडियम बनता कैसे है हमारा, ठीक है, यदि हम बात करें प्लाज्मोडियम की, ऊपर चला गया, चलो प्लाज्मोडियम में पूछा था डिवीजन कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम में डिवीजन की बात करें, यदि हम लोग किसकी, प्लाज्मोडियम में डिवीजन की बात करें तो होता हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये पूछा जाता है हमारा प्लाज्मोडियम में कौन सा डिवीजन होता है हमारा, मल्टीपल फिजन, ये आप लोगों को बताए थे भी। ठीक है, मल्टीपल फिजन होता हमारा प्लाज्मोडियम वाई वैक्स। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव एजेंट हमारा मलेरिया पता चल गया, प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम भी हमारे फोर स्पीसीज पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम में, जिसमें हम लोग देखो नीचे लिखा गया है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरा। ठीक है, चार हमारे हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरा। इसमें से हमारा पूछा था मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सा हमारा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, कौन सा हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है मोस्ट कॉमन स्पीसीज हमारा है, चारों में से सबसे ज्यादा जो मलेरिया होता है हमको किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाई वैक्स से होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। ठीक है, चलो अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में हमको डिटेल में पढ़नी है, लाइफ साइकिल कौन कौन से होंगे, एक हमारा ह्यूमन चाहिए, दूसरा कौन मॉस्किटो, ठीक है, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं रिजर्वायर होस्ट की बात करेंगे जो होगा हमारा यहाँ पे मंकीज की बात करेंगे, रिजर्वायर होस्ट कौन सा होगा हमारा, मंकी बात करेंगे। ठीक है, देखो प्राइमरी होस्ट हमारा मैन है, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल ही होगा, बताए थे हम कि हमारा जो होता है मलेरिया कैसे होता है हमारा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। ठीक है, अब इसमें आपका जो सबसे मेन पॉइंट है कि मैन में जो साइकिल चलती है कौन सी साइकिल चलती है, यदि हमको हमारा कौन सा मलेरिया आ रहा है, तो ए सेक्सुअल साइकिल चलती है, और सेक्सुअल साइकिल किसमें चलती है हमारा, सेकेंडरी होस्ट। देखो कैसे याद रखोगे, एस से हमारा है सेकेंडरी और एस से हमारा सेक्सुअल, तो दोनों से याद रखना कौन सा हमारा सेकेंडरी जो होस्ट होगा उसमें क्या चलेगा, सेक्सुअल साइकिल, और किसमें हो सेकेंडरी होस्ट कौन सी हमारी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, और ए सेक्सुअल साइकिल किसमें चलता है हमारा, प्राइमरी साइकिल में। ठीक है, अब एक रिजर्वायर होस्ट है हमारा मंकी, यानी इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे हमारा, प्लाज्मोडियम रह सकते हैं, यदि हम बंदर के कांटेक्ट में है और इसके अंदर प्लाज्मोडियम है तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा मैन के अंदर और अपनी लाइफ साइकिल क्या कर देगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं हमारा, ठीक है, इसमें से हमारे तीन होस्ट की बात करेगा कि प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया हो रहा है कितने होस्ट है, फर्स्ट हमारा प्राइमरी होस्ट जो मैन है, इसके अंदर हमारा जो मलेरिया की साइकिल जब चल देखेंगे तो उसमें ए सेक्सुअल साइकिल किसमें रन होती है, मैन में। सेकेंडरी बात करते हैं, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके अंदर कौन सा चलता है, सेक्सुअल साइकिल, और रिजर्वायर होस्ट हमारा थर्ड जो है मंकीज है। ठीक है, रिजर्वायर का काम करता है उसमें कोई भी साइकिल रन नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारा, कि अभी हम बात किए थे पॉजिटिव एजेंट कौन सा हमारा, स्पोरोजॉइट। देखो यहाँ पे लिखा हमारा स्पोरोजॉइट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि मान लो कि ये हैंड है, ठीक है, ऐसे मान लो ये हमारा क्या है, हैंड है किसी का। ठीक है, अब इस पे हमारा कौन सा आ गया,
ये मान लेते हैं कि ये मॉस्किटो है छोटा सा, ठीक है, ये ऐसे करके मान लो, ठीक है, ये हमारा मॉस्किटो आ गया और अपना नीडल डाला, ठीक है। अब इसके मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, स्पोरो ज्वाइट होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, स्पोरो ज्वाइट होता है जो एंट्री करता है हमारा, यहाँ पे क्या रहा होगा हमारा ब्लड, यहाँ पे क्या होगा हमारा ब्लड, ब्लड में एंट्री किया तो कौन सा हमारा स्पोरो ज्वाइट, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉस्किटो बाइट्स मैन, मैन को काटा, रिलीज क्या किया गया, स्पोरो ज्वाइट रिलीज हुआ। अब ये स्पोरो ज्वाइट ब्लड के थ्रू होते हुए ठीक कहाँ पहुंचता हमारा, लीवर पे, पहले कहाँ पहुंचा हमारा लीवर पे, और लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन नोन है हिपेटोसाइट सेल। यदि कहीं पे ऐसा वर्ड आ गया आपको हिपेटोसाइट सेल, तो याद रखना है किसकी बात कर रहा है, लीवर की बात कर रहा है। तो स्पोरो ज्वाइट कहाँ पहुंच गया हमारा, लीवर सेल पे। अब लीवर सेल के कहाँ पे पहुंचेगा हमारा, हिपेटोसाइट सेल, स्पोरो ज्वाइट इंटर हिपेटो साइट सेल। जब हम लोग लीवर पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे कुछ कट करके हम लोग डायग्राम बनाया जाएगा लीवर्स के, ऐसे ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाएंगे हम लोग, देखेंगे वहां पे इस तरह करके। तो यहाँ पे हमारा जो सेल है इसे बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल। तो स्पोरोजाइट पहुंचा कहाँ, लीवर से होते हुए लीवर के स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हिपेटोसाइट सेल पे पहुंच गया। अब वहां पे क्या करेगा, अब स्पोरोजाइट आया अपना नंबर बढ़ाना चाहेगा, क्या करेगा अपना नंबर बढ़ाना चाहेगा। तो नंबर बढ़ाने के लिए एक ही प्रोसेस है, क्या करे, सेक्सुअल या एसेक्सुअल साइकिल चले। तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस में कौन सी साइकिल चलती है, एसेक्सुअल साइकिल रन होती है, ठीक है। तो क्या किया, एसेक्सुअल साइकिल शुरू कर दिया, अंडरगो एसेक्सुअल साइकिल इनसाइड हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल के अंदर क्या हो गया, एसेक्सुअल साइकिल रन हो गया। तो पूछा जाता है कि जब मलेरिया होती है मैन के अंदर, तो मैन में जो एसेक्सुअल साइकिल रन होता है वो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, हिपेटोसाइट सेल पे होता है। हिपेटोसाइट नहीं दिया तो लीवर मार के आप लोग आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं साइजोगोनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइजोगोनी बोला जाता है, साइजोगोनी साइकिल, ठीक है। अब देखो जब हमारा जैसे मान लो कि हिपेटोसाइट में मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे हमारे कौन से बन गए, स्पोरोजाइट यानी मॉस्किटो बनना, स्पोरोजाइट हमारे ब्लड में बनना शुरू हो गए। जब बनेंगे तो ये क्या होंगे, ब्रस्ट होंगे, और ब्रस्ट होकर हमारे स्पोरोजाइट हमारे बाहर आ जाएंगे, और बाहर क्या होगा हमारा ब्लड। अब किसके अंदर पहुंच जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर अंदर एंट्री कर देंगे, ठीक है, किसके थ्रू हमारा ब्लड के अंदर एंट्री करिए। तो लिखा है हिपेटोसाइट ब्रस्ट रिलीजिंग पैथोजन और इंटर आरबीसी, कहाँ पहुंच गया हमारा, आरबीसी के पे पहुंच गया, ठीक है। अब आरबीसी में क्या होगा, परफॉर्म साइजोगोनी, जैसे यहाँ पे था हमारा साइजोगोनी यानी हमारा क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, परफॉर्म साइजोगोनी इन आरबीसी, ठीक है। यदि अब साइजोगोनी यदि साइकिल हमारी चल रही है किसमें, आरबीसी में, तो इरिथ्रो जानते हो, इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। लीवर में चल रहा है तो साइजोगोनी, आरबीसी में चल रहा है तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। अब जब ब्लड है, जैसे मान लो कि ये ब्लड है, ब्लड में हमारा मान लेते हैं क्या, स्पोरो ज्वाइंट एंट्री कर गए, ठीक है। अब जब इसमें भी संख्या बढ़ेगा तो ब्लड हमारे क्या होंगे, ये भी ब्लड हमारे वेसल से क्या होंगे, ब्रस्ट होंगे और हमारा बाहर निकलेगा। जब यहाँ ब्रस्ट होता है तो यहाँ एक क्या होता है हमारा, केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोजोइन, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है साइजोगोनी आरबीसी, आरबीसी ब्रस्ट लिबरेटेड पैथोजन, पैथोजन के साथ साथ यहाँ पे एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोजोइन बोला जाता है। अब हीमोजोइन रिलीज विच कॉजिंग फीवर, ठीक है, यदि आपको फीवर हो रहा है धीरे धीरे कुछ दिन के बाद। अब देखो इसमें तीन साइकिल होती हैं, थ्री स्टेज आती हैं, हीमोजोइन, ठीक है, हीमोजोइन निकला, पहले हमको फीवर होगा, फिर हमको चिलनेस होगी, ठीक है, फिर हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 से 4 दिन हमको रिपीट होता है मलेरिया में, यदि ऐसा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे क्या हो गया, हमको मलेरिया कॉज हो गया है, मलेरिया हमको चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अब देखो हीमोजोइन यही ब्लड में, अब पूछा जाता है कि डॉक्टर जब चेक करता है मलेरिया तो ब्लड ले जाता है, तो ब्लड में देखता क्या है, इसी केमिकल को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा, हीमोजोइन को ऑब्जर्व कर किया जाएंगे। देखो ये बता रहे थे कि आरबीसी हमारा एंट्री, आरबीसी में था हमारा एंट्री किया था हमारा स्पोरोजॉइट, वहां पे साइकिल चला, एसेक्सुअल साइकिल आरबीसी में पहुंच गया हमारा। आरबीसी जब ब्रस्ट होगा तो क्या निकलेगा हमारा, हीमोजॉइन निकलेगा। जब हीमोजॉइन निकलता वैसे ही फीवर होना स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन को, ठीक है, बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि हीमोजॉइन जैसे ही निकला हमारा डब्ल्यूबीसी से लड़ना शुरू कर दिए, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब डॉक्टर चेक करता है, ठीक है, चेक क्या करता है हमारा, ये हीमोजॉइन ब्लड में यदि हीमोजॉइन है तो आपको कन्फर्म है 100% आपको मलेरिया हो चुका है। यदि हीमोजॉइन नहीं है तो
तो चांसेस बढ़ाए बताएंगे कि सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स होते हैं कि हमको एक दिन फीवर होगा, एक दिन ठंडा लगेगा, चिलनेस होगा, और एक दिन हम लोग नॉर्मल रहते हैं, इसलिए 3 to 4 days की साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा हिमोजॉय निकल गया। अब देखो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी डिसाइडेड रिपीटेशन ऑफ फीवर। ठीक है, अब कितना कौन से घंटे में रिपीटेशन करता है हमारा फीवर का, कि कोई 24 घंटे बाद ही रिपीट कर देता है कि फीवर आया था, कोई हमारा 72, कोई हमारा 48 आवर्स। ठीक है, तो इसमें हमारे चार थे, हमारे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवैली। जिसमें से देखा गया है कि प्लाज्मोडियम ओवैली की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम ओवैली की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात करें और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की बात करें, ठीक है, इन तीनों की बात करें, तो इनकी जो साइकिल होती है हमारी रिपीटेशन ऑफ फीवर की, कितनी होती है हमारी, 48 आवर्स की होती है। कितनी होती है हमारी, 48 आवर्स की होती है हमारी। ठीक है, जिसको बोलते हैं टर्सियन मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें, प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका कितना होता है हमारा, 72 आवर्स होता है। कितना होता है, 72 आवर्स, जिसको बोलते हैं क्वार्टर मलेरिया, यानी कि फीवर होगा, अब फीवर जो नेक्स्ट फीवर होगा वो 72 आवर्स के बाद होगा, बट ऊपर वाले तीन जो प्लाज्मोडियम है वो 48 आवर्स बाद ही क्या हो जाएंगे, फीवर होना शुरू हो जाता है। ये हमारा है रिपीटेशन ऑफ द फीवर, जब हमारा हीमोजॉइन निकल रहा है तब की बात करें, और हीमोजॉइन कहां से निकलेगा, जब हमारा आरबीसी भ्रष्ट हुआ था तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वही हमारा कि आरबीसी भ्रष्ट हो चुका है, उसके अंदर क्या निकल गया हमारा, गैमेटोसाइट, क्योंकि एसेक्सुअल साइकिल चला और वहां से क्या बन गया, गैमेट बन गया, कहां पे हमारा, आरबीसी में। ठीक है, अब देखो गैमेटोसाइट हमारा बना आरबीसी में, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये गैमेटोसाइट जब अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, जैसे ही बाइट करेगा, गैमेटोसाइट इंटर मॉस्किटो स्टमक, ठीक है, कहां चला गया हमारा, कहीं कहीं इंटेस्टाइन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इंटेस्ट, ठीक है, इंटेस्टाइन, मॉस्किटो स्टमक में चला गया, फिर इंटेस्टाइन गैमेटोसाइट। अब जब गैमेटोसाइट में गया, एंट्री किया, तो वहां पे क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल चलेगा, और सेक्सुअल साइकिल के लिए क्या चाहिए, उसको फर्टिलाइजेशन होना पड़े, सेक्सुअल साइकिल होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो गैमेटोसाइट फ्रॉम गैमेट्स बनाएगा, और जब गैमेट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और गैमेट जैसे ही फर्टिलाइज करेगा क्या बनेगा, जायगोट बन जाएगा, और जायगोट फिर क्या बना देगा हमारा, स्पोरोजॉइट बना देगा, और स्पोरोजॉइट फिर कहां पहुंच जाएगा, मॉस्किटो के सलाइवा में, और मॉस्किटो सलाइवा फिर काटेगा, फिर हमारा इस तरह पहुंच जाएगा हमारा ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट। ठीक है, तो इस तरह हमारी पूरी साइकिल चलती है, हमारी मलेरिया की साइकिल रन होती है। स्पोरोजॉइट काटा, बाइट किया, स्पोरोसाइट पहुंचा लीवर के पास, और लीवर के किस में हमारा, हिपेटोसाइट सेल पे, फिर वहां पे एसेक्सुअल साइकिल चला, एसेक्सुअल साइकिल चलने के बाद हिपेटोसाइट ब्रस्ट हुआ, ब्रस्ट हुआ तो आरबीसी में पहुंचा, आरबीसी में फिर साइकिल चला, रन हुआ, जनसंख्या बढ़ाया, आरबीसी को ब्रश किया, वहां से केमिकल निकला जिसे बोलते हैं हीमोजाइन सेल, हीमोजाइन सेल निकला, हीमोजाइन केमिकल निकला, सेल नहीं सॉरी केमिकल, जिसे क्या हमारा फीवर कॉज हुआ, और इसी साथ हीमोजाइन जब ब्रश हुआ पैथोजन, तो पैथोजन क्या बना था, एसेक्सुअल चलाया था, गैमेटोसाइट बना था। अब गैमेटोसाइट हमारे ब्लड में पाए जा रहे हैं, अब वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, अब अगेंस्ट मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो गैमेटोसाइट एंट्री कर जाएगा स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, गैमेट क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, और जायगोट फिर क्या बनाएगा, स्पोरोजॉइट, और पहुंच जाएगा उसके सलाइवा में, मॉस्किटो के सलाइवा में। ठीक है, तो इस तरह स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है और मलेरिया की साइकिल चलती है, रन होती है, जिसमें से हीमोजॉइन जो केमिकल है वही हमारा क्या करता है, फीवर कॉज करता है। यदि हीमोजॉइन नहीं निकल रहा हमारे ब्लड में तो हमको मलेरिया नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा मलेरिया की साइकिल। ठीक है, अब आता है हमारा कुछ और भी है, प्रोटोजोअन्स डिजीज एक नेक्स्ट है हमारा, जिसको बोलते हैं अमीबियोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, अमीबियोसिस पॉजिटिव एजेंट हमारा है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट की बात करें हम लोग, अमीबियोसिस, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो कौन सा हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कौन सा हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अब सॉरी ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात किया जाए। ठीक है, तो एंट अमीबा और अमीबा में डिफरेंस क्या होता है, पहला तो ये पूछा था एंट अमीबा और अमीबा में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अमीबा क्या होता है हमारा, ठीक है, वाटर, फ्रेश वाटर में होता है, एंट अमीबा हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन पे पाए जा सकते हैं। दूसरा, एंट अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, नहीं, एंट अमीबा में कॉन्ट्रेक्ट नहीं पाया जाता, और अमीबा में क्या पाया जाता है, हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है हमारा। ठीक है, अब देखो
हमारा एमीबियोसिस जो डिजीज हो रही है प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ कॉजिटिव एजेंट का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। मोड ऑफ स्प्रेड है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की बात करें, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड क्या है, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड स्प्रेड डिजीज, यानी हाउस फ्लाई भी हमारा एमीबियोसिस कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स क्या है, स्टूल कंटेनिंग म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है, यानी स्टूल में क्या हो रहा है, म्यूकस निकल रहा है, व्हाइट व्हाइट निकल रहा है और ब्लड के साथ निकल रहा है, तो हम समझ जाओ ब्लड ज्यादा ही निकल रहा है, तो हम उसको 100% समझ जाते हैं क्या हुआ, इसको अमीबियोसिस हुआ है, ठीक है, इसको क्या हुआ, अमीबियोसिस हुआ है, ठीक है। अभी हम बताए हैं कि पाया जाता है हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, पैरासाइट ऑफ कोलन, ठीक है, कोलन मतलब इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलम, ठीक है, सीकम, कोलम एंड रेक्टम होता है, जिसमें हमारा मिडिल पार्ट है कोलम, उसमें पाया जाएगा। अब देखो कुछ हमारे पॉलिस के हम लोग लाइफ साइकिल भी पढ़ते थे, ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है ना जानना है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट है इसमें जानना है। एक ऐसा होता है मोनोजेनेटिक, ठीक है, मलेरिया कैसा था, डाइजेनेटिक, यानी दो होस्ट थे, ठीक है, कितने थे हमारे, टू होस्ट थे, ठीक है, इसमें कैसा होता है हमारा मोनोजेनेटिक, यानी एक ही चाहिए, उसको दो होस्ट की जरूरत नहीं है। उसमें हमारा इन्फेक्टिव स्टेज था स्पोरोजॉइट, यहाँ पर इन्फेक्टिव स्टेज है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बोला जाता है, किसको क्या बोलते हैं, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बोला जाता है, ठीक है। एक हमारा पैथोजेनिक स्टेज जिसको बोलते हैं मैग्ना फॉर्म। यदि हमारी लाइफ साइकिल, मान लो कि ये लाइफ साइकिल इसकी चलती जा रही है, ऐसे हमारी लाइफ साइकिल है, पूरी लाइफ साइकिल पढ़ना नहीं है, यदि इसके बीच में मैग्ना फॉर्म नहीं बना, ठीक है, कौन सा, मैग्ना फॉर्म नहीं बना, ठीक है, लाइफ साइकिल में, तो हमारा क्या होगा, वो हमारी लिए इन्फेक्टिव नहीं होगा, हमको डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि मैग्ना फॉर्म बना लाइफ में तो फिर वो डिजीज कॉज कर सकता है। और दूसरा है नॉन पैथोजेनिक स्टेज जिसको बोलते हैं माइनूटा फॉर्म, प्री सिस्टिक फॉर्म। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है, पहले लाइफ साइकिल भी पढ़ा जाता था, पढ़ाते भी थे, अब नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ज्यादा यदि डिटेल में जाएगा हमारा, ठीक है, तो यही पूछेगा इन्फेक्टिव स्टेज, क्वार्टी न्यूक्लिएटेड सिस्ट बोलते हैं, जैसे इसमें स्पोरोजॉइट था, सेकंड पैथोजेनिक स्टेज मैग्ना फॉर्म, और नॉन पैथोजेनिक जिसे बोलते हैं माइनूटा फॉर्म। एक पूछा था एंटमीबा हिस्टोलिटिका में रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होता है, ग्लाइकोजन, जैसे हम लोगों में होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं इन द लीवर, ठीक है। और देखो ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट टिनिडाइजोल, ठीक है, मेट्रोडाइजोल, ठीक है, देखो मेट्रोनिडाइजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाइजोल, ठीक है, ये दो दवा है जो हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका में दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है और भी कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देना है। तो ये हमारे हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसके कारण अमीबियोसिस हो रहा है। अमीबियोसिस मतलब सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, स्टूल कंटेनिंग म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है, जिसका किससे होता है हमारा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसमें पूछा जाएगा हाउस फ्लाई क्या काम करता है, तो एक मैकेनिकल कैरियर का काम करता है हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। ये हो गया हमारा प्रोटोजोअन्स डिजीज के बारे में, ठीक है। अब आता है हमारा हेलमेंथीज डिजीज, किसके बारे में आता है हमारा, हेलमेंथीज डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, चलो हेलमेंथीज डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारा जो है एस्कैरियोसिस, ठीक है, एस्कैरिस और प्लेटी हेलमेंथीज, इसमें हमारा पहला है एस्कैरियोसिस, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन आपको, ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है। एस्कैरियोसिस किससे होता है हमारा, एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, किससे होता है हमारा, एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकॉइड, कहीं कहीं आपको दिखा था एस्कैरियोसिस किससे होता है, एस्कैरिस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुम्हारा कैसे होता है, मोड ऑफ स्प्रेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। सिम्टम्स क्या है, वोमिटिंग होगा, डायरिया का जो कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं क्लोनिक प्लेन पेन, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, जहाँ पे क्लोन है हमारे, ठीक है, क्लोनिक मतलब सीकम, कोलन, रेक्टम है, कोलन जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकॉइड, जो पॉजिटिव एजेंट है जो कॉज किया है एस्कैरियोसिस, ठीक है। अब इसमें ड्रग्स है हमारे, ड्रग्स पूछा नहीं जाएगा आपको, ड्रग्स में याद चलते बेंडेक्स, जिनिटॉल, एल्कोपार, ठीक है, ये सब लिखा जाता है, ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, ठीक है, चिनोपोडियम दिया जाता है हमारा ऑयल का, ठीक है, और एल्कोपॉल पार दिया जाता है, बेंडेक्स, जिनिटॉल, और भी हमारे ड्रग्स जो दिए जाते हैं हमारे कौन से, एस्कैरियोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारा जिसको लिख लेते हैं VVIP, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा फिलेरियोसिस, ठीक है, जिसको NCERT में लिखा हुआ है एलिफेंटियोसिस। एक देखे होंगे, एक हमारा इस तरह करके पैर बनाया होगा, ठीक है, हाथी पांव इस तरह करके बनाया होगा, NCERT में एक आदमी बैठा होगा, ठीक है, इस स्टूल पे, उसी को बोलते हैं एलिफेंटियोसिस बोला जाता है, कि हाथी की तरह पांव हो जाता है।
जो होता है हमारा बाउचेरिया बेनक्रॉप्टी या फिर बाउचेरिया मलाई, दोनों से होता है हमारा, इसका कॉजिटिव एजेंट है जो डिजीज कॉज करता है एनफिलीरोसिस या एलिफेंटियोसिस। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ स्प्रेड भी पूछा था इसका, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो, कौन है हमारा मॉस्कीटो, तो बहुत खराब आदमी है, ठीक है, बहुत खराब जान इंसेक्ट है, ठीक है, कई बीमारी कॉज कर सकता है, जिसमें से मोस्टली कौन सी हमारी फीमेल्स है, कौन सी हमारी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो है जो क्या करता है फिलीरोसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब सिम्टम क्या होता है, कुछ नहीं, देखो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ठीक है हाथी पांव हो गया है इस तरह करके एलिफेंटियोसिस, इसमें जितने भी लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, जितने भी लिम्फेटिक वेसल हमारे, कौन सा लिम्फेटिक वेसल है, वो क्या होते हैं ब्रेक डाउन होके क्या होते हैं हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं लिक्विड के फॉर्म में, जिसके कारण क्या होता है हमारा हाथ पैर क्या होता है फूल जाता है। ठीक है, देखो लिखा सिम्टम क्रियोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन विद द पैरासाइट लीवर फॉर द ईयर्स यूजली इन लिम्फेटिक वेसल ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब हमारा हाइंड लिम्स की बात करें, जितने भी लिम्फेटिक वेसल हैं वो क्या होते हैं खराब हो जाते हैं ब्रेक डाउन होके क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण पैर क्या होता है स्वेलप हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है स्वेलप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ रहे हैं ये पड़ रहे हैं पड़ रहे, ठीक है, बस क्या होते हैं हमारे पैर का क्या होता है स्वेलप हो जाते हैं, जिनको कपड़े पहनने चलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बाद में वो हैबिचुअल होते हैं, और ये हमारे ठीक है 0.001% चांसेस होते हैं किसी को होने की। ठीक है, तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन विच द पैरासाइट लीवर फॉर ईयर्स यूजली इन लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लिम्स की बात कर रहे हैं, हमारे लिम्स के लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा डिजीज हो गया पूरा बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ एंड हेलिमेंथीज यानी एस्केरियासिस से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं डिजीज हो रहा है उससे फाइट जो करता है उसको क्या बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बात करेंगे इम्यूनिटी की बात करेंगे, इम्यूनिटी क्या होता है लिखा हुआ देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा दिख रहा होगा, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंफर्ड बाय इम्यून सिस्टम कॉल्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का वो पार्ट या फिर ऐसी चीजें जो क्या कर रही है किसी के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, हमको हमारे पास हजारों बैक्टीरिया वायरस खाना खाते हैं बातें करते हैं घूमते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें अंदर आती हैं, लेकिन हमको डिजीज कॉज नहीं होता बिकॉज क्योंकि हम लोगों की सबकी लगभग ठीक है इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, यानी गॉड पावर है गिफ्टेड पावर हमको दिया गया है इम्यून सिस्टम जिससे फाइट करते हैं। ठीक है, बट हम लोग कुछ कंटामिनेटेड फूड वाटर खाना शुरू कर देते हैं और भी चीजें लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं तो हमारी इम्यून पावर क्या होती है वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें दो तरीके हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, पहला इननेट इम्यूनिटी है, सेकेंड हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा इननेट इम्यूनिटी, सेकेंड हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो ठीक है इसमें बात करते हैं हमारा पहला इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फैमिलियल या फिर जेनेटिक इम्यूनिटी, यानी जो जीन से मिला हमारा इम्यून प्रेजेंट बाई बर्थ। ठीक है, जैसे हम लोग डिजीज कंजेनिटल डिजीज था, ठीक है, और हमारा था उसमें तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन था, हमारा कॉन्जेनाइटल डिजीज था जो हमको बर्थ से मिलता था। ठीक है, उसी तरह इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो हमारा क्या है जेनेटिक इम्यूनिटी है हमारी जो हमको बाय द बर्थ मिली है। ठीक है, जो हमको बर्थ से ही मिल जाता है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे बात करो आप लोग हमारी स्किन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्किन बात कर रहे हैं ये क्या होती है हमको बर्थ से मिलती है, बैरियर का काम करती है। ठीक है, फिजिकल बैरियर का काम करती है हमारी। ठीक है, इसी तरह हम इसको चार पार्ट में डिवीजन किया गया है, फर्स्ट है हमारा जो हमको बर्थ मिली है फिजिकल बैरियर, और ये इम्पोर्टेंट है हमारा क्योंकि ये क्या दिया है NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हमारा NCERT में दिया हुआ है, इट इंक्लूड इसके अंदर कौन सा आता है पहला हमारा स्किन आता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, जो पहले हमारे कई बैक्टीरिया को एंट्री करने से रोकता है हमारा स्किन। ठीक है, पहला वो काम करता है। ठीक है, देखो लिखा है इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, थाउजेंड लाखन मिलियन बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है स्ट्रेटम कॉर्निया हमारी स्किन। ठीक है, पहला। सेकेंड हमारा इसमें है म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जितने भी हमारे ग्लैंड है मोस्टली डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी एंड यूरिजेनाइटल ट्रैक। ठीक है, जितने भी है सबके ऊपर क्या होती है म्यूकस की लेयर होती है, जो क्या करते हैं एंटीजन है जो माइक्रोब्स है उसको पकड़ के रख लेते हैं, और रखने के बाद उसको डैमेज कर दिया जाता है।
ठीक है, यानी जैसे मान लो कि ये हमारा गट है कोई भी, ये हमारा कौन सा है इंटेस्टाइन गट है, इसके ऊपर जानते हैं हम लोग कि एक लेयर्स पाई जाती है, ठीक है, एक लेयर जो गोबलेट सेल निकालता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूकस सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है हमारा म्यूकस सेल। तो यानी यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है हमारा, म्यूकस प्रेजेंट है। अब मान लो कि ये छोटा वाला ये पैथोजन एंट्री कर रहा है, तो क्या करेगा, इसी पे आके चिपक जाएगा, जो आगे नहीं जा पाएगा ना ग्रोथ हो पाएगी उसकी, ठीक है, इसे बोलते हैं हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारा जो है एक बैरियर का काम करता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्या करते हैं पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ये हमको जेनेटिक्स मिला है, पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, ठीक है, मिला है। नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, पहला था फिजिकल बैरियर, सेकेंड कौन सा है फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें, इसमें हमारा है प्रेजेंट, पहला है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर, इज इट एंटी बैक्टीरियल। हम यदि भोजन कर रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हैं, तो जब हम माउथ ओपन करते हैं तो 1000 बैक्टीरिया एंट्री करते हैं हमारे माउथ के रास्ते, बक्कल कैविटी के रास्ते, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं तो हमको जानते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो एंजाइम निकलता है वो सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, सलाइवा निकलता है, ठीक है। अब उस सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज तो खाने को डाइजेस्ट करेगा, साथ साथ में यदि खाने के साथ कुछ हमारे बैक्टीरिया ये सब चीजें आई माइक्रोब्स एंट्री की है, तो उसके अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। दूसरा, जब हमको आंखों में कुछ पड़ जाते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं टीयर्स, ठीक है, आंसू निकलने लगते हैं, जो हमारे लिए बहुत फायदा है, उसमें भी क्या होता है लाइसोजाइम होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है। अब देखो माउथ से यदि बच गए तो पहुंचेगा कहाँ पे, स्टमक, जिसमें जिसको बोलते हैं जठर बोलते हैं, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा हमारा जठर में पहुंचेगा, जठर में पहुंच रहा है तो वहां पे HCl है, HCl जहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या करेगा किल कर देगा, ये भी हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अब ऐसा नहीं है कि सर HCl हम बाहर से पीते हैं, HCl बाहर से पीछेंगे तो यहाँ पे हमारा कैसा होता है, क्यों HCl नहीं पी सकते हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जलन हो जाएगी, क्योंकि माउथ में जो हमारा बक्कल कैविटी में पीएच हमारा डिफरेंस होता है, स्लाइटली स्लाइटली बेसिक या फिर स्लाइटली एल्कलाइन बोला जाता है। चल एसिडिक हमारा है स्टमक में, ठीक है, एसिडिक वहां पहुंचा तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड उसको किल कर देगा, ठीक है। सी हमारा लीवर से जो बाइल निकालता है फिर उसको ट्रैप करके उसको मार देगा, ठीक है। फिर हमारा सीबीएसएस ग्लैंड जो आयल निकालता है, आयल क्या करे ट्रैप कर देगा, पकड़ लेगा उसको, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसे देखते हैं जैसे मान लो कि प्लाज्मोडियम, बरसात हुई बहुत ज्यादा, आपके अगल बगल क्या हो कुछ दिनों गड्ढे में या फिर जो भी खाली पार्ट है वहां पे क्या हो रहा है पानी इकट्ठा हो रहा है, यदि प्लाज्मोडियम के मानते हैं आपको प्लाज्मोडियम की ग्रोथ हो रही है तो क्या करना है आपको कैरोसिन ऑयल इस पे डाल दो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल दो, तो कैरोसिन ऑयल पूरी परत पे जमा हो जाता है, जिससे रिस्पायरेशन नहीं कर पाते लोग, उसी क्या होती है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऑयल फॉर सीबीएसएस के लिए इसको ट्रैप कर लेता है हमारा माइक्रोब्स को, तो उससे नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है क्यूमरिन, जिसको बोलते हैं ईयर वैक्स, ठीक है, रिपेल इंसेक्ट ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड इनिबिट प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, और क्या करता है जो माइक्रोब डेवलपमेंट करना, इतना इतना गंदा इसकी स्मेल होती है जिसके कारण अपने आप इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्वेट फ्रॉम सोडिफेरस ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है NaCl होता है, यदि कोई बैक्टीरिया है कुछ माइक्रोब्स आए तो यहाँ से स्वेटिंग होती है हमको, ठीक है, स्वेटिंग होती है तो NaCl होता है, और NaCl जानती है हमारा जो साल्ट होता है वो किसी को ग्रो करने नहीं देता, बैक्टीरिया वायरस जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसी में हमारा फिजियो, कौन सा पढ़ रहे थे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फ्रेंडली बैक्टीरिया ऑन स्किन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, वेजाइना प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ठीक है, विच इनहिबिट प्रोलिफरेशन ऑफ अदर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हम पूछा कई जगह देखा जाता है फीमेल में जो वेजाइना होती है उसमें क्या होती है डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिससे पिक्चर बनी थी पैडमैन, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो इसके कारण हमारी बहुत जल्दी डिजीज होती है यदि हम लोग क्या करते हैं हाइजीनिक चीजों का यूज करते हैं। तो वहां पे हमारा वैसे नेचर ने क्या दिया, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा वेजाइना, इसके कुछ बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारे गॉड गिफ्टेड है चीजों को स्किन के ऊपर और ये सब चीजें, तो ये हमारी है फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेलुलर बैरियर, फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, अब कौन सा आता है हमारा सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। सेलुलर बैरियर में इट इंक्लूड सेल सच एज पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, यानी हम लोग टोटली यदि बात करें किसकी बात कर रहा है WBC की बात कर रहा है, कि WBC हमारी एक सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है, यानी कोई चीज आता है तो पहले हमारा कौन जाता है WBC, उससे लड़ना शुरू करता है, फाइट करना शुरू करता है, जिसमें हमारे अलग अलग है ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है,
नेचुरल किलर सेल है, मैक्रोफेजेज विच कैन इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं कि अलग अलग जगह काम करता है, एक एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन है हमारा, एक इन्फेक्शन से काम करता है, इस तरह हमारे एक उंड हीलिंग में काम करता है, इस तरह हमारे काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, जो हमारा डब्ल्यूबीसी में यानी सेलुलर बैरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये हमारे दिए द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटी में तो किसी को खत्म कर जाना, खा जाना। ठीक है, वाज डिस्कवर्ड बाई मेकनिकॉफ। ठीक है, मेकनिकॉफ ने इसकी डिस्कवरी की, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑल द फैगोसाइटिक सेल बॉडी फ्रॉम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे हमारा दो है हमारे, जिसे बोलते हैं कूपर सेल इन द प्रेजेंट इन लीवर, दूसरा सेल डस्ट सेल प्रेजेंट इन लंग्स। लीवर में जो कूपर सेल है, जितने भी खराब चीजें उसको सफाई, उसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है कूपर सेल को। ठीक है, क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, जो क्या करता है, सफाई का काम करता है। उसी तरह डस्ट सेल हमारा लंग्स में पाया जाता है। कभी कल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली आप कई लोगों से पूछो कि डस्ट सेल कहाँ पाया जाता है, तो कई लोगों को पता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो लंग्स में हमारा डस्ट सेल है जो सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है, यानी लंग्स में कोई भी खराबी हो रही है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, डस्ट सेल कर सकता है। ठीक है, तो तीन बैरियर हो गया, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर। नेक्स्ट हमारा है साइटोकाइनिन बैरियर की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट किसका हमारा, साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, रुको एक मिनट, चलो साइटोकाइनिन बैरियर की बात कर रहे हैं, तो साइटोकाइनिन हमारा दिया जाता है इंटरफेरॉन। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या बनते हैं, इंटरफेरॉन, जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज किसी का डाउट भी आया था, इंटरफेरॉन अल्फा एंड डेल्टा बताए थे। ठीक है, इंटरफेरॉन हम लोग बाहर से भी थेरापेटिक्स भी बना चुके हैं कैंसर के लिए, सब के लिए, तो इंक्लूड इंटरफेरॉन है जो हमको नेचुरल में मिला है, नेचर से हमको, ठीक है, जो हमको बर्थ से मिलता है। इंक्लूड इंटरफेरॉन विच ग्लाइको प्रोटीन रिलीज बाई वायरस इंफेक्टेड सेल, यानी वायरस इंफेक्टेड सेल जब होगा तो वो इंटरफेरॉन निकालेगा, जिसके कारण उस वायरस की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन स्टिमुलेट द नेवर वोर सेल टू रिलीज एंटीवायरल प्रोटीन टू रिस्ट्रिक्ट टू वायरल अटैक। यानी जैसे मान लो कि ये सेल है हमारे, दो तीन सेल बना लिए, ठीक है, अभी जैसे इसको इफेक्ट हुआ वायरस से, ठीक है, जैसे ही इफेक्ट हुआ वायरस, तो ये तो काम कर रहा है हमारा, निकाल रहा है इंटरफेरॉन, और इसके बगल वाले अभी इफेक्ट नहीं हुए तो अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंटरफेरॉन निकालना शुरू कर दे रहे हैं, पहले ही तैयारी बना लिए। ठीक है, पहले क्या करिए, तैयारी बना लिए कि हम इंटरफेरॉन यदि निकालने लगेंगे तो वायरस यदि आया इसके ऊपर तो इसे हमारे इफेक्ट है नहीं होंगे, हमारे बगल वाली सेल, पड़ोसी से इफेक्ट नहीं होगा वायरस से, पहले ही हम प्रिपेयर हो गए और काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, चलो जैसे होता है, हम लोग बात करें कि देखा भी गया ऐसे कि कुछ लोग होते हैं जब एग्जाम आता है, जैसे पता चले, जैसे कॉलेज का एग्जाम मोस्टली हम भी दिए हैं, आप लोग भी दोगे, तो जब एग्जाम आता है तो पता चलता है अच्छा कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, जैसे ही नेक्स्ट दिन पता चलता है कि अरे एग्जाम है, कल तो है डेट और कल ही है, तो आज रात भर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रिपेयर। लेकिन कुछ होते हैं जो पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। कॉलेज के एग्जाम में चलता है, आप एक दो दिन पहले पढ़ते हो तो काम चल जाता है हमारा। ठीक है, बट नीट के लिए हमको पहले ही प्रिपेयर, जैसे आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों को पता है कि हमको नीट देना है, तो अभी आप लोग प्रिपेयर हो गए हो, ठीक है, और पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनिक बैरियर में भी रख सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा आया था नेचुरल से, हमारा जेनेटिक से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अदर बैरियर, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सर हमको मच्छर काटा, ठीक है, यानी हमको चोट लगी तो आप रेडनेस हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है। क्या होता है, रेडनेस, स्वेलिंग और वहाँ पे हीट होता है। ठीक है, या फिर देखो किसी को ये, ठीक है, एक लगाते हैं तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है और वहाँ पे टच करोगे तो हीट होगा, बेचारे का दर्द भी होता है, ज्यादा लगा दिए तो स्वेलिंग होता है, तो होता कैसे है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अदर बैरियर्स हैं हमारे। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे होता है कि यदि कोई भी हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया कनेक्टेड, ठीक है, कोई भी सेल हमारा इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पहला रेडनेस, लोकल हीट, पेन एंड स्वेल, ये होता है। ठीक है, अब होता कैसे, जैसे मान लो अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक द सेल, अटैक किया, अब जैसे ही अटैक किया तो हमारा सेल क्या होगा, ब्रोकन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डैमेज होगा, जैसे ही डैमेज होगा हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाएगा, यदि जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा तो वहां से बोलेगा हमारा ब्रेन की वहां हमारे केमिकल्स निकालो। ठीक है, केमिकल निकालता है कौन सा, मास्ट सेल, मास्ट सेल को सिग्नल जाएगा नर्वस सिस्टम से कि वहां पे केमिकल सिक्रेट करो, और वो मास्ट सेल कौन सा केमिकल सिक्रेट करता है, हमारा हिस्टामिन सिक्रेट करता है,
और हिस्टामिन क्या करता है, वैसो डायलेटर का काम कर देता है, कि जैसे हमारा वैसो डायलेटर, ठीक है, यहां देखो हमारा पहले मान लो कि इस तरह हमारा ब्लड वेसल था, अब जैसे ही इसके अंदर कौन सा आया, मास्ट सेल आया, मास्ट सेल को ट्रिगर किया गया, ठीक है, ठीक है, मास्ट सेल को ट्रिगर किया गया, किसने ट्रिगर किया, हमारा ब्रेन, और मास्ट सेल क्या निकालना शुरू किया, हिस्टामिन, अब हिस्टामिन जैसे सिक्रेट किया तो ये वैसो डायलेटर हो जाएगा, ठीक है, इसकी नली क्या हो जाएगी, इस तरह वैसो डायलेटर हो जाएगी, जिससे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस सेल में, क्योंकि ये मान लेते हैं कि यही क्या हो गया है, ये वाला सेल क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, ये आगे इस तरह बना लेते हैं, यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे WBC की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाएंगी हमारी, यानी क्या हो जाएगा, हमारा सेल की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, सेल की मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ पे WBC की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पे अपने आप जानते हैं रेडनेस चालू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सप्लाई मोर होने लगेगी, ठीक है, देखो दिखाया हिस्टामिन वैसोडायलेटर एंड इंक्रीज कैपिलरी परमीबिलिटी, ठीक है, और इंक्रीज ब्लड फ्लो, जब इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो रेडनेस होगा ही, और ये क्या हो गया, डायलेट हो गया है तो स्वेलिंग होना जरूरी है, ठीक है, अब जैसे स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, WBC मूव टुवर्ड्स साइड द अटैक, जिसको बोलते हैं डाइपिडेसिस, ठीक है, यानी अब WBC वहां से निकल के दूसरे जगह स्क्वीज आउट हो गई, बाहर निकल के लड़ना शुरू कर दी, ठीक है, यदि शुरू करेगी, ठीक है, तो वहां पे स्वेलिंग और रेडनेस होगा, और साथ साथ में एक केमिकल निकालती है सेल, ऑल्सो रिलीज पायरोजेंस, ठीक है, पायरोजेंस विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो हम लोग पूछा जाता है, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमको ये बीमारी हुई या चोट लगा तो हमको फीवर क्यों हो जाता है, ठीक है, चोट हुआ लगा, अच्छा चोट लगा, इतना छोटा सा कट गया तो हमको फीवर हो जाएगा, ठीक है, अच्छी खासी हमको माइक्रो अटैक करते हैं, ठीक है, हमको कोई भी चीज होती है तो पहला काम होता है फीवर होना, फीवर इसी नाते होता है कि हमारी क्या होती है, कुछ सेल्स हमारी बॉडी की पायरोजेंस निकालती है, जिससे हमारी टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया या वायरस सर्वाइव नहीं कर पाते, तो टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है, इस नाते टेम्परेचर माइल्ड फीवर होता है हमारा, स्टिमुलेट द अट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन यदि जब ज्यादा बढ़ने शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अब वीक पड़ गया है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ, वायरस की जो माइक्रोब की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है, देखो माइल्ड फीवर स्टिमुलेट द अट्रैक्शन ऑफ द फैगोसाइट सेल एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसे माइल्ड फीवर होता है हमारा, ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, लेकिन बट ज्यादा जब बढ़ने लगा टेम्परेचर हमारी बॉडी को, तो समझ जाना अब हमारा इम्यून सिस्टम भी नहीं काम कर पा रहा है, जिसके काम को फिर क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन लेने की जरूरत है, ठीक है, तो ये आपको होप्स तो सबको समझ में आया कैसे काम करते हैं, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो पायरोजन जैसे हमको कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे कौन सा केमिकल निकलता है, पायरो जंस निकलता है, ठीक है, ये हमारा इन्फ्लेमेशन बैरियर था, इन्फ्लेमेशन सिस्टम, नेक्स्ट हमारा है जिसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, कम्प्लीमेंट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे काम करने की बात करते हैं, तो देखो इट इंक्लूड अबाउट 30 प्लाज्मा प्रोटीन्स विच किल द माइक्रोब बाय क्रिएटिंग पोर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हमारा कुछ प्रोटीन्स है, ठीक है, कुछ हमारे प्रोटीन्स हैं जो आपको MBBS में बताए जाएंगे, ये प्रोटीन्स क्या है, जैसे मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर, अब ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं कोई बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको डिजीज कॉज करने जा रहा है, ये प्रोटीन्स इसके अंदर चले जाते हैं, इसको बाइंड करते हैं और इसमें क्या करते हैं, पोर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, यदि इनके बॉडी में पोर्स क्रिएट होंगे तो अपने आप स्वेलिंग होके क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ठीक है, जैसे वाटर एंड आयंस मूव इनटू माइक्रोब्स थ्रू द पोर्स एंड लेटर डाई एज टू द रेस्ट ऑफ द लिसिस, ठीक है, इसके अंदर हमारा वाटर जाने लगेगा, सोडियम कैल्शियम जाने लगेंगे, हमारे कुछ आयंस जाने लगेंगे, जिसके कारण उसका pH अपने आप गड़बड़ हो जाएगा, और pH गड़बड़ हो जाएगा जिसके कारण उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ इननेट एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, याद रखना ये जो हमारा कम्प्लीमेंट्री सिस्टम था, ये एक्वायर्ड में भी आ सकता है और इननेट में भी आ सकता है, ठीक है, जैसे मान लो कहीं कहीं ऐसा दिखा जाता है, ठीक है, कि जैसे चोट लग गई तो वहां पे हम लोग क्या करें, साल्टी कोई चीज रख दें तो अपने आप वो सही हो जाता है, ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया मर जाता है, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग अन्य सील डालते हैं, जैसे हमारा माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, हमारा बचा रहे, पिकल्स बचे रहे, ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट हमारा जो है जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल एनके सेल, ठीक है, ये सब नेचर से मिले हमको। दिस सेल डू नॉट हैव एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर अनलाइक बी सेल एंड टी सेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा बी सेल एंड टी सेल के बारे में पढ़ा होगा, ये जो मेन हमारा इम्यून सिस्टम काम करते हैं बी सेल और टी सेल ही होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे, ये दोनों क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स निकालते हैं परफोरिन प्रोटीन विच कॉल्स फोर्स द माइक्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनके सेल भी ऐसा ही काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, परफोरिन प्रोटीन निकालता है जो क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है माइक्रोब के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है नेचुरल किलर सेल काम कहाँ करता है, दे वर्क अगेंस्ट कैंसरस सेल एज वेल एज वायरस इन्फेक्टेड सेल। मोस्टली किसमें करता है, कैंसरस सेल को बढ़ने ना दे, ठीक है। तो ऐसा काम करता है जो कैंसर सेल हमारा कार्सिनोजन्स कुछ होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं जो क्या करते हैं कैंसर कॉज करते हैं, उनके सेल पे जाकर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसके जो सेल है उसके ब्रेक करते हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड सेल है वायरस से तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया से भी हो गया तो भी इनके सेल ही काम करता है। चलो देखो जैसे लिखा, इट इन कैंसर एंड एड्स पेशेंट नंबर ऑफ एनके सेल रिड्यूस, क्योंकि ये काम क्या कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं उसे लड़ने का, जब काम कर रहे हैं यदि लड़ने का काम करेंगे तो इसकी संख्या क्या होगी, कम होगी, जो लड़ेगा वही तो कम होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन हम लोगों ने पढ़ लिया था, अल्फा एंड बीटा पहले से पढ़ लिया तो इसकी जानने की जरूरत नहीं है, सब आल्सो कॉल्ड ट्यूमर रिकवरी। अब देखो यहाँ पे हमारा इननेट हो गया, अब दूसरा कौन सा हमारा सेकेंड जो था उसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फाउंड इन वर्टिब्रेट ओनली, ठीक है, वर्टिब्रेट ओनली में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हमको मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, खुद पहचानने की बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है अपने और अपने सेल को पहचानने लगती है, सेवरल एंटीजन को पहचानती है, पहले से नहीं मिलता जैसे ब्लड चढ़ाना तो एंटीजन और ये सब है, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिसिटी है, कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एंटीजन, हमारी बॉडी बाद में एक्वायर्ड होती है, ठीक है, बाद में इसको समझ में आता है ये एंटीजन है, पहले तो ये सब नहीं होता है। फिर रिकॉग्नाइज सेवरल एंटीजन, वही हमारा, ठीक है, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मेमोरी सेल, ठीक है। बाद में क्या आती है, जैसे मान लो कोई प्राइमरी डिजीज होता है, पहले फर्स्ट डिजीज होता है, ठीक है, तो जब फर्स्ट डिजीज होता है तो हमको क्या होता है उसको ठीक होने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, बट दोबारा जब होता है तो हमारी बॉडी को पता होता है कि ये पहले डिजीज हो सकती हो गई है, तो तुरंत उसको क्या करता है, ठीक कर देता है, क्योंकि उसकी स्टोरेज, उसकी यादें हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, ठीक है। अब देखो जो भी इम्यून सिस्टम में काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फॉइड आर्गन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग लिम्फॉइड आर्गन, और ये पूछा जाता है हमारा, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पूछे जाते हैं लिम्फॉइड आर्गन, ठीक है। अब इसमें दो पढ़ना है, प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन और कौन सा पढ़ना है सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन, ठीक है, प्राइमरी या फिर सेंट्रल लिम्फॉइड आर्गन, ऑर्गन विच बी सेल एंड टी सेल आर फॉर्म्ड या ओरिजिनेटेड, ठीक है, एंड एक्वायर्ड एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड मैच्योर, ठीक है, यानी यहाँ बनेगा और मैच्योर भी होगा। तो प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन में हमारा कौन सा है देखा जाए तो बोन मैरो एंड थाइमस, कौन सा हमारा, बोन मैरो एंड थाइमस। डायरेक्ट याद रखना आप लोग, डायरेक्ट समझना कि जो हमारी बॉडी में जो बी सेल व टी सेल को बनाने का काम करती है उसी को बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो बी सेल को बनाएगी और टी सेल को थाइमस बनाएगा, ठीक है, ऐसा मानते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होगा। नेक्स्ट हमारा देखो ये यहाँ टर्म लिखा है हीमोपोटेसिस, ठीक है, हिमेटोपोएसिस, हिमेटोपोएसिस है हमारा, हिमेटोपोएसिस, ठीक है, हीमेटो, हिमेटो मीन्स होता है ब्लड, और पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज हिमेटोपोएसिस, और कहाँ होता है हमारा, बोन मैरो एंड थाइमस में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा है बी लिम्फोसाइट, ये जो पढ़ रहे हैं बी सेल एंड टी सेल, तो उसी का नाम है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी जो है हमारा लिम्फोसाइट, कहाँ से नाम लिखा गया है, बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस इन कुलेका इन द ब्लड। अब एक कुलेका क्या होता है, ठीक है, कुलेका ऐसा होती है, ठीक है, ए सिंगल ओपनिंग ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन, यानी एक ही ओपनिंग है ऑल बॉडी फंक्शन के लिए, चाहे यूरिनेशन हो, चाहे, ठीक है, एक्सक्रीशन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे इंजेशन हो, ठीक है, सबके लिए हमारा एक ही हमारा ओपनिंग होगी जिसको बोलते हैं कुलेका, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी सिंगल ओपनिंग इज नोन एज कुलेका प्रेजेंट इन द बर्ड, ठीक है। तो देखो बर्ड से ही हमारा लिया गया है, इसमें प्रेजेंट हमारा ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस सेल पाया जाता है, वहीं से लिया गया बीटा सेल, बट
सो मेमेलियन बोन मैरो इज कंसिडर इक्विवेलेंट टू एवियन ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, ठीक है, क्या बोलते हैं एवियन, ठीक है, एवियन ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, ठीक है बेटा, एवियन ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, सो मेमेलियन बोन मैरो कंसिडर, तो यहीं से हमारा देखो बी से ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, या फिर हम डायरेक्ट कहीं कहीं लिखा रहता है कि बी बीटा या बी सेल डिराइव्ड फ्रॉम, या बी बी लिम्फोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है, बट बोन मैरो में फॉर्मेशन होगा और मैच्योरेशन होगा तो उसे बोलते हैं बी सेल, लेकिन लिया क्या गया ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, यदि बर्ड की बात करें इसी तरह मैमल्स की बात करें तो एवियन ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, ठीक है, वहां से हमारा डिराइव्ड हुआ है, बोन मैरो में ही प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, कैसा होता है बोन मैरो में, तो वहीं से नाम लिया है बी सेल। नेक्स्ट हमारा है B lymphocyte or form and mature in bone marrow cell. B की बात कर रहे हैं कि B हमारा कहाँ बन रहा है, bone marrow में formed हो रहा है और वहीं पे भी mature भी हो रहा है, ठीक है। Next बात करें immature thymocyte, thymocyte or form in bone marrow but migrate thymus and get mature there, ठीक है। But T lymphocyte की बात करें तो बनेगा हमारा bone marrow में but maturation कहाँ पे होगा हमारा thymus में, जिसे हम नीचे लिखते हैं T thymus, यानी इसको बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या फिर ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट से, ठीक है, टी लिम्फोसाइट से। अब देखो ठीक है, ये हमारा टी लिम्फोसाइट बनेगा कहाँ पे, ये इसी का है हमारा, यहाँ पे इस तरह लिखते हैं बनेगा हमारा बोन मैरो में बट मैच्योरेशन क्या होगा थाइमस सेल में, यानी बोन मैरो में टी एंड ली टी एंड बी लिम्फोसाइट दोनों बन रहा है, बोन मैरो में बी का मैच्योरेशन हो जा रहा है बट थाइमस का कहाँ पे हो रहा है हमारा, थाइमस में किसका हो रहा है टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन, प्राइमरी हो गया, अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल लिम्फोइड आर्गन, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पे हमारे सरफेस एरिया पे है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आफ्टर मैच्योरेशन रीच हियर वाया ब्लड एंड लिम्फ डिफरेंट एंड पॉलीफ्रेटिटी, ठीक है, अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं बॉडी के और वहां पे डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट आर्गन में हमारा कौन सा है टॉन्सिल, जो गले में है हमारा, लिम्फ नोड बॉडी में कई जगह है, स्प्लीन, पेयर्स पैचे और इंटेस्टाइन एंड एम ए एल टी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जब हम बात करें छोटे होते हैं तो हमारे पास बोन एंड थाइमस ही हमारा क्या होता है लिम्फोइड आर्गन, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमको लिम्फ इम्यून सिस्टम की और भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस नाते बॉडी के हर जगह डिवीजन हो जाते हैं, हर जगह पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन। अब देखो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की बात करेंगे, एमएलटी प्रेजेंट कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी डाइजेस्टिव एंड न्यूरोजेनाइटल ट्रैक, म्यूकोसा अभी हम पढ़े हैं कि म्यूकोसा कहाँ पे लाइनिंग जो होता है डाइजेशन रिस्पायरेशन, ठीक है, और न्यूरोजेनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं हमारे पैथोजन को या माइक्रोब को ट्रैप कर लेते थे, तो वहां पे एक हमारा और लिम्फोइड टिश्यू पाया था जिसको बोलते हैं एम ए एल टी, ठीक है, इट कॉम्प्रोमाइज 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी, यानी हमारा क्या होता है 50% तो हमारा क्या पाया जाता है एम ए एल टी, क्योंकि हमारे जो हमारे मेटाबॉलिक था हमारा उसमें से रिस्पायरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी तीन तो आ ही गए, बचा सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे कुछ बात है स्प्लीन है लिम्फ नोड की, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्प्लीन क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, यानी जब टूट जाएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो कहाँ इकट्ठा होता है हमारा स्प्लीन में, ठीक है, ये तो हमारा लिम्फ नोड जानते ही हो, ठीक है, नोड हमारा है जहाँ जहाँ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के काम पड़ेगा, ठीक है, और तो समझाना नहीं है, इम्यूनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर माइक्रोलॉजी नहीं, ये तो पढ़ लेना। अब देखो अब आता है हमारा एच आई एस, ठीक है, इसको बोलते हैं एच आई एस ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल मतलब बॉडी फ्लूड, देखो छोटा सा लिखा होगा, या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि बी सेल व टी सेल कैसे काम करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि बी सेल है, इसको एंटीजन अटैक किया, ठीक है, अब जब बीटा सेल को, बी सेल को एंटीजन अटैक किया तो क्या क्या करता है बी सेल, एक बनाता है, इसके अंदर होता है प्लाज्मा सेल और एक है मेमोरी
बी सेल, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा सेल के पास कोई भी रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई भी रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होता है। और लाइफ स्पेन कितनी होती है प्लाज्मा सेल की हमारी, 4 to 5 डे। बी सेल बीटा सेल के प्लाज्मा सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस सेवरल एंटीबॉडीज पर डे यूनिट द डे, जब तक जिंदा रहेगा तब तक क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, बट इसके पास रिसेप्टर सेल अब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे क्योंकि प्लाज्मा सेल पहले एक्ट करता है, ठीक है, पहले हमारा लड़ना शुरू करता है, उसको पता नहीं रहता है। बाद में जब हमको एक बीमारी हो गई तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है, ठीक है। पहले हमारा जो होता है प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, प्राइमरी इफेक्ट ऑफ सेल थोड़ा लॉन्ग होता है, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि अब हमारे मेमोरी सेल है हमारे बॉडी पे प्रेजेंट हो गए हमारे सेल के अंदर, कि जैसे ही आएगा समझ जाएगा रिसेप्टर अच्छा यही थे, बिल्कुल लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट हमारे मेमोरी सेल पे, ठीक है। तो लिखा है रिकॉग्नाइज सेम एंटीजन इफ अटैक सेकेंड या सब क्यूटर टाइम, यदि बार बार हो रहा है तो हमारे अंदर पता है, मेमोरीज पता है, और इसको लड़ते जाएगा। लाइफ स्पेन क्या होती है, सम इयर्स तक रहती है हमारी मेमोरी बी सेल की, ठीक है। 4 to 5 डे वाला खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी क्या होती है, लाइफ टाइम बढ़ जाती है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है सीएमआई, ये पूछा गया आपको कि सीएमआई के अंतर्गत किसको रखते हैं हम लोग, तो किसको देखो, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में किसको रखते हैं हम लोग, टी लिम्फोसाइट, बी को नहीं रखते हैं, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट कितने तरह के हमारे, 4 टाइप के। बी की बात की जाए तो 2, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। बट सीएमआई की बात करते हैं तो हमारे टी लिम्फोसाइट है जो हमारे कितने टाइप के, हमारे 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हमारे, तो टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल एंड टी सस्पेंशन सेल, ठीक है, 4 हमारे। इसमें से आप लोगों ने नाम सुना होगा टी हेल्पर सेल, जो हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है, देखो मोर न्यूमरस, बेचारा बहुत न्यूमरस नंबर में जाने, ठीक है। रिलीज लिम्फोकाइंस, क्या निकालता है हमारा टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर साइट, लिम्फोकाइन निकालता है, जो क्या करता है, इंटरल्यूकिंस एंड मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी मोनोसाइट और इनको निकालेगा जो लड़ने का काम करेंगे किसी भी एंटीजन से या फिर फॉरेन पार्टिकल से। नीचे लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन स्टिमुलेटेड बी सेल एंड टी सेल, नंबर ऑफ टी सेल रिड्यूस इन एड्स पेशेंट, ठीक है। जब किसी को एड्स हुआ है तो उसमें टी हेल्पर सेल की मात्रा क्या होती है हमारी, कम हो जाती है, क्योंकि ये लड़ना शुरू कर देता है। और दूसरा एड्स सेल हमारा टी हेल्पर सेल की कॉपीज बनाता है और हमारे सेल को मारते हुए चला जाता है, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल क्या निकालता है, लिम्फोकाइनिन, जिसमें 2 होते हैं हमारे इंटरल्यूकिन मोनोसाइट कॉलोनीज स्टिमुलेटिंग फैक्टर बनाते हैं, यानी दोनों इकट्ठा होकर लड़ने का काम करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल या किसी माइक्रोब से। नेक्स्ट हमारा जिसको बोलते हैं टी किलर सेल या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, ये भी हमारा सेम काम करेगा। जैसे ये परफोरिंस निकाल रहा था, देखो यहाँ पे लिम्फोकाइंस है और यहाँ पे निकालेगा परफोरिंस, ठीक है। और दूसरा लिम्फोटॉक्सिन निकालता हमारा, विच किल द माइक्रोब इन्फेक्टेड सेल एक्ट अगेंस्ट कैंसर सेल। तो टी किलर सेल बेसिकली किससे काम करता हमारा, कैंसरस सेल पे, बट हमारा टी हेल्पर सेल काम करता हमारा एड्स सेल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन, यानी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो टी किलर सेल को रोकना पड़ेगा, यानी दबाना पड़ेगा। यदि टी किलर सेल एक्टिवेट हो गया तो जो आपके ऑर्गन लगे हैं दूसरे बॉडी के, दूसरे ह्यूमंस के, उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो दबाने के लिए लगेगा हमारा सस्प्रेस करने के लिए टी सस्प्रेसर सेल लगता है, सप्रेस टी एच सेल और टी किलर सेल, ठीक है, उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, केमिकल्स निकालते हैं, ठीक है। यदि केमिकल दूसरा ऑर्गन आया तो हमारा बॉडी जानता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में जानता है, पहचानता है, ठीक है, कि ये हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं है, हम दूसरा लगा रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, तो क्या करेगा, हमारा ये एक्शन नहीं करेगा और हमारा क्या होता है, ऑर्गन अपने आप रह जाएगा। अब इसको सप्रेस किए रखते हैं जब तक बॉडी धीरे धीरे सर्वाइव फंक्शन करना नहीं कर देती, हमारी बॉडी नॉर्मल ना हो जाती है, फिर इसको क्या करते हैं, हमारे एक्टिवेट जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे घर के अंदर कौन आ गया, बाद में पता चलता, अच्छा ठीक है, पता भी नहीं चलता, और फिर लड़ाई नहीं करते, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे आप लोग कभी काल चोरी छुपे से पापा या मम्मी जिससे डरते हैं,
ठीक है, बाहर चले जाते हैं बिना पूछे बताए, ठीक है, जब अंदर आते हैं तो मम्मी या पापा छुपा के आपको अंदर जाते हैं, ठीक है, फिर मम्मी चेक करती है कि आया कि नहीं आया, तो पता चलता है, पापा चेक करते हैं तो पता चलता है पहले से प्रेजेंट है, तो उसमें मम्मी पापा हमारा हेल्प कर दी अंदर आने के लिए, ठीक है, तो चलो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी सस्प्रेसर सेल, और हमारा नेक्स्ट है टी मेमोरी सेल, ये क्या करते हैं हमारा जो प्राइमरी सेल हमारा जानते हैं, जब हमारा प्राइमरी सेल हमारा कॉज क्या था, जैसे मेमोरी सेल उसमें था, बी सेल में सेम टू सेम है, जब फर्स्ट टाइम हमको डिजीज कॉज हुआ तो उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में स्टोर हो गई, जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो हमारी बॉडी उसे क्या करेगी, फाइट कर लेगी, उससे लड़ लेगी। तो ये हो गया चार हमारे चार टी सेल, ठीक है, टी मेमोरी सेल, टी सस्प्रेसर सेल, टी किलर सेल एंड टी हेल्पर सेल, और इसमें था हमारा दो। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन पी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसमें से बी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में लिखा है प्लाज्मा सेल डू नॉट माइग्रेट टू साइट ऑफ एक्शन, और ये क्या करते हैं देयर इज साइट ऑफ द एक्शन, यानी टी लिम्फोसाइट पहुंच जाता है उस साइट पे जहां पे हमको इन्फेक्ट हुआ, बट ये हमारा बी लिम्फोसाइट में जो प्लाज्मा सेल है वो नहीं जाता है, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर होता ही नहीं है, अब रिसेप्टर नहीं है तो उसको जानेगा ही नहीं, कुछ पहचान नहीं पाएगा, उसको सेंस नहीं पता चलेगा, तो वहां पे नहीं जाके लड़ता है, ठीक है, लेकिन बी लिम्फोसाइट एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस दैट इंटर बोड ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, बट ए अगेंस्ट पैथोजन विच इंटर सेल इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये हमारा बी लिम्फोसाइट बेसिकली काम करता है बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में, बट ये हमारा सब के साथ काम करता है, प्रोटिस्टा एंड फंजाई भी इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे डू नॉट एक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, अभी पढ़े हैं, ये काम करता है हमारा टी किलर सेल एंड टी हेल्पर सेल, यदि इसको सप्रेस नहीं किया गया तो क्या करेंगे हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन को या ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और ये सब नहीं पढ़ना। अब आता है हमारा एंटीजन, ठीक है, एंटीजन जानते होंगे जेनेटिक एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीजन दे इवोक द बॉडी फॉर द एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, हुआ एंटीजन हमारे अंदर आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनता है। अब देखो यहाँ पे है हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन विच डू नॉट कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज नोन एज हेप्टेन, दे कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ द ज्वाइंट विद सर्टेन प्रोटीन ऑफ द बॉडी, इनकम्प्लीट एंटीजन है, ठीक है, जो आया लेकिन हम उसके खिलाफ क्या करें कैपेबल नहीं है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, उसे को बोलते हैं हम लोग हेप्टन, ऐसा हेप्टन ऐसी, ठीक है, ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो उसके पास इनकम्प्लीट एंटीजन है, जब इनकम्प्लीट एंटीजन है तो हमारी बॉडी पहचान नहीं पाएगी, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना पाते हैं, तो उसे बोलते हैं हेप्टन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ये सब तो नहीं जानना। अब आता है कुछ हमारे एच एंटीजन है कॉमन टू ऑल ब्लड ग्रुप देयर फॉर यूजली नॉट कंसिडर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी सबके ऊपर प्रेजेंट होता हमारा एच एंटीजन, बट जब ब्लड ट्रांसफर करते हैं जिसको हम लोग मैचिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है बेंडे एट अल 1952 में फाउंड ए रेयर ब्लड ग्रुप इज नोन एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप, या उसे बोलते हैं ओएच ब्लड ग्रुप, जिसमें विदाउट एंटी एच एंटीजन, सारे ब्लड ग्रुप पे एच एंटीजन पाए जाते हैं, बट एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, तो बेंडे एट एल ने 1952 में ऐसा ब्लड ग्रुप देखा गया। अब ये आगे आपको एमबीबीएस में बताया जाएगा, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए थी, थोड़ी सी हायर लेवल की थी चीजें, और इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप मैकेनिज्म पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे होते हैं एंटीजन के बारे में, और भी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, तो ये सब जानते हो हमारा। अब आता है एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो एंटीबॉडीज जो है हमारी, ठीक है, एंटीजन के खिलाफ जो बॉडी बना रही है उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज या एगुलेटिन बोला जाता है, तो मेडिकल में सबसे ज्यादा एगुलेटिन का यूज किया जाएगा। दे आर ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन, जिसको बोलते हैं H2 एंड L2। अब देखो नीचे डायग्राम है, ठीक है, हमारा एनसीईआरटी में भी है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी H2N L2, हाइट हैवी चेन एंड लाइट चेन, ठीक है। अब देखो ये हमारा लिखा हुआ लाइट चेन, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ लाइट चेन और ये लिखा हमारा हैवी चेन, यानी ये नीचे वाला हमारा कौन सा है लाइट चेन है, और ये वाला हमारा जो कौन सा है हैवी चेन है, ठीक है।
अब देख इसको दो या तीन रीजन में बांटा गया। पहला है इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रीजन, दूसरा हमारा कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होगा। हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट रीजन या फिर एफ सी। इसमें हमारा वेरिएबल रीजन है हमारा ये वाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा वेरिएबल रीजन है, ठीक है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या करेगा एंटीजन आके अटैच होगा। देखो पहला एंटीजन जब अटैच नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडी साइट है जिसको बोलते हैं पैराटो, ठीक है, जब इस पे अटैच हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा, जब अटैच हो गया तो इसे बोलते हैं हम लोग फिर चला गया, ठीक है। अब देखो इसे बोलते हैं हम लोग एंटीजन डिटरमाइनिंग एंटीजन एंटीजन साइट, जिसको बोलते हैं हम लोग ईपीटोप, यानी एंटीजन डिटरमाइनिंग। जब तक अटैच नहीं है एंटीजन, तब हमारा जो साइट है वो कैसा है, फ्री है, तो उसे बोलते हैं पैराटोप। जब एंटीजन आके अटैच हुआ, देखो ये एंटीजन अटैच हुआ तो इसे बोलेंगे हम लोग ईपीटोप, ठीक है। एंटीजन यहीं पर अटैच होता है आके हमारा, जैसे ये हाथ है हमारा, हाथ को ओपन कर दिए और सर के ऊपर हमारा कोई भी हैवी सामान लेके चलते हैं। अभी जब कुछ नहीं है तो इसे बोलेंगे पैराटोप, यदि इसके ऊपर कुछ वेटेड आ गए तो अब हमारा कैसा हो जाएगा, ईपीटोप बोलते हैं इसे, ठीक है, एंटीजन साइट, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर जो जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। देखो ये लिखा है ना, सबके सब क्या होते हैं हमारे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिसमें दो चेन होते हैं, लाइट चेन एंड हैवी चेन। जो बोलते हैं इसे H2L2, दो साइट है पैराटोप एंड ईपीटोप। पैराटोप मतलब एंटीबॉडी साइट और हमारा ईपीटोप यानी एंटीजन साइट, ठीक है। चलो अब हमारा एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे अलग अलग। पहला हमारा आईजी इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट है आईजीए, जिसको बोलते हैं आईजीए हमारा इम्यून सिस्टम है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जो बॉडी में कितना होता है, 50-20% पाया जाता है, ठीक है, 50-20% एग्जिट इन डाइमर के फॉर्म में होता है, ठीक है। डाइमर मतलब दो, यानी हमारा देखो ये हमारा है मोनोमर और इसके नीचे भी आ जाए, यानी यहाँ पे देख इस तरह करके, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये होता है डाइमर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइमर यानी दो, ठीक है, मोनोमर हमारे, ठीक है। अब देखो ठीक है यहाँ पे बनाए हुए डाइमर, अब एक डाइमर है तो हमारा देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते होते हम लोग, पैराटोप 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 पैराटोप। नंबर आप पैराटोप कितने हैं, चार, ठीक है, तो ईपीटोप भी कितने होंगे, अब जान गए होंगे, और जे चैन इज द प्रेजेंट, जे टाइप के हमारे बन जाते हैं, ठीक है। अब आईजीए काम क्या करता है हमारा, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन विच एंट्री बॉडी ड्यूरिंग इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन, ठीक है। आईजीए मोस्ट सेकेंड एमिनेंट बॉडीज हैं जो यदि हमको कोई पैथोजन इंजेक्शन के थ्रू या फिर इनहेलेशन के थ्रू आ जाता है, उस समय जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा जो काम करता है, कौन सा है हमारा, आईजीए एंटीबॉडीज काम करता है। नेक्स्ट हमारा इट फाउंड इन कोलेस्ट्रम, यानी फर्स्ट मिल्क मदर इन द 6 मंथ तक, ठीक है, यानी मदर के मिल्क में जो हमारे प्रोटीन पाया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडीज पाई जाती है, जिसको बोलते हैं आईजीए। इसी नाते बोला जाता है कि जो बेबीज होता है उसको 6 मंथ तक मदर का ही हमको मिल्क पिलाना चाहिए, क्योंकि जो बेबीज है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसको इम्यून का हमारे जो मिलता है किससे मिलता है, हमारा कोलेस्ट्रम में मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आईजीए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाउंड इन म्यूकस में पाया जाता है, आल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी एंटीबॉडी। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, वहां पे भी पाया जाता है, ठीक है, एंड ये सब तो नहीं जानना है तुम्हारा, ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा दूसरी एंटीबॉडी, आईजीए हो गया। नेक्स्ट हमारा आईजीडी एंटीबॉडी, इसके बारे में बहुत कम है। प्रेजेंट एट द रिसेप्टर ऑन बी सेल, एक्टिवेटेड बी सेल एंड प्रोड्यूस अदर एंटीबॉडी। इसका कुछ काम नहीं है, कहता हम कुछ नहीं करेंगे, हम बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे और बी सेल अदर एंटीबॉडी जैसे लाइक है आईजीए आईजीई आईजीएम को प्रोड्यूस करने का काम करेगी। तो ये क्या होता है हमारा कि मान लो यदि ये बी सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसके मेम्ब्रेन पे हमारा क्या होती है, प्रेजेंट होगी, क्या होगी हमारे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी, कौन सी हमारी आईजीडी। ये क्या करता है, आईजीडी प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, इसको बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल से बोलेगा कि आप अदर एंटीबॉडीज यहां से सिक्रेट कीजिए, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोमर्स, यदि मोनोमर्स है तो कितने पैराटोप होंगे, 2 पैराटोप। मोनोमर्स यानी इस तरह करके हमारे ये और ये, ठीक है, ये हो गया मोनोमर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आईजीए, जो एनसीईआरटी में लिखा है,
इसको क्या होता है हमारे कब काम करता है, हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करता है, और डिस्कवरी इस तरह का बोलते हैं, ठीक है। बस याद रखना कौन सा मेन वाला, कि आईजीए एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करता है, और आईजीए कोलेस्ट्रम मिल्क में पाया जाता है, कोलेस्ट्रम मिल्क में पाया जाता है, करेगा कोलेस्ट्रम काम करता है। बट ठीक है, आपको बताया था, याद होगा कि बेबीज जब होती है, डिलीवरी होती है, तभी हमारा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन काम करता है, और इसमें सिग्नल हमारे होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ठीक है, तो इस नाते उसका इफेक्ट करता है। यदि नहीं हमारी, यदि मदर्स हो, बेबीज हमारे जो मदर्स है, यदि मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही किसी वजह से, तो हम कैटल जो होती है, कैटल्स में जो गाय है, ठीक है, यदि उनकी कोई बेबीज डेवलप हुई है, बच्चा डेवलप हुआ है, ठीक है, काल पे डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका भी यदि हम मिल्क पिलाते हैं तो भी हमको एंटीबॉडीज मिल जाएगी आईजीए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आईजी जो एलर्जिक फंक्शन में काम करता है। नेक्स्ट हमारा है आईजीजी एंटीबॉडी, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी 75%। दूसरा था आईजीए, और कैसे फॉर्म में होता है, मोनोमर्स यानी टू पैराटोज, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में, ओनली एंटीबॉडी देन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कैसे मिलता हमको ये आईजीजी, जो मिलता हमको प्लेसेंटा से मिलता है। तो ये याद रखना कि प्लेसेंटा क्रॉसिंग एंटीबॉडीज कौन सी है, आईजीजी, ठीक है। और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज एंटीजन, यदि एंटीजन आता है, अगेंस्ट आता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आईजीएम, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, लार्जेस्ट साइज में बड़ी है, जिसका मतलब यानी पेंटामर्स में है, यानी कितने पैराटोप्स हैं, 10 पैराटोप्स। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट हमारा है, ठीक है, ये हमारे दो तीन चीजें हमारी यहाँ पे मोस्ट है, ठीक है। फर्स्ट एक्टिवेशन ड्यूरिंग इनिशियल अटैक ऑफ एंटीजन, ठीक है, जब एंटीजन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी को अटैक करता है, तो जो पहला एंटीबॉडीज है कौन काम करता है, हमारा आईजीएम काम करता है। उसके बाद अनदर एंटीबॉडीज काम करती हैं, इट प्रोटेक्ट द ब्लड, ब्लड को बचाने का काम करता है, एंड अर्लीस्ट एंटीबॉडी टू फॉर्म इन द फीटस, फीटस में सबसे पहले जो एंटीबॉडीज बनती है कौन सी, हमारी आईजीएम, आईजीएम है। लेकिन ओल्डेस्ट की बात करें तो आईजीजी है हमारी, कौन सी हमारी है, आईजीजी होती है हमारी, कौन सी होती है हमारी, आईजीजी, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, आईजीजी, ठीक है, आईजीजी होती है, जो ओल्डेस्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी, जो प्लेसेंटा से क्रॉस हो, क्योंकि वो पहले मदर में था, फिर हमारा बेबीज में आ गया था, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं था, बट जैसे ही हमारा एंटीजन होता है, कॉज करता है, तो सबसे पहले आईजीएम काम करता है, फिर अनदर हमारे एंटीबॉडीज काम करती है। तो पूछा जाता है कि अर्लीस्ट एंटीबॉडी एंड ओल्डेस्ट एंटीबॉडीज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये सब फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है, वही काम करेगा हमारा, जैसे ही काम किया तो एग्लूटेशन, यानी हमारा पढ़े एग्लूटेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, कौन काम करेगा, आईजीएम आएगा, उसको किल करना शुरू करेगा। एग्लूटेशन मतलब क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, यानी डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। फिर कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद फैसिलिटेटेड सबक्यूटली फैगोसाइट इन द मैक्रोफेज, फिर मैक्रोफेज जाएगा, उसको खाना शुरू करेगा, खाने के बाद उसके जो टॉक्सिन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कौन सा हमारा, आईजीजी। तो पहला आईजीएम काम किया, फिर हमारा आईजीजी काम कर रहा है, ठीक, कौन सा काम कर रहा है हमारा, आईजीजी, हाँ पहला आईजीएम ही काम होता है, ठीक है, नहीं आईजीएम होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा फीटस बनाता है, बट आईजीजी जो था वो हमारा किससे मिला, मदर से मिल चुका है, ठीक है, प्लेसेंटा से क्रॉस होके आ चुका है, बट आईजीएम क्या होगा, उसका खुद से बना, आईजीजी ओल्डेस्ट तो पहले से बना हुआ है, घर में बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आप है, आप हो, ठीक है, आप जिस घर में रह रहे हो वो पापा ने बनाया, ठीक है, वो क्या ओल्डेस्ट घर, बट आपने यदि कोई घर बनाया या उसी के अंदर, ठीक है, आपने कोई काम किया तो नया काम होगा, ठीक है, आप जब कर रहे हो, लेकिन आपको मिला जो है, ठीक है, आपको जो जो भी आपके, ठीक है, मिला पिताजी से मिला, उसे क्या बोलेंगे, ओल्डेस्ट था आपके पास पहले से वो था, ठीक है, बट अभी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने जो बनाया वो कौन सा होगा, आईजीएम बेटा, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा आईजीएम काम किया, उसको मारना शुरू किया, फिर फैगोसाइटिंग हमारा मैक्रोफेजेस से लाएंगे, उसको खाना शुरू करेंगे, फिर हमारा जो उसका न्यूट्रलाइज टॉक्सिन द प्रोड्यूस द बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया हमारा क्या कर रही है, हमारा टॉक्सिन निकाल रही है, तो उसमें काम कौन करेगा, आईजी
जी काम करेगा, ठीक है। अब हमारा है दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, आई जी जी एंड आई जी एम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हमारा इंटीजर प्रेजेंटिंग सेल, इसको बोलते हैं हम लोग ए पी सी सेल। अब इसमें कौन से होते हैं, हमारे दो काम करते हैं, पहला है मैक्रोफेजेज, दूसरा कौन सा है बीटा सेल है, ठीक है। पहला हमारा मैक्रोफेजेज, दूसरा कौन सा हमारा बीटा सेल है, ठीक है। अब देखो कैसे हमारा काम करेगा एपीसी सेल, ठीक है। एपीसी सेल का सुनना, ये क्या करता है एपीसी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। पहले यदि एंटीजन आया अंदर, इसको परे क्या करेगा, खाना शुरू कर देगा, ब्रेक करेगा छोटे छोटे पार्ट में। और एंटीजन जो बना होगा किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा, किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। तो यदि हम प्रोटीन को तोड़े छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड फ्रेगमेंट बोला जाता है, ठीक है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट बोला जाता है। फिर उसको क्या करेगा, सरफेस पे ले आएगा, ठीक है, उसको दिखाना चाहेगा, ठीक है, बॉडी दिखाएगा, देखो हम तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए। तब हमारा हमारे टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल को पता चलेगा कि अच्छा आ गए हो, फिर वो काम करना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो इंजेशन ऑफ एंटीजन, पहले इंजेशन किया, जैसे एंटीजन आया तो उसको क्या करेगा, अपने अंदर ले लिया एपीसी सेल। अब फिर क्या करेगा, ब्रेकिंग ऑफ एंटीजन इंटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। फिर होगा फ्यूजन ऑफ पेप्टाइड फ्रेगमेंट विद एमएससी एंड प्रेजेंटेशन ओवर द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक है। एमएससी को बोलते हैं, देखो मेजर हिस्टो टेम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एमएससी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे देखना एंटीजन आया, ठीक है, देखना वही देखें एपीसी सेल के बारे में, ठीक है, कि एंटीजन आया, इंजेशन हुआ, मैक्रोफेजेस को अंदर ले लिया। देखो यहाँ पे मैक्रोफेजेस ने क्या किया, अंदर ले लिया एंटीजन को, लेने के बाद उसको किस में तोड़ दिया, हमारा पेप्टाइड फ्रेगमेंट में। हम चीजों जो भी खाना खाते हैं पहले उसको चीजों को तोड़ते हैं, ठीक है, फिर बाहर नहीं निकालते हम लोग, ठीक है, वो हमारे अंदर जाता है, फिर हमारे स्टोमक ये सब काम करते हैं, हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड फ्रेगमेंट में तोड़ दिया और उसके अंदर खुद का प्रोटीन है जिसको बोलते हैं एमएससी बोलते हैं, खुद का प्रोटीन है इसके पास, सेल्फ प्रोटीन है एमएससी, ठीक है। अब देखो ये हमारा पेप्टाइड फ्रेगमेंट हो गया, अब क्या करेगा, जो हमारा मैक्रोफेजेज है एबीसी के साथ जो हमारा पेप्टाइड फ्रेगमेंट है एमएससी, उसको क्या करेगा, सरफेस पे ले आ देगा, ठीक है, सोन इन करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा पेप्टाइड फ्रेगमेंट है और एमएससी आ गया। अब जैसे मान लो कोई चीज लिए, लेके तोड़ दिए, फिर उसको हाथ में लेके दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ब्लिंकिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये दिखाने का तरीका क्यों है, कि हमारे सेल को पता चले कि हम अपना काम कर चुके हैं, अब आइए और बाइंड करके इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस क्या क्या इनगल्प किया, तोड़ा उसको और एमएससी के साथ मिलके उसको सरफेस पे ले दिया, इसे बोलते हैं एपीसी मैकेनिज्म, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। आप जब कुछ प्रेजेंटेशन करते हो तो आप क्या करते हो, चीजों को बनाते हो, फाइल प्रेजेंटेशन आप बोला जाए, बायो का जेनेटिक्स के प्रेजेंटेशन देने जाना है तो पहले आप प्रिपेयर करोगे, छोटी छोटी चीजों को कई जगह से इकट्ठा करोगे, फाइल में दोगे, फिर आप पीपीटी के थ्रू, ठीक है, या फिर फाइल के थ्रू इसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे कहीं पे, ठीक है। तो वही काम हमारा यहाँ पे कौन कर रहा है, हमारा मैक्रोफेजेज सेल जिसको बोलते हैं, और किसके साथ, एपीसी सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। अब जब प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो हमारे कुछ रिसेप्टर्स काम करेंगे, ठीक है, कुछ रिसेप्टर काम करेंगे जो सिग्नल भेजेंगे कि इसको हमारा टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल। तो उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एमएससी की, एमएससी मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी फैक्टर जो है कॉम्प्लेक्स है कैसे काम करते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, एमएससी वन और एमएससी टू। देखो यहाँ पे है, सेट ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 इन ह्यूमंस। ये पूछा आता है कि एमएससी हमारे किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होते हैं, तो 6 क्रोमोसोम नंबर, दीज आर कॉल्ड एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इन द ह्यूमंस, ठीक है, किसमें होता हमारा एचएल ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इन द ह्यूमन, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, हमारा हेप्लोटाइप होता है, यानी हेप्लोन्टिक होता है। अब देखो यहाँ पे एमएससी या फिर एचएलएल दोनों बोलते हैं, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब दो तरीके से एमएससी वन और एमएससी टू, एमएससी वन है एमएससी टू। अब देखो ये होता है प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लियेटेड सेल, ठीक है, रुकना एक मिनट, चलो ठीक है, प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लियेटेड सेल, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट ऑन एपीसी सेल, ठीक है, एपीसी। तभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब लिखे हैं हम लोग, यहाँ एमएससी टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एपी सेल के पास कौन सा है, एमएससी टू है, ठीक है। और ये हमारा एवरी न्यूक्लियेटेड सेल के पास कौन सा होता है, हमारा एच, क्या नाम है, एमएससी वन, ठीक है। अब देखो
जो एमएससी वन यदि हमारा सोन कर रहा है किसको, पेप्टाइड फ्रेगमेंट को, तो हमारा कौन एक्टिवेटेड होगा, टी किलर सेल, बट उसके साथ रिसेप्टर यहाँ पे काम करेगा CD8+, ठीक है, कौन सा काम करेगा हमारा CD8+, बट एमएससी टू यदि है हमारा सेल के पास और वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट को दिखा रहा है, सोन कर रहा है, तो कौन किसको सिग्नल भेजेगा, टी हेल्पर सेल को भेजेगा और इसके साथ रिसेप्टर चाहिए कौन सा, CD4+। देखो नीचे डायग्राम बना के दिया गया है कि ये हमारा मैक्रोफेजेज है, मैक्रोफेजेज है और यहाँ पे भी मैक्रोफेजेज, ये कौन सा हमारा, हमारा एमएससी है, हमारा कौन सा एमएससी है, एमएससी मान लो पेप्टाइड फ्रेगमेंट को ले लिया, यहाँ पे किसको ले लिया, पेप्टाइड फ्रेगमेंट को, एमएससी वन होगा यार पेप्टाइड फ्रेगमेंट, तो कौन सा रिसेप्टर वहां पे काम करेगा, CD8+, और किसको भेजेगा, टी किलर सेल को, और यहाँ पे मैक्रोफेजेज है, ठीक है, यहाँ पे मैक्रोफेजेज है और यहाँ पे हमारा कौन सा एंटीजन है, हमारा पेप्टाइड फ्रेगमेंट है हमारा यहाँ पे और यहाँ पे, तो एमएससी वन यदि है, एमएससी टू है यदि, ठीक है, एमएससी टू है तो हमारा रिसेप्टर कौन सा एक्टिवेटेड होगा, CD4, और किसको सिग्नल भेजेगा, टी हेल्पर सेल को भेजेगा, दोनों के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हैं और दोनों अलग अलग इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एमएससी वन टी किलर सेल को, एमएससी टू हेल्पर टी हेल्पर सेल, तो टी किलर के साथ लगेगा हमारा CD8+ रिसेप्टर और टी हेल्पर के साथ लगेगा CD4 रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग, देखो यहाँ पे दिखा डायग्राम की कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म से पढ़ेंगे, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा मैक्रोफेजेज है, वहाँ पेप्टाइड फ्रेगमेंट एमएससी टू है, तो CD4 लगा, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, तो केमिकल निकाला अभी पढ़े थे हम लोग, परफोरिन और इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन निकला तो एक्टिवेट किसको किया, बी सेल है, टी सेल एक्टिवेट हुए और जाके फिर फाइट करते हैं, तो इस तरह हमारे बी एंड टी सेल एक्टिवेट होते हैं और जाके मारते हैं, तो हम लोग पहले पढ़ते थे, जब भी हम लोग दिमाग में आता है यही पढ़ते हैं कि एंटीजन आया WBC मारा, एंटीजन आया WBC अटैक किया, WBC में कौन सा कुछ जाते हैं, तो बी सेल एंड टी सेल लड़ने का काम करते हैं, बट कैसे करते हैं ये पूरा मैकेनिज्म है, ये NCERT में नहीं दिया गया और ज्यादा डिटेल में आपको MBBS में सब चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, तो हमारे मैकेनिज्म है, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, अभी है हमारे, ठीक है, एक दो दिन लगेंगे, फिर हमारा ये पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है हमारा, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन है हमारा, वैक्सीन की बात करेंगे, फिर हमारे, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, अस्थमा कुछ डिजीज के बारे में, ठीक है, फिर कैंसर और एड्स है हमारा, इम्यून सिस्टम के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था, कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने इम्यून सिस्टम के बारे में कैसे TS सेल, टी हेल्पर सेल, CD8, CD4, ठीक है, APC सेल, MSC कॉम्प्लेक्स 1, MSC कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में बात कर लिया था, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी कर लिया था और देख लिया था क्या क्या होता है, ठीक है, अब वहां से हमारे जो यहाँ पे देखो यहाँ पे टिक किए हुए हैं उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इम्यून सिस्टम के बारे में बात करना है और ये पूछा जाता है आपको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है हमारा कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, डायरेक्ट यदि हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी यानी एनर्जी के साथ काम करेगा तो उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यानी इसमें विदाउट एनर्जी, ठीक है, अपना खुद बॉडी एक्शन करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग पैसिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, आ जाओ हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, व्हेन बॉडी ऑन सेल स्टार्टेड फ्रॉम एंटीबॉडी ड्यूरिंग इनकाउंटर टू एंटीजन, ठीक है, जब इनकाउंटर होगा यदि हमारे कोई सेल को एंटीजन या डिजीज कॉज करेगा यानी उसकी डेथ होने लगेगी तब जो हमारी इम्यून सिस्टम काम करती है, बॉडी काम करती है उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज आर सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी प्रिपेयर्ड इन अनदर ऑर्गेनिज्म सच एज कॉन्ट्रैक्ट द स्नेक वेनम, ठीक है, यानी ये बात बोल रहा है हमारा क्या, ठीक है, जब हमारी बॉडी पे कोई भी एंटीजन एक्ट करता है, ठीक, कोई भी एंटीजन एक्ट करता है तो उसके खिलाफ यदि हमारी बॉडी जो लड़ना शुरू करती है तो उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, कोई भी हमको बाहर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैसिव इम्यूनिटी कि यदि हम बाहर से कोई चीज लेते हैं, यदि एंटीजन हमको डिजीज कॉज कर रहा है या फिर हमारे सेल को डैमेज कर रहा है तो बाहर से जो चीजें हम लेते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, क्या करती है, लंबे समय तक काम करती है, बट हमारा पैसिव इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है,
अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी यदि हमारी बॉडीज कर रही, कोई भी हम मेडिसिन या कोई भी चीजें हम बाहर से नहीं ले रहे हैं तो किसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। देखो लिखा है देयर इज नो साइड इफेक्ट एक्टिव इम्यूनिटी ऑन द बॉडी बट मे कॉजेस सम रिएक्शन इन द बॉडी। जैसे मेडिसिन हम लोग लेते हैं, जो भी मेडिसिन लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे स्नेक वेनम लिखा गया है तो डायरेक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी का पूछा जाता है कि जो स्नेक वेनम होता है किस इम्यूनिटी में काम करता है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इट प्रोवाइड रिलीफ अदर लॉन्ग पीरियड, ये क्या करता है इमीडिएट। जैसे मान लो हमको नॉर्मल फीवर हो गया, ठीक है, जैसे वायरल फीवर हो गया किसी को, ठीक है, एनीवन किसी को मान लेते हैं किसी भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को वायरल फीवर हो गया, यदि उसकी बॉडी खुद इम्यून सिस्टम का काम कर रही है, यदि खुद लड़ने का काम कर रही है हमारी, तो उसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और वो कुछ समय, एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक लग सकता है, बट यदि हम ओरली मेडिसिन ले लेते हैं, बाहर से मेडिसिन ले लिए, तो हमको जल्दी रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आप समझ गए होंगे, जो हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी खुद लड़ रही है, हमारी इम्यून सिस्टम खुद लड़ रहा है उस चीजों से, तो उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यदि हम बाहर से चीजों को ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ड्यू टू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ठीक है, नेचुरल एक्टिविटी इम्यूनिटी हमारी कैसे कैसे काम करेगी, अलग अलग है। देखो पर्सन रिसीविंग फ्रॉम अटैक ऑफ चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये जितने भी पॉक्स है हमारे, ठीक है, जितने भी हमारी चीजें हैं, इससे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी काम करेगी, नेचुरल बॉडी काम करेगी। अब दूसरा हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन में क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में पहले से डाल दिया जाता है, ठीक है, हम लोग पढ़े तो वीकेंड या इम्यूनिटेड हमारा, एटूनेटेड हमारा, उसको वैक्सीन को ले लिए, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बॉडी से लड़ने का काम कर रहा है किसी भी टाइम पे। ठीक है, यदि हम वैक्सीन एक बार ले लिए, यदि वैक्सीन की हमारी मान्यते हैं कि हम वैक्सीन की लाइफ टाइम या होते से पोलियो ले लिए हमेशा के लिए होता है, तो अब जब भी बॉडी काम करे तो एक तरह से इम्यून सिस्टम एक्टिव इम्यूनिटी ही है, बट कैसा है, आर्टिफिशियल, बहुत पहले ले चुके हैं। अब किसी भी एज में आपको पोलियो की, यदि वायरस हमको डिजीज कॉज कर रहा है, तो पोलियो नहीं होगा यदि हम लोग क्या लिए हैं, पोलियो की वैक्सीन लिए, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दो तरीके से टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी था उसी तरह नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमारा, एंटीबॉडी क्रॉसिंग प्लेसेंटा टू आईजीए मूविंग फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, ये हमको दूसरे से मिला है, किससे मिला, दूसरे से, मदर से, हम जानते हैं एक ही हमारा, ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा है आईजीए जो क्रॉस करता है प्लेसेंटा, और कहाँ मिलता है हमारा, मदर, ठीक है, मिल्क से या फिर मदर प्लेसेंटा से, आईजीए हमारा क्रॉसिंग द प्लेसेंटा है, और ओल्डेस्ट इम्यूनिटी हमारी एंटीबॉडीज है। ठीक है, देखो एंटीबॉडी क्रॉसिंग प्लेसेंटा आईजीए मूविंग फ्रॉम अदर मदर टू फिटस, यानी स्नेक वेनम का भी पूछा जाता है और आईजीजी का पूछा जाता है, किसको हम किसमें रखते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आईजीए एंटीबॉडी मदर मिल्क प्रोवाइडिंग द बेबी, अभी इसके बारे में हम लोग पता है कि मदर में क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आईजीजी आईजीए एंड हमारा स्नेक वेनम, तीनों को हम किसमें रखते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमको क्या होती है, हमारी बॉडी नहीं बनाती, हम खुद बाहर से इसको लेते हैं, कहीं से और ट्रांसफर होता है, तो ध्यान रखना तीन चीजों को हम बोल रहे हैं बार बार, स्नेक वेनम, आईजीजी एंड आईजीए, तीनों हमारी पैसिव इम्यून सिस्टम में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, एंटी सिरा इंजेक्शन या फिर हाइपर इम्यून सीरा। ठीक है, जैसे मान लो एंटी टिटनस सीरम लिए, ठीक है, ये भी कहता है पैसिव इम्यूनिटी, मतलब यानी इंजेक्शन, टिटनस हुआ इंजेक्शन लिए, डिप्थीरिया इसके लिए, गैस गैंग्रीन सीरम है, सीरम अगेंस्ट स्नेक वेनम, रेबीज, ये सब जितने भी हम लोग इंजेक्शन बाहर से लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, जो आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड रहता है पहले से। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने पूरी पढ़ी थी बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, फर्स्ट टाइप के फर्स्ट वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, तो ही हमारा कुछ करना नहीं है, आपको पीडीएफ मिला होगा, इसको पढ़ना बस और कुछ नहीं। देखो लिखा इट इज प्रिपेयर्ड ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक किल्ड एटेनुएटेड जर्म, इट प्रोडक्ट टॉक्सिन ऑफ द बैक्टीरिया विच न्यूट्रलाइज, विच हैज द एबिलिटी टू इवॉक बॉडी ऑफ द बॉडी फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। वैक्सीन ये सब दिया गया हमारा कि वीकेंड होता है, ठीक है, हमारा ध्यान दिया था एंटीबॉडी ऐसी वीकेंड होती है, एंटीजन के खिलाफ वो काम करती है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो एडवर्ड जी ने हम लोगों को पढ़ा था चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स से स्मॉल पॉक्स ज्यादा रहा होगा, कोई स्मॉल पॉक्स था उसका फर्स्ट वैक्सीन जो बनाए थे, कौन से बनाए थे, हमारे एडवर्ड जेनर ने बनाए थे, जिन्होंने बोला था फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है,
कुछ हमारे देखो यहाँ पे लिखा है हमारा, देखो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। ये देखो ये एमएससी तो हो गया था हमारा ये, हाँ ये ठीक है चलो। ठीक है, लुईस पाश्चर प्रिपेयर्ड वैक्सीन फ्रॉम चिकन कोलरा एंथ्रक्स एंड रेबीज, ठीक है। एंडर्स हमारे प्रिपेयर्ड वैक्सीन अगेंस्ट है मीजल, समझ हम डिजीज पढ़ लिए, बस एक बार याद रखना। एडवर्ड जीनियर स्मॉल पॉक्स, लुईस पाश्चर एंथ्रक्स रेबीज चिकन कोलरा, ठीक है। एंडर्स हमारे किसमें किए थे, मीजल्स के बारे में वैक्सीन बनाए थे, तीन साइंटिस्ट है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, आप याद हो जाए तो बेटर है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन ईमेल ईमेल वॉन है, बियरिंग है हमारे, ठीक है। ये हमारे कुछ है, पोस्ट पोस्टुलेट बताए थे आपको कि रॉबर्ट कोच डिस्कवरी फ्रॉम कोलरा एंड ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूबर क्लोसिस को बोला गया था कोच डिजीज, क्योंकि उसकी डिस्कवरी जो किया था किसने किया था, कि हमारा रॉबर्ट कोच, जैसे बोलते हैं कोच, पोस्टुलेट पोस्टुलेट क्या था, द पैथोजन कॉजिंग डिजीज शुड बी रेगुलरली फाउंड इन द होस्ट सेल, ठीक है। और कुछ नहीं था, ज्यादा नहीं था, ऐसा पढ़ना नहीं है आप लोगों को, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारे हैं वैक्सीन के बारे में, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन, कुछ है वायरल वैक्सीन, ठीक है। अब देखो लाइव जो वैक्सीन लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वैक्सीन क्या है हमारा, या तो हल्का बुला जिंदा रहेगा, ठीक है, या फिर मरा हुआ रहेगा, यही जानते हैं। तो लाइव में हमारा जो होता है, जो वैक्सीन लेते हैं किसके लेते हैं, अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं बीसीजी, बैसिलस ऑफ कॉमलेट यूरिन, हम बताए थे, ठीक है। बीसीजी का टीका हम लोग लगाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में टीवी का लगता भी है। किल्ड हमारा किसका लेते हैं, यानी जो वैक्सीन लिया किल्ड रहेगा, पूरी तरीके से मरा हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड पैराटाइफाइड बी, ठीक है, पैराटाइफाइड ए एंड पैराटाइफाइड बी, जिसको बोलते हैं टैब। वायरल वैक्सीन में किसके किसके खिलाफ हम लोग लाइव लेते हैं वैक्सीन, जिंदा रहेगा वैक्सीन हो, येलो फीवर उतना नहीं जिंदा रहेगा, हम डिजीज कार्ड कर दे, माइल्ड जिंदा रहता हो, ठीक है, माइल्ड लाइव होता है, एट्यूनेटेड वीकेंड होता है, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर, ठीक है, ये सब है हमारे, आपको मिल जाएंगे ये सब आपको। अब आ जाते हैं, देखो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हम लोगों ने पढ़ लिया था, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन पढ़ लिया था, और थर्ड जनरेशन वैक्सीन पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया पहले। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो एलर्जी हमारा है, एलर्जी में हमारा कौन सा काम करता है, आईजीई, ठीक है, ये सब ऐसे रीड करना है, कुछ करना नहीं है। हाइपर सेंसिटिव या फिर एलर्जी होती है, तो हम बताए थे कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन काम करता है हमारा एंटीबॉडी, आईजीई, जिसमें हमारा कौन सा होता है, मास्ट सेल होता है, जो निकालता है हमारा हिस्टामिन एंड सीरोटिन, ठीक है। अब जब इससे एलर्जी हो जाता है हमारा, अब एलर्जी कई तरीके से हो सकता है हमारा, पोलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, किसी को सॉप से होता है, किसी को शैम्पू से होता है, किसी को मिल्क से होता है, सबको एलर्जी अलग अलग, सनलाइट है, हीट है, कोल्ड है, फूड आइटम, ठीक है, अलग तरीके से हमारे एलर्जन है, ठीक है। एलर्जन मतलब जो एलर्जी कॉज कर सके अलग अलग चीजों में, ठीक है। तो जब एलर्जी कॉज करता है तो उनको दिया क्या जाता है, एंटी हिस्टामिन एंड एंटी सीरोटिन की टेबलेट दी जाती है, ठीक है। और देखो क्या होता है, जैसे मान लो कुछ दिया लाइसिस ऑफ सेल, जैसे मान लो हे फीवर, ये पूछा जाता है हे फीवर किसे बोलते हैं, एलर्जिक रेनिस्ट, ठीक है। पोलन से होता है, आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हम पढ़े थे पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होता है उसे बोलते हैं हे फीवर, जिससे रिस्पायरेटरी हमारे क्या होती है, चीजें खराब हो जाती हैं, रेडनिंग ऑफ आईज, रनिंग नोज, ठीक है, ये सब हमारे होते हैं हे फीवर में। अस्थमा आप लोग जानते होंगे, इन्वॉल्व लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, अपर नहीं होता हमारे, यहाँ से गले तक फेरिंग्स के नीचे जितने भी हमारे ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, वो हमारे क्या होते हैं, खराब होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लूड एक्यूमुलेशन हो जाता है, कुछ चीजें हमारी जैसे म्यूकस है, सब चीजें का जमा हो जाता है, जिससे सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाने लगता है, जिससे सांस फूलने लगता है, आप ज्यादा सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, ठीक है, तो डिफिकल्टी होती है द ब्रीदिंग, ठीक है। फ्लूड एक्यूमुलेशन अराउंड एयर ट्यूब्स कॉजिंग प्रेशर ऑन इट, ठीक है। देखो यूटेरेकिया, ब्लिस्टर ऑफ द स्किन, ठीक है, रिमेस, लोशन, नेल पॉलिश, लिप, ठीक है, इससे क्या होता है, लगाने से एलर्जी कॉज होती है, ठीक है, इचिंग होने लगती है, फिर वहाँ स्किन क्या होती है हमारी, खराब हो जाती है, घाव बनने शुरू हो जाते हैं, सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, किसी को क्रीम से है, किसी कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंजाइमा, ठीक है, रेडनिंग ऑफ स्किन फॉलोड बाई द ब्लिस्टर, ठीक है, छोटे छोटे दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, कुछ लाना होने जाती है, फूल जाती है, सलीम जाती है, सब दिया है, ठीक है, हमारी डिजीज है कुछ हमारे। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी वही है हमारा, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे स्टेरॉइड एंड एड्रेलिन दी जाती है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर दे और उससे लड़ना शुरू कर दे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारा मेन है, ये पूछा जाता है आपको डायरेक्ट, कई बार बता चुके हैं, डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में
आप लोगों को कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, व्हेन बॉडी ऑन इम्यूनिटी गोज अगेंस्ट इट सेल, ऐसे हमारी चीजें जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही डिफेक्ट करना शुरू कर दे, उसी को क्या करे, हार्मफुल पहुंचा दे, उसी को हानि पहुंचा दे, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जिसमें हमारा सबसे पहला दो ज्यादा पूछा था, देखो टिक कर रहे हैं हमारा, रिमोटाइटिक अर्थराइटिस एंड मेस्टिना ग्रेविस, ठीक है, ये दो हैं जो क्या करते हैं हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम, ये डिजीज पूछी जाती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून डिजीज में कौन सा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है मल्टीपल सिरोसिस, क्रोनिक एनीमिया, ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, आईडीडीएम टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस। टाइप 1 टाइप की मतलब जब 30 इयर्स के पहले आपको डायबिटीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा आईडीडीएम टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, तो दो आपको याद रखना, पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मेस्टिना ग्रेविस जो है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, जो हमारे खुद इम्यून सिस्टम को क्या करे, डैमेज कर दे, ठीक है। देखो अभी दिया हमारा, ठीक है, ऑटो एंटीजन, ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन जानते हो कि जब हम लोग क्या करें किसी भी रेसिपिएंट का हम लोग ऑर्गन यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या करे, अपनी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, बिकॉज क्योंकि उस समय टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल क्या है, दोनों एक्टिव है, तो क्या करेंगे, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी से कुछ नाम है हमारा, आइसोग्राफ, ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स, ऑटोग्राफ, ग्राफ्टिंग बिटवीन सेम बॉडी, अपने ही बॉडी काट के कुछ जगह पे लगाया जा रहा है, एलोग्राफ, ग्राफ्टिंग बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ सेम स्पीसीज यानी ह्यूमन और ह्यूमन से है, जीनोग्राफ, ग्राफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, तो ये कुछ टर्म है। आइसो मीन्स होता है हमारा सेम, ऑटो मीन्स सेम है हमारा, आइसो मतलब आइडेंटिकल ट्विन, ऑटो मीन्स सेम बॉडी, एलो मीन्स सेम स्पीसीज, जीनो मीन्स डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, इतना याद है। एलो, ठीक है, एलोगेमी एंड जीनोगेमी आप लोग पढ़े होंगे याद है, जीनेटोगेमी एलोगेमी है, जीनोगेमी हम पढ़े थे क्या नाम है हमारा पॉलिनेशन में, ठीक है। चलो इम्यून सिस्टम हमारा साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ये हमारे कुछ डिजीज हैं हम लोग पढ़ लिए थे, स्किड के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है, सेवरल कंबाइंड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एंड एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एचआईवी वायरस से होता है, ठीक है। अब आ जाओ हमारा जो है कैंसर, ठीक है, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा लगभग, व्हाट इज द कैंसर, कैंसर हम लोग को नॉर्मली देखो सोचो, ठीक है, नॉर्मली हमारा जब भी पढ़ेंगे हम इसको देखेंगे नीचे क्या क्या लिखा है, कैंसर हमारा, ठीक है, मल्टीपल डिवीजन यानी अनकंट्रोल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। अब पूछा जाता है कैंसर में बोला जाता है ऐसा, हम लोग सुनने में आता है कि कैंसर 1 स्टेज में या 2 स्टेज में 3 स्टेज में, ठीक है, तो होता क्या है, 1 एंड 2 स्टेज यानी कि जिस सेल को कैंसर हुआ सिर्फ उसी पे अभी स्टॉप है, दूसरे सेल को स्प्रेड नहीं किया है, फैला हुआ नहीं है, बट पूरी बॉडी में जब फैलने लगता है तो उसे बोलते हैं 3rd स्टेज ऑफ कैंसर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिविजन किया गया है, ठीक है, एक बिगनिंग और मेलिगेंट, ठीक है, 2 तरीके से हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। बिगनिंग यानी मतलब शुरुआती स्टेज होता है, यानी किसी एक ही पर्टिकुलर सेल को होगा, उससे दूसरे सेल इफेक्ट नहीं होंगे। मेलिगेंट की बात करें तो क्या होगा, पूरी उसके अगल बगल जितने सेल हैं वो क्या होंगे, डिफेक्टेड होंगे, और उसमें क्या होगा, रैपिड डिवीजन होगा और फैलते हुए चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ऑटोग्राफी करते हैं हम लोग, ठीक है, MRI करते हैं, सर्जरी करते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि कैंसर सेल है तो उसमें क्या होगा, इनहिबिशन यानी कुछ भी सेंसेशन नहीं होने वाला, ठीक है, और जैसा नॉर्मल ग्रोथ होता है, अब वहां पे नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा, रैपिड ग्रोथ होगा जो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता और एक ट्यूबर के फॉर्म में फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। देखो लिखा है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल, ठीक है, हाउ कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल, कैसे डिफरेंस है, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल, कैंसर सेल डिवाइडेड टू फॉर्म द क्लोन ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मास इज नोन एज ट्यूमर्स या फिर नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म मतलब नया सेल बनते हुए चला जा रहा, रैपिड डिवीजन हो रहा है, ठीक है। कैंसर सेल का हम यूज वेक्टर के रूप में भी किया जाता है, आप लोगों को याद होगा कि कैंसर सेल में यदि हम कोई वेक्टर का यूज कर दें यानी आर्टिफिशियल थेरापेटिक्स का यूज कर दें तो वहाँ पे मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा, फिर वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ, टाइप ऑफ ट्यूमर्स, बिगनिंग ट्यूमर्स लोकलाइज्ड इन द ऑर्गन, एक ही ऑर्गन पे होगा यानी किडनी को गया तो किडनी पे ही रहेगा, दूसरी किडनी या उसके अगल बगल जो भी ऑर्गन उसको डिफेक्ट नहीं करेगा। लोकलाइज्ड इन द ऑर्गन, डू नॉट स्प्रेड टू अनदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी,
ठीक है, इट इज लेस हार्मफुल, इट इज स्लोइंग ग्रो, ठीक है, ये क्या करता है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज, और डिटेल में आपको बताए जाएंगे चीजें। मैलिगेंट ट्यूमर, इट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इट एग्जिबिट मेटास्टेसिस, लिखा है ना हमारा मेटास्टेसिस, प्रॉपर्टी टू स्प्रेड टू डिस्टेंस साइट, ठीक है, ये क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह हमारा डिवीजन करके पहुंचता हुआ चला जाएगा, यानी मान लो किसी को एनी वन पर्सन को यहाँ पे कैंसर हो गया, तो यहाँ से स्प्रेड होते हुए ये सब स्प्रेड होते गले के अंदर तक पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं मेलिगेंट वाला, ठीक है। ग्रोथ इज मोर, इट इज हार्मफुल, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एपोप्टोसिस एब्सेंट, ठीक है, एपोप्टोसिस हमारा क्या होता है, एब्सेंट, नो प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस बिकम इनरेगुलर होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइसोसोम, यदि यदि हमारी बॉडी को कोई कैंसर सेल है, हम जानते हैं कि उसके पास लाइसोसोम भी पाया जाता है, हम लोग पढ़े हैं लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैल, तो यदि उस सेल को डैमेज हो रहा है तो हमारा एक ही इम्यून सिस्टम करेगा कि लाइसोसोम तुम ब्रस्ट हो और उस सेल को डैमेज कर दो, तो हमारी बॉडी में कुछ समय देखा था लाइसोसोम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उस सेल को क्या करता है, मारना चाहता है बार बार, लेकिन इतनी जल्दी डिवीजन होता है कैंसर सेल की, जो हमारी बॉडी डिवीजन लाइसोसोम का काम है वो क्या होता है, स्लो पड़ जाता है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, कोई भी फैक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी हार्मोन से कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और ये बढ़ता जाएगा। दे रिलीज ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर विच कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल इनसाइड ट्यूमर, ठीक है, यानी यहाँ पे एक जो ग्रोथ फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट करता है हमारा उसको ट्यूमर के लिए कौन सा होता है, एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर हो जाता है, विच कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल इनसाइड ट्यूमर, यदि ब्लड वेसल के अंदर ट्यूमर कॉज कर रहा है तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। अब देखो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ कैंसर की बात करते हैं, मेलिगेंट आउट ग्रोथ एपिथेलियम टिश्यू, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर, यानी जब हमको किस पे और सिर्फ ओनली एक्टोडर्मल लाइनिंग पे हमको कैंसर हुआ है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा बोलते हैं। About 85% of all cancer in human, जैसे देखो नीचे लिखा है ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, ठीक है, इतने जितने भी हमारे यदि एक्टोडर्मल लेयर को होता है यानी बाहरी लेयर को होता है जिसको बोलते हैं epithelial tissue, तो उसे बोलते हैं carcinoma, और ये सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं फैलने के लिए, 85% होता है हमारा ह्यूमन्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सार्कोमा, मेलिगेंट आउटग्रोथ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, यदि मेसोडर्म पे कैंसर हो रहा है लेयर पे तो उसे बोलते हैं सार्कोमा, और ये बहुत कम होता है, अबाउट 1% ऑल कैंसर, कितना, अबाउट 1% ऑल कैंसर, जिसमें देखो इसको तीन टाइप पे डिवाइड किया गया है, मायोमा, ऑस्टियोमा, लिम्फोमा, कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कैंसर ऑफ बोन्स एंड कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, तो इसको अलग अलग नाम दिया गया है, मायोमा यानी मस्कुलर टिश्यू, ऑस्टियोमा बोन, और लिम्फेटिक वेसल्स में हमारा कौन सा होता है, लिम्फोमा, जो हमारे मतलब देखा जाए तो 0.1% चांसेस हैं, पॉइंट नहीं सॉरी 1% चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा ल्यूकेमिया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, ठीक है, ये क्या होगा, मेलिगेंट आउट ग्रोथ सेल इन बॉडी एंड दे प्रिकर्सर इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर जो प्रिकर्सर हमारा किसके लिए, रेड ब्लड सेल के लिए, वहीं पे हो जाता है जिससे हमारा ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, और उसमें हमारा देखा जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, क्योंकि वो क्या करेगा, ये भी लड़ने का काम करता है तो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे अदर कैंसर के बारे में देखा है, मेलेनोमा यानी मिलेनिन साइट, जो मिलेनोसाइट है आप स्किन पे जो मिलेनिन पिगमेंट सिक्रीट करता है उस पर कैंसर हो गया, ठीक है, गिलोमा हमारा गिलिया सेल पे हो गया, एडिनोमा कोई भी ग्लैंड पे हो गया, लिपोमा एडिपोज टिश्यू, नाम से लिखा, लिपोमा मतलब लिपिड, एडिनोमा मतलब एडिनल ग्लैंड या ग्लैंड के बारे में, ठीक है, गिलिया सेल यानी ग्लोमा एंड मिलेनोमा यानी हमारा मिलेनोसाइट ऑफ स्किन, ये अदर अदर टाइप के कैंसर है, जब चेक किया जाता है तो वहां पे लिखा जाता है रिपोर्ट में कि ये हमारा कौन सा हो गया, इनको ये वाली कैंसर हो गई, यदि स्किन से रिलेटेड है मिलेनिन पिगमेंट से है तो मिलेनोमा, गिलिया सेल यानी नर्वस सिस्टम से ग्लोमा, ग्लैंड से कोई रिलेटेड है हमारा, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड है तो एडिनोमा, एंड लाइपोमा हमारा एडिपोज टिश्यू से, ठीक है। अब देखो कॉजेज ऑफ कैंसर आप लोग जानते हो कैसे होगा, ऑन्कोजेनी हमारा क्या होती है, स्टडी ऑफ द कैंसर की बात करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर इन्होंने ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोजन ही होता है हमारा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं,
कुछ हमारे कैंसर से जो जेनेटिक मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। देखो लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटो ऑंकोजिन इंटू ऑंकोजिन, ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारे जेनेटिक में कुछ चेंज कर देंगे, फॉर्मेशन इनफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि अब इसको क्या करना है, रैपिड डिवीजन करना है जिसके कारण कैंसर हो सके। ट्यूमर प्रमोटर हार्मोन्स कुछ काम करेंगे उसके साथ, ट्यूमर वायरस जो बोलते हैं वायरल ऑंकोजीन, ये पूछा था कि किससे होता है हमारा, तो वायरस से होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वायरल ऑंकोजेंस की बात करते हैं। हाँ फैट का कैंसर जिसमें सबसे ज्यादा लीवर का होता है, ठीक, उसमें फैट बढ़ता है या लॉस होता है, फैट बढ़ता नहीं है, पूरे फैट की जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, रैपिड डिवीजन करने लगते हैं, घाव बन जाता है, घाव बनने के साथ साथ वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और वहां पे देखा जाता है स्वेल अप हो जाता है, कैंसर पूरा सड़ जाता है, सेल सड़ने लगता है, उसे लीवर का कैंसर, अधिकतर हमारा फैट वहां पे यदि डिपोजिशन हो रहा है तो लीवर काम करना बंद कर देगा, रैपिड डिवीजन होगा, आउट ग्रोथ हो जाएगी, जो हमारी वहां पे पेन होने लगेगा, दूसरे सेल को डिस्टर्ब करने लगता है, ठीक है। चलो ह्यूमन पोलियोमा मतलब सर्विक्स का कैंसर हो गया, वेजाइनल कैंसर हो गया, कैंसर ऑफ पेनिस उसको बोलते हैं HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस, ल्यूकेमिया लिम्फोमा, जब निकल के हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड HSV सेकेंड, कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस का ऐसे नाम दिया गया है HIV, ठीक है, क्वेप्सोसिस सार्कोमा, सार्कोमा समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, ऐसे कुछ नाम दिए, हेपेटाइटिस बी लीवर कैंसर हमारा, ठीक है, वायरस से होता है हमारा। अब देखो कार्सिनोजन, ऐसे सबस्टेन जो हमको क्या करें कैंसर काउच कर सके उसे बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है, जैसे हमारा देखो दिया हमारा, ठीक है, कैंग्रीन कॉन्स्टेंट हीट यदि बॉडी को लेते हैं तो उसे बोलते हैं एब्डोमिनल स्किन कैंसर हो सकता है, कॉन्स्टेंट हीट लेते जा रहे हैं क्योंकि अनवांटेज रेज आती हैं, ठीक है, एक्स रेज, यूवी रेज, कुछ और भी आते हैं जिसके कारण यदि हम कॉन्स्टेंट हीट लेते जा रहे हैं, ठीक है, तो एब्डोमिनल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगी। बेटल एंड टोबैको चीजिंग जिससे बोलते हैं हम लोग ओरल कैंसर की बात करते हैं, हैवी स्मोकिंग जिससे क्या हो सकता है लंग कैंसर हो सकता है, जॉग टीट जैसे हम लोग चिलगम खाते हैं, ठीक है, सेंटा फ्रेस ये सब खाते हैं, ठीक है, बार बार मुंह को क्या करें चला रहे हैं, ठीक है, जैक्ट कर रहे हैं, तो हमको टंग कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको कॉजेस क्या कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये कोल तार ये सब नहीं पढ़ना, एक बार देख लेना आप लोगों को, यदि लगेगा मन तो आप लोगों के पास नोट रहेगा, ठीक है, आप रीड आउट कर सकते हो, बट ये आपको क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन यहाँ से उठे नहीं होंगे, ठीक है, आप देखना चाहते हो तो एक बार देख लेना, आप लोगों के पास रहेगा, ये सब चीजें भेज दी गई हैं, ठीक है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट हम किसे करते हैं, हम लोग रेडिएशन, आयनाइज रेडिएशन सच एज एक्स रेज, यूवी रेज एंड गामा रेज, नॉन आयनाइज यूवी रेज डिटेक्शन हमारा बायोपेसी करते हैं, कैन बी डायरेक्ट बाय यूजिंग एंडोस्कोप, एंडोस्कोप का यूज बताया जाएगा आपको मेडिकल में, यदि अंदर में बॉडी में कोई चीज हो गया तो एक पाइप होती है छोटी जो गले के रास्ते डालते हैं, उसमें कैमरा लगा होता है और चेक करते हैं कि किस सेल पे कैंसर किस स्टेज में पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीटी स्कैन, जानते हो आप लोग, कंप्यूटर टेनोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेमोग्राफी, रेडियोग्राफी, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट के लिए करते हैं मेमियोग्राफी, एंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर हमारा क्या करते हैं हर्सेप्टिन दिया जाता है, ठीक है, एक दवा दी जाती है हर्सेप्टिन जिसका यूज करते हैं हम लोग कैंसर में, ठीक है। पॉसिबल सिम्टम ऑफ कैंसर आप लोग जानते हो, ठीक है, कफ होगा, वॉइस में चेंजेज आएंगी, लॉस ऑफ वेट होंगे, भूख नहीं लगेगी, फीवर होगी बार बार, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल मेटाबोलिक रेट था वो क्या होगा कम हो गया है, हमारी चीजें खराब होने लगी हैं, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ना। ट्रीटमेंट आपको NCERT में दिया है सब आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी करते हैं, बार बार उनको बुलाया जाता है, लाइट रेज डाली जाती है, उस सेल को डैमेज किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेडियो आइसोटोप कैन बी यूज सच एज I-131, कोबाल्ट 16 एंड Ar-220, ये हमारा कुछ हमारे यूज किए जाते हैं। कीमोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं ड्रग्स दे सकते हैं, ड्रग्स हमारा है देखो विंसिका रोजा, ठीक है, सोर्स ऑफ टू एंटी कैंसर ड्रग, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन, ये सब चीजें हम बताए थे, ठीक है, ये सब हम टिक कर दे रहे हैं, आपको ये पढ़ना है बस, ठीक है।
देखो एड्स के बारे में भी आपको ही पढ़ना है, ठीक है, एक कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग ये सब पर चीजें पढ़ सकते हो, इस पे हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। देखो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम, यानी हमारा यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, देखिए डैमेज हो रहा है, जिसमें हमारा जिससे किससे होता है, हमारा HIV वायरस से करता है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब एड्स होता है तो हमारा टी हेल्पर सेल क्या होती है, डैमेज आते हैं, नंबर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और डिस्कवरी फर्स्ट एज वार रिपोर्टेड बाय जून 1981 इन USA, रिपोर्टेड बाय सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एज ए रेयर कॉजेज न्यूमोनिया, कॉजेज फंगस न्यूमोसिस्टिक कार्सिनस एंड न्यूमोनिया, ऐसा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। पैथोजन जानते हैं हम लोग कौन सा है, HIV, ठीक है। अमेरिका में टू फॉर्म है हमारे, HIV 1 HIV 2। देखो यहाँ पे HIV का हम लोग डायग्राम भी बना लिए, वैसे आपको डायग्राम नहीं पूछा था। और कैसा होता है हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है हमारा, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन एड्स के, ठीक है। तो हो सो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको HIV को पढ़ लेना, ठीक है। बस मेन याद रखना है कि HIV होता है 5 to 10 ईयर्स में इसके सिम्टम्स अपियर होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है हमारा एड्स, इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर्टेन ईयर्स 5 to 10, ठीक है। ट्रांसमिशन जानते हो, डायग्नोस हम लोग पढ़ लिए, इलीजा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दिया है ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ठीक है, आप लोग जानते हो कि देखो डल इसमें देखो क्या हमारा ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज में कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें देखो दिया है सेडेटेटिव हाइपोनोटिक्स ओपियोइड स्टिमुलेंट एंड हैसुलेंजेस, ठीक है, जिसमें आता हमारा कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ये दो तीन ड्रग्स आपको दिए हैं NCERT में जो हमको यहाँ पे रीड आउट करना है। तो पहला आ जाओ सेडिटेटिव हाइपोनोटिक्स की बात करें, ठीक है, ये क्या करता है, अभी लॉकडाउन में यही हुआ था सबसे ज्यादा ड्रग्स के बारे में चर्चा चली थी हमारे बॉलीवुड के मित्रों पे कुछ लोगों को, ठीक है। सेडिटेटिव हाइपोनोटिक्स रिड्यूस एक्साइटमेंट ऑफ इंड्यूस स्लीप, ठीक है, यदि हम मान लो ठीक है ज्यादा डिप्रेशन कंडीशन में चले गए हैं तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं ड्रग्स का यूज करते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे हमको क्या आती है नींद आती है और हम अच्छे से सो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो दिया डिप्रेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड रिड्यूस स्लीप, ठीक है, नींद आना देती है, कोई टेंशन हमको सेंट्रल जब नर्वस सिस्टम ही नहीं काम कर रहा तो हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिकुलाइजर्स यूज किया जाता है। अब देखो कुछ हमारे हैं केमिकल्स यूज हैं, जैसे बाइबिरेटर्स बेंजो डाइजेपिन्स वैलियम एंड डाइजेपम, ठीक है, देखो सब दिया डिराइव्ड फ्रॉम बारबिट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा है यहाँ पे पहला था हमारा ए सेडेटिव हाइपोनोटिक्स, दूसरा ओपियोइड, या देखो अभी किससे मिलता है, देखो डायरेक्ट हमारे NCERT में क्या पूछा है, ओफीम प्लांट है हमारा जिसको बोलते हैं पॉपी प्लांट से मिला गया है, डिराइव फ्रॉम पेपेवर सोमनी फेरम, साइंटिफिक नेम उस प्लांट का क्या नाम था, पेपेवर सोमनी फेरम, कॉमन नेम बोलते हैं पॉपी प्लांट। और किससे मिलता है हमारा डिराइव लेटेक्स ऑफ अनराइपेंड कैप्सुलर फ्रूट, ठीक है, ओपियम प्राप्त किया था, ये भी क्या होता है हमारा ड्रग्स की तरह यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे हम इसको लेते हैं तो हमारे हमारे बॉडी में ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होते हैं इनके पास रिसेप्टर होते हैं और इन्हीं को डैमेज किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में समझना, इसे बोलते हैं ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम डिराइव लेटेक्स ऑफ अनराइपेंड कैप्सुलर फ्रूट ऑफ पॉपी प्लांट और साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनी फेरा। रिसेप्टर्स ऑफ ओपाइड आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको हमारे डैमेज करते हैं, ठीक है। देखो क्या करता है, स्लो डाउन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स एंड सप्रेस ब्रेन फंक्शन, और इसको लेने के बाद फिर क्या होता है कुछ देर बाद को नींद आती है, सब कुछ भूल जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बट ऐसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कुछ हमारा कि कैसे कैसे प्राप्त करेंगे ओपियोइड, कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, एक हमारा नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक और तीसरा सिंथेटिक, ठीक है। तो जब नेचुरल नहीं मिलने लगा तो हम लोग कैसे यूज करने लगे सिंथेटिक, ठीक है। देखो दिया मेथाडोन्स एंड पेथिडिन और ये दोनों का फंक्शन क्या होता है हमारे सेम होते हैं, ठीक है। देखो मॉर्फिन जानते हो आप लोग, मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन यूज पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी का भी यूज किया जाता है, मेन एल्कलॉइड्स है, ठीक है। ये हमारे आर्मी जो होते हैं FMC वाले होते हैं हमारे जो आर्मी में होते हैं उनको सिर्फ अलाउ होता है, ठीक है। यानी किसी वार में किसी को डैमेज हो गया अगर तो बहुत ज्यादा पेन होता है तो उस समय हम लोग मॉर्फिन का भी यूज करते हैं सर्जरी के फॉर्म में,
नेक्स्ट हमारा माइल्ड एनाल्जेसिक हमारे यहाँ, ठीक है, जो एलर्जी कुछ कॉज करती है या फिर हमको नींद जाते हैं, जैसे कफ सिरप हमारे उसमें कोडीन्स होता है। हीरोइन की बात करते हैं तो आप लोग नाम सुनी हो हीरोइंस का, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाया मॉर्फिन बना होता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का ही एसिटाइलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। CH3Cl के हीरोइन का फॉर्मूला जो होगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन प्लस हमारा इसको हमारा एसिटाइलेशन करके हम लोग मॉर्फिन बनाया जाता है। मोस्ट एडिक्टिव ऑफ ऑल फाइड इट कैन कॉल्ड ब्राउन शुगर एंड स्मैक, ये भी बोला जाता है मॉर्फिन को। मार्केट में मिलता भी है, कहीं कहीं चोरी छुपे मिलते हैं चीजों को, ठीक है, या फिर कहीं कहीं चीजें हैं। इट कैन बी कॉल्ड ब्राउन शुगर है, इसमें इज इट 3 times पोटेंट देन मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन से ज्यादा हमारा एक काम करता है हीरोइन, ठीक है। इसको क्या करते हैं आप लोगों ने पिक्चरों में देखा, इनहेल करते हैं नोज से, ठीक है, इंजेक्शन लेते हैं ओरल इंजेक्शन, खाते भी हैं हाथ को लगा कर, सूंघते भी हैं, ऐसे करके हीरोइन से लिया जाता है। और ये भी क्या करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा पेथिडीन, जो हमारा क्या है सिंथेटिक, हमारा केमिकली अनरिलेटेड टू मॉर्फिन सिमिलर इफेक्ट, देखो अनरिलेटेड उससे केमिकल में अलग है, हमारा फॉर्मूला अलग है बट सिमिलर इफेक्ट है दोनों का, मेथेडिन और वो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कुछ हमारा ये सब नहीं। अब देखो नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल यूज में, जैसे हमारा है कोफीन कैफीन कोकीन्स एंड एम्फीटेमिन्स, ठीक है। अब देखो जैसे कैफीन की बात करते हैं, आप लोग जानते हो कि चाय पीते हैं तो उसमें क्या होता है कैफीन होता है, जिसका फॉर्मूला है 1,3,7-ट्राई-मिथाइल जेंथिन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट कॉफी प्लांट एंड कोका प्लांट, ठीक है, ये 3 चीजों से मिलता है, लीफ ऑफ टी प्लांट सीड ऑफ कॉफी प्लांट एंड सीड ऑफ कोका प्लांट से कैफीन मिलता है। अब इसको चाय या कॉफी पीने से होता क्या है हमारा, ठीक है, कहीं कहीं कोल्ड ड्रिंक पे भी लिखा होता है कि इतना परसेंट कैफीन इसमें पाया जाता है, इंक्रीज कार्डियक एंड रिस्पायरेटरी एक्टिविटी इसको बढ़ा देता है, डिस्टर्ब रीनल फंक्शन यानी किडनी को फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, माइल्ड डायरेटिक, ठीक है, यानी यूरिन हम लोग क्या करते हैं यूरिनेशन में जाते हैं, इनडाइजेशन करता है खाने को कम करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख लगने को समाप्त कर देता है। तो ये इफेक्ट होता है हमारा चाय एंड कॉफी पीने से, इंक्रीज कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, डिस्टर्ब रीनल फंक्शन करता है यानी किडनी के फंक्शन जो वाटर है सब रिजॉर्प्शन होता है उसमें कुछ दिक्कतें कर देता है, माइल्ड डायूरेटिक कर देता है हमारा, इनडाइजेशन यानी हमारी जो डाइजेशन प्रक्रिया उसको डिस्टर्ब करता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी भूख लगना खत्म हो जाता है इसको पीने से। नेक्स्ट हमारा है कोकीन्स, हमारा है कोका एल्कलाइड बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कोक एंड क्रैक्स, ये पूछा था एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमारा, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ कोका प्लांट जिसको बोलते हैं एरिथ्रोजाइगम कोका बोला गया है साइंटिफिक का नेम, इट इज नेटिव फ्रॉम साउथ अमेरिका, इट इंटरफेयर्स द ट्रांसपोर्ट इन द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, डोपामीन यदि सिक्रेट होगा तो हमारे ब्रेन की मात्रा हमारी ब्रेन के फंक्शन क्या हो जाएंगे स्टॉप होने लगते हैं, ठीक है। यदि इसके हाई डोज लिख लेते हैं हाई डोज लेते हैं तो उसे बोलते हैं हेसुलेंजे, ठीक है, यानी भ्रमित होना, ऑल्सो कॉज्ड बाई प्लांट एट्रोपा बेलेडोना जिसको बोलते हैं धतूरा, धतूरा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हरा हरा येलो फूल होता है व्हाइट फूल होता है कहीं कहीं, तो इसको लेने से आदमी भ्रमित होता है, 3-4 आदमी दिखने लगते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हेसुलेंजेस बोला जाता है, जिसमें हमारा देखो एक हमारा है कोकाइड हो गया, एम्फीटामिन सिंथेटिक एलोगस टू एड्रेलिन, एड्रेलिन का नाम जानते हो कि आप लोग, एड्रेलिन हमारा इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है, बट इसकी मात्रा यदि ज्यादा रहने लगते हैं तो हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। ऑल्सो कॉल्ड पिपिल्स या सी स्पीड अपर्स या एंटी स्लीप ड्रग्स, ठीक है, एंटी स्लीप ड्रग होता है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ठीक है, अब इसका नहीं कि सर ये ले लेंगे तो हम टेस्ट देने में इंक्रीजन होगा, ठीक है, इंक्रीज टॉक एक्टिवनेस, ठीक है, इंक्रीज वर्क कैपेसिटी, ठीक है, कुछ ये हमारे ड्रग्स हैं जो लेने से हमारा कुछ अच्छे काम भी हो जाते हैं कभी काल, ठीक है, जिसमें हमारा कभी काल क्या करते हैं कुछ स्पोर्ट पर्सन क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन बट जब चेकअप होता है तो ड्रग्स लिए होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, ये कुछ फंक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, दौड़ने लगते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे जो लाइफ साइकिल है उसकी चीजों को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा हेसुलेंजेस, ठीक है, अल्टरनेट फील्डिंग ट्रॉप प्रेसिपिटेंस, ठीक है, पर्सन कैन स्पीड साउंड एंड हियर
नियर कलर्स, ठीक है। अब देखो जो जो सबसे पहला हमारा LSD, लार्सिटिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ठीक, ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी ऑफ क्लेवियस परप्यूरा, जिसको बोलते हैं इग्रोट फंगस, इट इज हार्मफुल फॉर CNN। LSD यही हमारा बॉलीवुड में सबसे ज्यादा, ठीक है, खोजा गया, तो LSD की वहां पे चल रहा था खोज, ठीक है सर। नैनो टेक्नोलॉजी भी डायग्नोस और डिटेक्शन, ठीक है, हाँ नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, लेकिन वो माइल्ड हमारा मॉलिकुलर चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो LSD हमारा हेसुलेंट जैसे काम करता है, कुछ और नाम दिए हैं जो आपको इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है हमारे। अब इसके बाद आता है हमारा कैना विनॉइड से, ऑप्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, किससे मिलता है हमारा, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है, इट एक्टिव इंडिग्रेंट टू टेट्राहाइड्रोएनाबोल्स, ठीक है, इट रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन और कॉज डायलेशन ऑफ पीयूपी, ठीक है, ठीक है। अब देखो फ्लावर लीव्स एंड रेजिन यूज द वेरियस कॉम्बिनेशन फ्रॉम ड्रग एज सच एज भांग चरस गांजा एंड हसीस, ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स, ये भी ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है, भांग चरस गांजा एंड हसीस के रूप में नाम दिया जाए, जिसमें कुछ लीफ कुछ सीड कुछ फ्रूट कुछ उसके रसेज होती हैं जो उसको लिया जाता है। गांजा देखो कहाँ से मिलता है, गांजा इज ऑप्टेन बाय द यूजिंग ऑफ अनफर्टिलाइज डिराइव्ड, ठीक है, फीमेल इन इन फ्लोरो सेंस, इन फ्लोरो सेंस में होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन है इन फ्लोरो सेंस बोलते हैं, वहां से हमको गांजा मिलता है, ठीक है। चलो अब गांजा हमारा कैनाबिनॉइड्स है, ये भी एक ड्रग्स की तरह हमारा। अब देखो एल्डोसेंस एंड ड्रग्स एब्यूज, ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं है, एल्डोसेंस इट इज ब्राइट लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इट पीरियड 12 to 18 years, इट इज कलेक्टेड बाय द बिहेवियर चेंज इन मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम लोग एडोलेसेंस कंडीशन में आते हैं तो हमारी बॉडी में कई चीजें मेंटल फिजिकल कई चीजें चेंज होती हैं, हम जो सरवाइव करते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, हम किसी गलत संगत में पड़ने की और बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे दिया तुम्हारा देखो क्लॉकिंग द पोर्स ऑफ स्किन, इनफ्लक्स ऑफ सेक्स हार्मोन, हार्मोन की मात्रा उसमें बढ़ती है, ठीक है, तो एक्साइटमेंट बढ़ता है, चीजें बढ़ती है जो हम गलत तरीके में चले जाने के, ठीक है, गलत संगत में पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छी लगती है उस समय हमारी चीजें, जैसे हम लोग स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इसको बचाने का काम है। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस में होता है इनएबिलिटी टू कंक्रीट एंड एंजॉय थिंग्स, ठीक है, बोलते हैं लोग एंजॉय होती है इससे अच्छी चीजें होती है, बट हमारी लाइफ क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है हमारा, देखो नाम हमारे कुछ कुछ है, हम जानते हैं ये सब चीजें, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, कि कॉजेज ऑफ ड्रग एब्यूज, फिर इसको एडिक्शन एंड डिपेंडेंट, जैसे मान लो कि कोई चीज रिजल्ट आई या कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें घर वाले बहुत डांट रहे हैं, चीजों को हर बार प्रेशर आता है, ठीक है, तो बंदा क्या होता है कि उस चीजों प्रेशर हटाने रिलीज होने के लिए कुछ उसको गलत रास्ते या गलत आदमी के संगत में पड़ के वो इन ड्रग्स का यूज करने लगता है, उसको रिलैक्स फील होता है, तो उसको लगता है चीजें अच्छी हैं, उस तरीके से चला जाता है, तो उसको हमको रोकने की जरूरत है चीजों को, ठीक है, सोशल एज वेल एज स्कूल में चीजों को पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए चीजों को, ये सब चीजें क्या गलत है क्या क्या सही है हमारा, ठीक है, वो ये सब बॉडी, ठीक है, कि उस और एक लगता है कुछ उसको पीने या खाने से कुछ एनर्जी मिलती है तो भी उसको बहुत अच्छा लगता है कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, बट ये सब चीजें हमारी बॉडी को बहुत डिफेक्ट करती है, जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, इफेक्ट ऑफ लीवर, एल्कोहल फैटी लीवर होता है, हेपेटोसाइट गेट फिल्ड विथ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बाई विच द न्यूक्लियस शिफ्टिंग टूवर्ड्स द वन साइड, न्यूक्लियस मतलब हमारा जो DNA RNA को डैमेज कर डाइजेस्ट कर रहा था वही जगह शिफ्टेड हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाते हैं ज्यादा पीने से, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस मीन्स हमारा जो हेपेटाइटिस सेल है हमारा हेपेटोसाइट सेल है लीवर का, वो क्या होता है डैमेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल किरोसिस है, जिसमें हमारा है हेपेटोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट गेट्स डीजनरेट डिपोजिशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी जैसे सेरिबेलम को इफेक्ट पड़ेगा हमारा सिग्नल को, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 थायमिडीन बोलते हैं थायमिन, ठीक है, ये सब चीजें होती है, तो ये सब आप लोग जानते हो, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वैसोप्रेसिन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो क्या क्या करना हमारा। और देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल का विकल्प पूछ दिया जाता है फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हम यदि एल्कोहल पीते हैं तो माउथ से ही डाइजेशन उसका शुरू हो जाता है, ठीक है।
टोबैको का जानते हो, तम्बाकू, लंग कैंसर, इपिफाइसेमा, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रोंकाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये सब स्मोकिंग्स होता है। टोबैको चूइंग करते हैं तो ओरल कैंसर होता है, ठीक है। तो फिर इसमें लिखा है आपको एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा हुआ कैसे प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंट एंड टीचर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, पेरेंट और टीचर की। अवॉइड अंडर प्रेशर, प्रेशर नहीं देना है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पुलिस प्रेशन प्रोफेशनल, हम उसको ट्रीट करें, ठीक है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट। यदि हम कहीं देख लिए हैं कि ये बंदा हमारा, ठीक है, हमारा स्टूडेंट है या फिर जो भी है कहीं पे है, तो आपको तुरंत पेरेंट्स को बताना चाहिए कि चीजें कर रहा है, जिससे उसको हम लोग क्या कर सके, प्रेम से या अच्छे से उसको, ठीक है, समझाए चीजों को। ये सब बहुत गलत चीजें हैं, इससे सब लोग दूर रहे तो ही बेटर है, हमारे देश की तरक्की होगी, ठीक है। चलो अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज हमारा क्या होगा, चैप्टर फिनिश हो गया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो ट्वेल्थ में हमारा रिप्रोडक्शन पूरी चैप्टर खत्म हो गया, यूनिट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट खत्म हो गया, ठीक है। फिर हमारा ह्यूमन हेल्थ डिजीज खत्म हो गया हमारा आज, और हमारा क्या खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स चैप्टर खत्म हो गया, उसमें इवोल्यूशन बचा है। इवोल्यूशन को कभी हम संडे को इस तरह करके छोटा चैप्टर है, ज्यादा इसमें जो पूछा जाता है सिर्फ उसी को पॉइंट ऑफ फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कुछ इसमें एक दो चैप्टर हैं, जैसे माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, एंड स्ट्रेटजी ऑफ फूड इनहांसमेंट है, ठीक है। उस चीजों को पढ़ के हम क्या करेंगे, जल्दी से फिनिश कर दिया जाएगा। तो आपको कोई ह्यूमन हेल्थ डिजीज में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप बता सकते हो। हाँ, स्टार्ट करेगा जब भी जल्दी जल्दी पॉसिबल है, ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीक या इस वीक में आपको ऐसा किया जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऑब्जर्व किया जा रहा है, अभी क्या है, ऑर्डर तो आ गए हैं बट प्रॉपर तरीके से चीजों को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। सरकार अभी पूरी तरीके से अलाउ नहीं की है, ठीक है, इस नाते अभी यहाँ पे फेस टू फेस स्टार्ट करना थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं हर जगह। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा, मे बी ठीक है, आपको बताया जाएगा। आज सर आज फिजिक्स की शायद फिजिक्स की क्लास हो गई, आदित्य पाठक जी शायद फिजिक्स की क्लास, हाँ फिजिक्स की क्लास हो गई, हाँ इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगी फेस टू फेस। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं बेटा कि फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाए, जिससे इंटरेक्ट हो हम लोग सामने, ठीक है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। आपके डाउट होते हैं, जो भी चीज़ें होती है अच्छे से जाती है, हम समझ रहे हैं आपको चीज़ों को बेटर, ठीक है। तो जैसी होगी आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा बेटा, ठीक है। पहले सबसे जरूरी है सेफ्टी, ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की क्लास होती है 4:30 से 5:30 पे होती है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, वो सर आपको बताएंगे। अब हमको ऑर्डर ऊपर से मिलता है, 1 बजे क्लास है, ठीक है, तो कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आता है आपको सेंड कर दिया जाएंगे, पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। पहले देखो बेटा, देखो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी फर्स्ट प्रीफ्रेंस है उसको हम देखें, ठीक है। फर्स्ट प्रीफ्रेंस यानी आपको जब तक नीट क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक आप कॉलेज में नहीं जा पाओगे, तो पहले हम लोग नीट वाला देख लें, जल्दी से फिनिश करते जितनी चांसेस है, 2-3 महीने की बात है, कॉलेज वाला कोई 5 साल चलेंगे, तो पहले हम नीट क्लियर कर लें, तो ही तो हम जाएंगे वहाँ पे, तो नीट क्लियर कर लेंगे जाएंगे, तो आप मे भी दोनों अटेंड करो, यदि नहीं हो पाला छूट जा रहा है किसी वजह से, तो दोनों आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपकी वर्क को बढ़ानी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा हमारे साथ, जैसे हम दौड़ रहे हैं वैसे आपके साथ आप भी दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा फिजिक्स की क्लास नहीं, हमको आइडिया नहीं है सर बेटा फिजिक्स की क्लास, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है कृष्णा, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। देखो जिस टॉपिक से आपको, देखो इसको नोट लेना और एनसीईआरटी बैठना है, ठीक है। एनसीईआरटी देखो ह्यूमन हेल्थ डिजीज क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में बहुत ज्यादा थी, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें, देखो उतना जरूरी है, डिजीज आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया वायरस और ये सबसे, और तीसरा हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पहला हमारा काम है, फर्स्ट प्रिफरेंस हमारा एनसीईआरटी कवर करना, तो एनसीईआरटी कवर के साथ साथ हम थोड़ा ऊपर भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लिखा रहता है कि 70% फॉलोड बाई एनसीईआरटी बट 30% आउट ऑफ सिलेबस, तो 30% यानी 108 नंबर, ठीक है, और 300 कुछ होता है हमारा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो वहाँ इस तरह हम लोग पढ़ाया जाता है, तो पहले आप लोग एनसीईआरटी के टॉपिक इसमें कवर होते हैं, तो एनसीईआरटी पहले पूरी अच्छी तरीके से समझना, पढ़ना, जो भी डाउट हो तो आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, जैसे भी
ठीक है, उसके बाद इसको उठा के उसके साथ से मैच करके पढ़ना तो हो जाएगा आपका। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन? सर एक टाइम पे चलो, ठीक है। अभी हमारे तो यहाँ पे चैप्टर हमारे ही हो गए, हमारे पूरे के पूरे चैप्टर है कंप्लीट हो गए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा जिसको बोलते हैं माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, इसको हम लोग पहले खत्म कर लेंगे माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ नहीं है, इसका भी हम पीडीएफ ही शेयर करेंगे, बट अभी आपको बता दे रहे हैं। देखो माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में होता क्या है हमारा, कि इसमें हम लोग ब्रेकर्स इस, ठीक है, ये सब चीजों की बात करते हैं कि हम लोग ब्रेड कैसे बनाएंगे, चीज कैसे बनाएंगे, कर्डिंग किससे यूज करेंगे, कुछ हम लोग मिल्क की बात करेंगे, मिल्क का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह हमारा यहाँ पे। फिर एल्कोहल की बात करेंगे कि कैसे कैसे बनाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एक मिनट बेटा, किसी का डाउट आया? सर ये सब पीडीएफ करके लर्न नीट आराम से निकल जाएगा ना? नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा और इसको पढ़ने के अलावा आपका नीट आराम से क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं। और फेस टू फेस मिलेंगे और भी चीजें हम बातें करेंगे वहां पे कैसे कैसे करना है। ठीक है, आप यदि नोट पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपके लिए सभी सीएनटी से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ एक और काम करना है, क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, और आराम से 300 नंबर आ जाएंगे बेटा, ठीक है, कोई टेंशन देने वाली बात नहीं। आपको जब पेपर दिया जाएगा तो बताया जाएगा, देखो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। देखो हमारी एनसीईआरटी से इस बार का नीट जो पेपर था सारा एनसीईआरटी से था, जितने क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन की बात करें तो सब उनको छुड़ा कर सारे एनसीईआरटी थे। बस हमको एनसीईआरटी पिकअप करने आना चाहिए कि पिक कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो चीजों को थोड़ा लिख के छोड़ दी गई है, अब उसको आपको अच्छे से समझना, चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो बोलती है कि यदि आप पढ़ रहे हो तो आप वो जानती है कि हर जगह आप पढ़ रहे होगे डिटेल में चीजों को, ठीक है, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। सर आज नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं क्या? कल से आज ही शुरू करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, वैसे तो 15 मिनट का ही टाइम है अपने पास, ठीक है। देखो तो हम बस इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में जो बात करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग पहले ब्रेड की बात करेंगे, ठीक है, कि ब्रेड कैसे बनता है। तो ब्रेड बनता है हमारा, उसमें हमारा ईस्ट का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं ब्रेकर्स ईस्ट, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सरसेना, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, किसकी, एमाइलेज माल्टेज एंड जाइमेज की बात किया जाता है, ठीक है। अब देखो स्टार्च हमारे हम बोलते हैं कि स्टार्च खा रहे हैं तो स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है, माल्टोज, माल्टोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज फिर किसमें कन्वर्ट होता है हमारा, इथाइल एल्कोहल का। यदि हम लोग ग्लूकोज में एंजाइम डाल दिए, कौन सा, जाइमेज एंजाइम डाल दिए, तो ये काम होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अब उसको बोलते हैं सॉफ्टनेस बनाने है, तो सॉफ्टनेस कोई भी चीज, जैसे ब्रेड होता है सॉफ्ट होता है और उसमें देखते हो पोर्स होते हैं, CO2 वहां से निकलता है, तो CO2 से जब बबल्स निकलते हैं तो चीजें क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, सॉफ्ट एंड स्पंजी होती हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे कर्ड, कर्ड बनाने के जो हम लोग दही देखते हो कि दूध जाते हैं उसको गर्म करते हैं, उसमें हम लोग दही डालते हैं, थोड़ा सा नींबू डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा कर्डिंग के लिए जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल, ठीक है, वो हमारी बैक्टीरिया जो क्या करती है, मिल्क से कर्ड बनाने का काम करती है, ठीक है। तो हमारा लैक्टोज है, लैक्टिक एसिड, ये पढ़ेंगे कर्डिंग हमारा। फिर पूछा था कि जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं कैसीन, ठीक है। अब कैसीन क्या होता है, पहले हमारे यदि हम लोग दूध पीते हैं तो पूछा था कि दूध और दही में हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, ठीक है, दूध एंड दही में कर्ड या मिल्क जब पी रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये आप लोग एक क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में पूछा गया है, तो हमारी दही हमारे जो है दूध के रिस्पेक्ट में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दही में होता है विटामिन B12 और इसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिल्क की बात करें तो, ठीक है, ये सब चीजें हमारी कुछ है, ठीक है, जिसमें हम लोग कर्ड पढ़ेंगे। फिर हम लोग चीज की बात करेंगे, चीज सब लोग खाते हैं, घर पे भी होता है हमारा, ठीक है, पिज्जा जाते हैं तो चीज की बात करेंगे। फिर हमारा कुछ
टोडी है, ठीक है, टोडी प्लांट है। टोडी मतलब हमारा जो यहाँ पे हमारा यहाँ का नहीं है, हमारे जो अलग है देश का, हमारा सम इंडिया ड्रिंक्स ट्रेडिशनल ड्रिंक बोला जाता है, जैसे साउथ में है, यूपी में है, बिहार में है, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। फिर कुछ बेवरेजेज हैं, वाइन्स है मैम हमारे, ठीक है, बेवरेजेज, बियर्स, एल्कोहल्स की बात करें, वाइन से, ठीक है, कैसे बनाए गए हैं। फिर एंटीबॉडीज की बात कर ली, एंटीबॉडीज हमारा फर्स्ट एंटीबॉडी आपको पता होगा किसने बनाया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है, याद होगा आपको, पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया था, ठीक है। इसी तरह कुछ बात करेंगे, फिर हमारा ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, फिर हमारा सेडिमेंटेशन है, ठीक है, फिर हमारा काम खत्म है, इसमें ज्यादा नहीं है हमारा, ठीक है। फिर बायो हर्बिसाइड है, बायो इंसेक्टिसाइड, यानी यदि हम कल इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कल ही फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा इस तरह है, तो आप लोग कोई डाउट हो, आज डाउट सेशन भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, नहीं तो पहले आपको एक पीडीएफ भेज दी जाएंगी। और ह्यूमन हेल्थ डिजीज को एनसीईआरटी से भी रीड करना बेटा, ठीक है, तो माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर का तक कर लेंगे, फिर स्ट्रेटजी ऑफ इनहांसमेंट, फूड इनहांसमेंट एनसीईआरटी से रीड करना, ज्यादा कुछ रीड है नहीं करना है, जितना एनसीईआरटी है सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा, स्ट्रेटजी ऑफ फूड इनहांसमेंट, तो एक यूनिट ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा लास्ट का इको सिस्टम, जिसको हम बाद में करेंगे, उसके हम लोग जाएंगे 11th में, बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है, तो इस वीक में ही हम लोग प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया जाएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेहिचक बेटा।